खुश आमदीद दीवानों, वेलकम टू लव कनेक्शंस। मेरा नाम है लीना शाह एंड दिस इज हसनी नवीद आफ्रिदी। आप तमाम दोस्तों को प्रोग्राम लव कनेक्शंस में खुश आमदीद एंड थैंक यू सो मच लीना। You're more than welcome. I'm really happy today. You are? Yes, I am. Oh, that's great. Okay. It was a surprise for me. मुझे लगा शायद वो भूल गई होंगी आप। मैं क्यों भूलूंगी? मैंने कहा मैं बचा के रखूंगी, जब तक मेरी बारी नहीं आएगी तब तक। ओके, अच्छा ये इसलिए था? हाँ हाँ, ये इसलिए था। मैंने बकायदा पूरा प्लानिंग की हुई थी एंड आई थॉट के यू नो वी आर गोना डू इट इन अ वेरी डिफरेंट स्पेशल वे। और उस दिन नहीं बर्थडे तो क्या हुआ, हम ट्यूजडे को सेलिब्रेट तो करेंगे ना। थैंक यू सो मच, मुझे रियली बहुत अच्छा लगा। और आविश के वो तमाम दोस्त जिन्होंने इस बार थोड़ा सा गिला किया था, लास्ट ईयर इत्तेफाक था कि उस दिन प्रोग्राम भी था मिडनाइट फंगामा। अच्छा, तो जो 6th एनिवर्सरी थी उस पर भी प्रोग्राम हुआ था। ओके, प्रोग्राम्स का पिछले तमाम 6 वर्षों का एक रिव्यू था और जो बर्थडे सेलिब्रेशन थी वो भी थी लाइव। तो इस बार मुझे ही लगा कि यार वक्त इतनी तेजी से गुजर गया, एक चीज बार बार बड़े एहतमाम से हो तो शायद वो इतनी अच्छी नहीं लगती। वो एक साल बहुत बड़ा साल होता है, लेकिन मुझे लगा ना, मैंने कहा इसको बिल्कुल रेगुलर शोज करते हैं, कुछ ऐसा नहीं करते। तो कुछ दोस्तों ने कहा यार ये क्या किया आपने। हाँ। तो इत्तेफाक है कि चलें, वैसे ना सही तो इस तरह से सही। नहीं नहीं बिल्कुल, आज का शो जो है वो प्रॉपर एक बर्थडे शो करेंगे हम। नहीं हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गई। अच्छा, गुजर भी गई ना, देखें आज तीसरा दिन। ओके, आपने मुझे कह दिया, ठीक है। yes. आपने खुद भी कर लिया। ओके, हम रेगुलर टॉपिक्स पे बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन जितनी कॉल्स आएंगी, जितने एसएमएस मैसेजेस आएंगे और जिसमें कि आपको सब हैप्पी बर्थडे कह, हैप्पी टुडे, यू आर? यस आई एम। ओह दैट्स ग्रेट। ओके, इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, मुझे लगा शायद वो भूल गई होंगी आप। मैं क्यों भूलूंगी, मैंने कहा मैं बचा के रखूंगी, जब तक मेरी बारी नहीं आएगी तब तक। ओके, अच्छा ये इसलिए था? हाँ हाँ, ये इसलिए था। मैंने बकायदा पूरा प्लानिंग की हुई थी एंड आई थॉट के यू नो वी आर गोना डू इट इन अ वेरी डिफरेंट स्पेशल वे। और उस दिन नहीं बर्थडे तो क्या हुआ, हम ट्यूजडे को सेलिब्रेट तो करेंगे ना। थैंक यू सो मच, मुझे रियली बहुत अच्छा लगा। और आविश के वो तमाम दोस्त जिन्होंने इस बार थोड़ा सा गिला किया था, लास्ट ईयर इत्तेफाक था कि उस दिन प्रोग्राम भी था मिडनाइट फंगामा। अच्छा, तो जो 6th एनिवर्सरी थी उस पर भी प्रोग्राम हुआ था। ओके, प्रोग्राम्स का पिछले तमाम 6 वर्षों का एक रिव्यू था और जो बर्थडे सेलिब्रेशन थी वो भी थी लाइव। तो इस बार मुझे ही लगा कि यार वक्त इतनी तेजी से गुजर गया, एक चीज बार बार बड़े एहतमाम से हो तो शायद वो इतनी अच्छी नहीं लगती। वो एक साल बहुत बड़ा साल होता है, लेकिन मुझे लगा ना, मैंने कहा इसको बिल्कुल रेगुलर शोज करते हैं, कुछ ऐसा नहीं करते। तो कुछ दोस्तों ने कहा यार ये क्या किया आपने। हाँ। तो इत्तेफाक है कि चलें, वैसे ना सही तो इस तरह से सही। नहीं नहीं बिल्कुल, आज का शो जो है वो प्रॉपर एक बर्थडे शो करेंगे हम। नहीं हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गई। अच्छा, गुजर भी गई ना, देखें आज तीसरा दिन। ओके, आपने मुझे कह दिया, ठीक है। yes. आपने खुद भी कर लिया। ओके, हम रेगुलर टॉपिक्स पे बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन जितनी कॉल्स आएंगी, जितने एसएमएस मैसेजेस आएंगे और जिसमें कि आपको सब हैप्पी बर्थडे कह रहे होंगे, बिकॉज ऑलरेडी मैं फेसबुक छांट चुकी हूँ। अच्छा, और इसलिए मैंने आपको कहा है, बल्कि सिर्फ हसनी को हैप्पी बर्थडे नहीं, बल्कि लीना को भी हैप्पी बर्थडे। हाँ, आपकी भी तो गुजरी है ना। के मैसेजेस यू नो आए हुए हैं कि शायद उनको शक पड़ा कि शायद लीना की ना हो, जिन्होंने यू नो शुरू से नहीं सुना होगा। okay. अभी जो सेगमेंट हुआ है, थैंक यू सो मच बिलू भाई अबू राशिद। यस, बिलू भाई और अबू राशिद का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी मुझे नहीं बताया, आपने कहा बुला रहे हैं, मैंने कहा क्या हो गया, खैरियत तो है। तो ये ऐसा टॉपिक रख ली जिसपे मेरे भी व्यूज कुछ पकड़ने के, आप बताओ क्या कहते इस बारे में। एक्चुअली शाम को आई वॉज शेयरिंग माई यू नो माई सरप्राइज विद बिलू भाई एंड आई सेड कि मैंने इस तरीके से करना है। तो मैंने कहा कि आप और अबू राशिद ना थोड़ी देर वेट कीजिएगा ताकि हम इकट्ठे केक काटें और सब लोग इंजॉय करें। तो ही सेड कि तुम ऐसा करो कि तुम जो है ना 10 मिनट पहले आ जाना शो में। तो मैंने कहा ओके व्हाई नॉट। तो ही सेड कि हम यू नो लाइक 15-20 मिनट की हम ये करेंगे और हम लव कनेक्शंस में भी थोड़ा बैठेंगे और आपस में डिस्कशंस भी करेंगे। तो रोकना था ना लव कनेक्शंस। अब वो साइन आउट कर दिया, मेरे ख्याल में उन लोगों को भी जाने की जल्दी थी। अच्छा। लेकिन थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया बिलू भाई और अबू राशिद, आप दोनों का भी और मुल्तान फैसलाबाद और कराची के तमाम दोस्तों के एक साथ आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। ना सिर्फ हमारी बल्कि जिन जिन दोस्तों की आज बर्थडे है, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, आपको कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, many many happy returns of the day and may you have many 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 more. जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है आपसे कहेंगे आपको आपकी वेडिंग एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। एब्सोल्युटली, और हमारा आपका साथ रहता है सुबह के 5 बजे तक लाइव फ्रॉम कराची, लाइव अक्रॉस कराची, फैसलाबाद और मुल्तान। और इस हफ्ते में 2 बहुत इंपॉर्टेंट दिन गुजरे हैं हसनी की लाइफ में भी और मेरी लाइफ में भी एक दिन इंपॉर्टेंट गुजरा है। इनफैक्ट लास्ट ट्यूजडे को जब हम इस बात का जिक्र कर रहे थे तो मैंने उस दिन बात नहीं की इस बारे में। Thank you.
इसलिए क्योंकि मुझे याद ही नहीं था. अच्छा यस, मेरा तो पता चल गया है क्या खास बात. यस यस, मुझे याद ही नहीं था इनफैक्ट. और जब मैं फ्राइडे को जब मैंने अपना शो फिनिश किया है तो इनफैक्ट शो के दौरान मुझे यस मुझे याद आया. याद आ गया. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. इनफैक्ट जब मैंने फ्राइडे को आधे शो के बीच में मुझे एकदम से ख्याल आया, मैंने कहा ओ माय गॉड, बिकॉज मैं किसी को इम्पोर्टेंट बात भूल गई. आप मुझे सितंबर खत्म होने का पता नहीं चला. अच्छा, मुझे अंदाजा नहीं, जबकि ये सारी बात हो रही है कि क्रिकेट फोबिया में तो नहीं थी आप. वेल देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन बिकॉज़ अभी थोड़ी देर में मैंने ट्रैवल भी करना है थोड़े दिनों में और काम का लोड भी ज्यादा है. एंड यस, क्रिकेट सीजन है 103 पर, उसका मैंने बताया. मैं किसी अपने दोस्त से बात करी, मैं कह रही यार देखो 1st October आने वाला है. मुझे ये अंदाजा नहीं है कि 1st October 2 दिन बाद है. सो फ्राइडे नाइट आई रियलाइज्ड एंड आई सेड मैं क्या करूं, ओके आई जस्ट से इट ऑन एयर कि संडे को कुछ स्पेशल करेंगे हम. और संडे को आई जस्ट वेंट ऑन एयर विद दिस. चलें, अभी तो आपने बताया, सो उससे जुड़ी कई सवाल आते हैं जो आपसे जरूर पूछेंगे. okay. ऑन एयर भी जरा उस बारे में बताइएगा. चाय आ गई हमारी, जो yes. हमने केक खाया वो अब हमारे हलक से नीचे जा सकेगा. बिल्कुल. अच्छा, आज पोइट्री नहीं है. सो लीना जो है वो क्या भूल आई, डायरी? आज मैं अपनी डायरी भूल के आई हूँ. ये डायरी भूल आई और मुझे जिस टाइम में पोइट्री सर्च करनी होती है वो केक काटने के लिए बुला लिया. सो इस वजह से आज हम शायरी प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सके. बट आज का यानी गुज़श्ता जो दिन है, बड़ा एक हॉट फेवरेट जो इशू है, ये खुशी की बात है. वो है पाकिस्तान की जीत और सेमीफाइनल में पाकिस्तान का पहुंच जाना. एब्सोल्युटली. और मुबारक हो सबको. yes. पाकिस्तान टीम को भी. क्या कहें उन दोस्तों को जो बहुत तनकीद करते हैं, गालियां देते हैं. इट्स अ पैकेज ना. या यू नो, बट देखें एट द एंड ऑफ द डे इस दुनिया में हर चीज जो है ना, ये मैं क्या कहते हैं, रंग में भंग मिलाना वाली बात करी. एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मनी इन दिस वर्ल्ड. ये इस बात की हकीकत है और बस यही है. अच्छा, यही है. that's how it is. Yes, it's a very interesting game. और बस इस गेम में दिल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि संडे को जो मेरे साथ हुआ, हसनी अगर मैं आपको बता दूं ना तो आपका शो भी था ना. ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और हम लोग सुबह से डिसाइड ये कर रहे हैं कि हमने जाना कहाँ है. ओके. और इनफैक्ट 5 बजे से हम लोग इकट्ठे हुए, 5 बजे से 6 बजे तक हमने ये डिसाइड किया है कि हमने जाना कहाँ है. फाइनली हमने एक वेन्यू डिसाइड किया, उस वेन्यू में गए तो पता चला वहां पे नॉन मेंबर्स अलाउड नहीं थे. तो बिकॉज इट वॉज अ बिग नाइट, डिसाइड ये कर रहे हैं कि हमने जाना कहाँ है. ओके. और इनफैक्ट 5 बजे से हम लोग इकट्ठे हुए, 5 बजे से 6 बजे तक हमने ये डिसाइड किया है कि हमने जाना कहाँ है. फाइनली हमने एक वेन्यू डिसाइड किया, उस वेन्यू में गए तो पता चला वहां पे नॉन मेंबर्स अलाउड नहीं थे. तो बिकॉज इट वॉज अ बिग नाइट एंड अ बिग गेम एंड एवरीथिंग, तो कुछ नॉन मेंबर्स भी थे. तो फिर हम वी वेंट समवेयर एल्स मैच देखने के लिए. अच्छा, हम जहां पर पहुंचे हैं ना, वहां पर ना फुल बफे शफे भी है. मैंने कहा जबरदस्त, बड़ा मजा आएगा. हम लोग इतना खुश चल रहे हैं ना कि मैच भी देखेंगे और टिक्के शिक्के भी खाएंगे एंड इट्स गोना बी अ फन नाइट. सही. अभी हम लोग वहाँ बफे पर बैठे ही नहीं है, अभी हम लोग जो है वहाँ जो वेटिंग एरिया वहाँ पर बैठे हुए हैं और मैच शुरू हो गया. उनका बफे जो है वो 8 बजे शुरू होना था. तो अभी हम वहाँ पे मैच देख रहे हैं तो देखते देखते हम थोड़ा इन्वॉल्व हो गए. हमने कहा चलो थोड़ी देर में चलते हैं. जैसी चौथी विकेट गिरी है ना, सब कुछ गया. सब लोग उठ के खड़े हो गए, लेट्स गो. और हम वहां से उठ के आ गए. अब हमने मैच नहीं देखना, ऐसी जगह जाओ जहाँ दूर दूर तक मैच की आवाज ना आ रही हो. अच्छा, मैं यही कहने लगा था कि एक वक्त था लोग गेम को मतलब एंजॉय करने जाते थे, गेम देखने जाते थे, लेकिन अब हम गेम देखने नहीं जाते, हम जीत कैसे रहे ये देखने जा रहे होते. मतलब हमारी एक चलें ठीक है जज्बा है, गेम से दिलचस्पी आपकी, आप इस वजह से भी देख रहे होते हैं. अगर आपको सिर्फ रिजल्ट ही चाहिए तो आप इतना टाइम क्यों अपना वेस्ट करते हैं. देखिए हसनी, आई बिलीव दैट क्रिकेट इज अ वेरी थ्रिलिंग गेम, स्पेशली ये T20 का जो कॉन्सेप्ट है, ये है T20 इसलिए बिकॉज इसमें थ्रिल ज्यादा है क्योंकि इसका टाइम स्पैन कम हो चुका है. लेकिन जब आपको ये लगे कि आप गलती से ये किसी इंटरनेशनल टीम को नहीं, आप गली की बच्चों की टीम को खेलते हुए देख रहे हैं, तो इंसान कहेगा यार क्या फायदा, वो गेम ही इंटरेस्टिंग नहीं है. अच्छा, कोई खेल ही नहीं रहा. मैं ये कहता हूँ कि जब ये बात डन है, तयशुदा है कि कुछ भी हो सकता है, इट्स अ क्रिकेट, या तो कुछ भी हैरान कौन नहीं है. यस, बिल्कुल. पाकिस्तान इज इन द सेमीफाइनल्स. यस, आज बड़ी कंफ्यूजन रही पाकिस्तान के मैच जीतने के बावजूद भी. सब लोग कहते रहे इन है नहीं है, इन है नहीं है. लॉट ऑफ पीपल वर कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन फाइनली वी मेड इट. यस, वी मेड इट. और यही हमारे लिए खुशी की बात है, इसलिए कहेंगे अगेन सबको बहुत बहुत मुबारक हो. एंड वी विश एंड प्रे के इंशाल्लाह ताला सेमीफाइनल भी हम जीतें
और फाइनल भी हम ही जीते. Yeah, that would be great. Yes. That would be great. और उसकी सेलिब्रेशन तो एक अलग ही बात होगी. लेकिन अब भी बहुत सारे दोस्तों की कहने यार बस अब हम हारे हैं जीते कोई फायदा नहीं है हम इंडिया से नहीं जीत सके. मैं इस चीज पे आकर कहता हूँ कि यार ये क्या सोच है. ये एक्चुअली में हम लोग एक्सट्रीमिस्ट है ना एट द एंड ऑफ द डे. और वो लोग भी इतने ही एक्सट्रीमिस्ट हैं. इट्स नॉट जस्ट अस बिकॉज पाकिस्तान से बाहर रहते हुए जहां पर आपको वेरियस डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ मिंगल करना पड़ता है वहां पे आप बांग्लादेशी कम्युनिटी के साथ इंडियन कम्युनिटी के साथ मिंगल करते हैं और आपको वहां जाके पता चलता है कि आग दोनों तरफ इक्वली भड़क रही है. वहां के लोगों से भी यही कहेंगे कि यार गेम के उन्होंने क्या बना दिया. लेकिन मैं सिर्फ इनकी अपनी बात नहीं कर रहा. ये हर गेम में इस वक्त तकरीबन ऐसा ही. यस मैंने कहा ना एक वक्त था लोग गेम एंजॉय किया करते थे. यार ये इसकी सलाहियतें देखते हैं जो भी गेम है बॉक्सिंग है फुटबॉल है. लेकिन अब वो इमोशंस से बहुत ज्यादा जो है ना उससे जुड़ चुकी हैं और ऐसे में फिर सिर्फ गेम नहीं होती ना. हम गेम को कोई दूसरा अच्छा खेलेगा हम उसे अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते. यस yes. लेकिन अभी मैं ये सोच रही हूँ हसनी कि खेल जो है वो कितनी कितनी जबरदस्त एंटरटेनमेंट है. कि जब से ये T20 शुरू हुआ है तब से हमारा ध्यान बटा हुआ है. बिल्कुल बहुत सारे इश्यूज से हमारा ध्यान बटा हुआ है. बहुत सारी चीजें जो कि शायद हमें डिप्रेस कर देती होंगी वो अब हमें डिप्रेस नहीं कर रही हैं. और मेरी आई सो वांट पाकिस्तान टू विन सिर्फ इस वजह से कि मैं चाहती हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ जाए. और हो सकता है उस तरीके से आए वना के लोगों को रोजगार मिल रहा है तो मुझे रश्क होता है वाकई में. और मैं ये सोचती हूँ कि ये गेम्स पाकिस्तान में भी होनी चाहिए. ये एंटरटेनमेंट के ये रोजगार के मौके हमारे लोगों को भी मिलने चाहिए. और आई सो होप पाकिस्तान शुड विन बिकॉज आई एम श्योर कि दैट विल ओपन अप डोर्स फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट इन पाकिस्तान. इंशाल्लाह. So, इस वक्त हमें एक ट्रैक शामिल करना है. Yep, that's right. प्रोग्राम का फॉर्मेट शामिल कर ले. क्या करें? प्रोग्राम के फॉर्मेट के बाद मतलब बता दें उन दोस्तों को जिन्होंने फर्स्ट टाइम आज ट्यून इन किया पहले तो आपको अगेन खुश आमदीद. और उसके बाद आपको बता दें आज के लव कनेक्शन जो है वो है क्या चीज. इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर डीप फीलिंग्स. इसके कुछ सेगमेंट्स हैं जिन पर हम आप दोस्तों को लाइव प्रोग्राम में शामिल करते हैं लाइक थ्रू लाइव कॉल्स 111 111 103 पर. अगर आप अपने बचपन की मेमोरीज को शेयर करना चाहें आज की तारीख गुज़श्ता तारीख या आने वाली तारीख आपकी ज़िंदगी में कोई खास बात है जो इन तारीखों से जुड़ी कुछ उस हवाले से कहना चाहें आपको खुश आमदीद कहेंगे. रिसेंटली आपने कुछ अचीव किया है कोई आपने प्राइज विन किया है उस मुतालिक बात करना चाहें कोई लाइफ में बहुत बड़ी अभी खुशखबरी आपको मिली खुशी मिली उस मुतालिक बात करना चाहें कोई जिंदगी की कामयाबी है जो इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए जो आप समझते हैं ऑनर शेयर करेंगे बहुत सारे लोगों के लिए. यस और खुदा ना खास्ता कोई नाकामी है लेकिन ऐसी नाकामी जिससे आपने कोई पॉजिटिव इंस्पिरेशन ली हो कोई लेसन आपने लिया हो कोई ऐसी चीज शेयर करना चाहें आपको खुश आमदीद कहेंगे. अपने पेरेंट्स को आप ट्रिब्यूट देना चाहें आप कॉल कर सकते हैं 111 111 103 पर. किसी ने आपके लिए कुछ किया बहुत कुछ किया आप उन्हें थैंक्स कहना चाहें उन्हें क्रेडिट देना चाहें अपने जज्बात का इजहार करना चाहें आपको खुश आमदीद कहेंगे. रिसेंटली आपने पैचअप किया किसी से उस मुतालिक बात करना चाहें खुदा न खास्ता कोई आपसे नाराज है उसे मनाना चाहें कोई दोस्त काफ़ी वक्त से आपसे रबते में नहीं है उन्हें आवाज़ देना चाहें आप कॉल कर सकेंगे प्रोग्राम में 111 111 103 पर. सेलफोन से या कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो जीरो. और आज के हमारे सेगमेंट के बारे में जो कि आपने कहा कि मिस्टेक्स के बारे में भी एक सेगमेंट है तो वो कोटेशन ये थी दे आर नो मिस्टेक्स इन लाइफ दे आर ओनली लेसन्स. यस जिंदगी में कोई गलतियां नहीं है सिर्फ सबक है. और वो मिस्टेक जिसमें कोई लेसन ना हो उसे याद रखना फजूल है. Yes, वो होना ही नहीं चाहिए. Yes. सिर्फ सबक सीखें बस. और अगर सबक नहीं इट मींस के फिर बंदे का काम हो गया फिर वो गलती करके बहुत बड़ा नुकसान उठा रहा है अगर उसने उससे कोई सबक नहीं सीखा. सो इसी तरह का कोई लेसन किसी मिस्टेक से किसी नाकामी से आपने सीखा उस मुतालिक बात करना चाहें ये भी आज के प्रोग्राम का सेगमेंट है. लेकिन इस वक्त हम शामिल कर रहे हैं एक ट्रैक आप दोस्तों के लिए. इस ट्रैक के बाद हम कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट यानी आज की तारीख आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है इस बारे में आप शेयर करना चाहें आपको खुश आमदीद कहेंगे 111 111 103 पर. Alright friends, welcome once again. 2:29 आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लव कनेक्शंस मस्त FM 103 कराची स्टूडियोज से. मैं हूं आपके साथ हसनी
और मेरे साथ मौजूद हैं लीना शाह. That's right. और आपकी कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे. पहली कॉल विदाउट एनी डिले. आज शो कितनी जल्दी शुरू कर दिया हसनी हमने. हाँ, मैंने कहा था आज पोइट्री नहीं है तो चलें आज जरा डिफरेंट करते हैं थोड़ा. Yes, why not? मैच की थोड़ी बात करनी थी ना हमने. Yes. So, इस वक्त है हमारे साथ एक कॉलर फैसलाबाद से. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम जी. नाम बताइए. फैसलाबाद से नाजिश ना जी. क्या हाल है नाजिश जी? बिल्कुल ठीक ठाक. काफी आप सुनाई आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं, आपका शो का वेट कर रही थी तो जी. क्या हाल है नाजिश जी? बिल्कुल ठीक ठाक. काफी आप सुनाई आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं, आपका शो का वेट कर रही थी तो शुक्र है आप आ गए. उसकी वेट पर आप लोग नहीं आते हैं. ये कब हुआ? जब आप शो नहीं करती थी तब वो आना थे. अच्छा, मैंने बीच में हम वो तो मैं लाहौर में थी ना, यहाँ होते हुए समझा नहीं क्या कहा इन्होंने कि अक्सर आप लोग नहीं आते. हसनी ने तो कोई कितना अर्सा हो गया हसनी शो मिस किए हुए? डेढ़ दो महीने हो गए. अच्छा, तो इसका इल्जाम हमारे ऊपर धर दिया जी. कॉल करना मिलना एक जायज बात है. जायज है, जायज है. आप कर सकती है. हम नहीं आए थे, हमने शो ही नहीं किया था उस दिन. फिर मैं ऐसे कह देती ना कि आपने शो ही नहीं किया था. इसका पहले तो बात यह है ना कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है. मैंने पहले भी एक बार कॉल की थी और मैंने जब ये कहा था कि मुझे आप दोनों को बहुत पसंद है क्योंकि आप दोनों कराची में रहते हो. अच्छा, हाँ, मुझे... यस यस यस. और कराची में कोई खास रहता है ना? जी बिल्कुल. ओए होए, ओके ओके. यस बिल्कुल बिल्कुल याद है. तो क्या खास बात है आज के दिन से रिलेटेड? ये बात है कि मेरे लिए पिछले दिन बहुत बुरे गुजरे. ओह क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ तो वो जिससे वो प्यार करता है उसकी डेथ हो चुकी है. अच्छा, तो उसने मुझे उसका कसूर हुआ और उसने मुझे ठहराया कि तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ है. क्यों? कहता तुम रोती थी ना मेरे पीछे तो तुम्हारी बदवाएं लगी हैं मुझे. ओहो, अच्छा. तो मुझे काफी बुरा लगा ये सुन के कि बंदा भी तुम्हें तुम्हें इतनी बदवाएं क्यों दूंगी ना, मेरा दिमाग खराब है. तो ये तुम्हारी वजह से वो अब इस दुनिया में मेरी तो मुझे छोड़ के चली गई है. तो इसको कितना अर्सा हो गया इस वाक्य को? इस बात को ये फ्राइडे वाले दिन इसकी डेथ हुई है. किस दिन? ये फ्राइडे वाले दिन. अच्छा, फ्राइडे को ही? ओह ओके. अच्छा, फिर उसका काफी मेरी जो बुराइयां भी हुई उसमें. फिर बार ये कहता है मेरे लिए उस लड़की के लिए कुछ पढ़ के मुझे दो ना जो मैं उसको बख्श दूँ और वो मैं और कुछ नहीं कर सकता. मुझे पता है तुम ये कर दोगी ना. मैंने कैसे ली तो मैंने वो भी सब कुछ पढ़ लगा रहा था पढ़ के जैसे भी जो किसी से पढ़ा आगे मैंने उसे दिया तो वो मुझसे बात ही नहीं करता था. जबकि मेरी जिंदगी में जब भी कुछ बुरा होता तेरी उसे होता है ना तो मुझे इतना बुरा लगता है ना. तो मैंने अल्लाह तला से इतनी रो रो के दुआ की ना. मैंने कहा अल्लाह मुझे उस रास्ते पर चला दी जो तेरी तरफ होते अल्लाह तला ने मुझे उस रास्ते पर चला दिया. हकीकत बात है मुझे उस लड़के की याद तक नहीं आती है. बात करने को दिल नहीं करता उससे. अच्छा, तो फिर बस ठीक है ना. अगर बात करने का दिल नहीं करता तो नहीं करें बात. चलिए, वी विश एंड प्रे के आपके लिए हालात और जो चीजें ना वो मजीद बेहतर हो जाएं. हाँ, और दिल पे लेना नहीं है, बस जाने दो, कोई मसला नहीं. ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं लेना. कराची में बहुत लोग हैं और चैलेंज जबरदस्त. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का नाजिश. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. और ईट जी, ये थे हमारे आज के प्रोग्राम की पहली कॉलर. सेकंड कॉलर होल्ड पे हैं. सेकंड कॉलर ट्राई करते हैं. होल्ड पे थे लेकिन उनकी लाइन ड्रॉप हो गई. उप्स. सो लेट्स ट्राई. अस्सलाम वालेकुम जी. ये शायद अपनी गुफ्तगू में है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम. नाम बताइएगा. कौन? होल्ड पे थे लेकिन उनकी लाइन ड्रॉप हो गई. उप्स. सो लेट्स ट्राई. अस्सलाम वालेकुम जी. ये शायद अपनी गुफ्तगू में है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम. नाम बताइएगा. वालेकुम सलाम. जेब रेहान बात कर रही हूँ मैं. कौन? जेब रेहान. जेब क्या हाल है?
मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से कॉल किया? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से बात कर रही है, तो ये बताएं ज़ेब के आज के दिन से रिलेटेड कोई खास बात है आपकी जिंदगी में? है तो सही। अच्छा, वो क्या है? वो क्या है? ऑन एयर नहीं बता सकती क्या? आप ऑन एयर ही हैं इस वक्त। मगर कैसे? अच्छा एक बात बताएं, आपने कहाँ कॉल की है? लाहौर स्टूडियोज, मुल्तान, फैसलाबाद या कराची? आई थिंक वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। एनीवे, आप इस वक्त जो है आपने कराची स्टूडियोज कॉल किया है। इस वक्त लाहौर में एक डिफरेंट शो चल रहा है कुद्दूस मस्ताना के साथ। इस वक्त लीना और हसनी के साथ जो शो है, इट्स अक्रॉस कराची, फैसलाबाद और मुल्तान। यस। अच्छा, फेसबुक पर जो दोस्त हैं आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम के किसी सेगमेंट पर आपने कुछ कहना हो, आप आज के प्रोग्राम का जो ऑफिशियल फैन पेज है facebook.com/love.connections, इस फैन पेज पर तमाम सेगमेंट्स जो हैं वो डिटेल में लिखे हुए हैं। आप चाहें तो उस पोस्ट पर कमेंट कर सकते हैं किस सेगमेंट से रिलेटेड क्या कहना है। हम कोशिश करेंगे इसी पेज से आपके कमेंट्स भी शामिल करें। यस, वी विल डू दैट। यस। और पोइट्री तो आज के प्रोग्राम में बिल्कुल नहीं। एसएमएस करना चाहते हैं अगर आप, तो KHI लिखेंगे सबसे पहले मैसेज में, और क्योंकि शो लाइव कराची से आ रहा है तो कराची का शॉर्ट KHI, और उसके बाद स्पेस, और फिर अपना नाम और अपना मैसेज, और इसको 6278 पर भेजेंगे। करोड़ों मैसेजेस में से करोड़ों मैसेजेस की तरफ जाएंगे। अच्छा, और अगली कॉल भी थोड़ी देर में शामिल करेंगे, लेकिन पहले रेडियो करियर जो होता है वो चंद सालों पर मोहित होता है। चंद साल होते हैं और उसके बाद फिर कुछ खुद छोड़ के चले जाते हैं, कुछ वो जिसे कहते हैं सरवाइव नहीं कर सकते। यस, माशाल्लाह 15 बरस मामूली बात नहीं होती। यू आर राइट। यू नो आई वेंट, जब मैं फर्स्ट टाइम लंदन गई थी, वहाँ पर AIY रेडियो के स्टूडियोज में एक खातून से मेरी मुलाकात हुई थी, एंड एट दैट टाइम मुझे रेडियो करते हुए इतने साल नहीं हुए थे। सो आई शी सेड टू मी कि जी मुझे रेडियो करते हुए 15 ईयर्स हो गए। आपको बड़ी हैरत हुई? और मुझे बड़ी हैरत हुई, और जब मैं वापस जा रही थी, आई वॉज ऑन द बस, तो मैं ये सारा टाइम ये सोचती ही जा रही थी, ओ माय गॉश, जब मुझे 15 इयर्स अगर होंगे भी या नहीं होंगे, और होंगे तो उस वक्त क्या हो रहा होगा। एंड वाओ, दिस इज अमेजिंग, एंड इट्स नथिंग बिग टू बी। मेरा रेडियो तजुर्बा तो उससे दुगना है आपका, माशाल्लाह तजुर्बा। कोई माने नहीं रखता उसके सामने। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, हर दिन माने रखता है। कई एतबार से माने नहीं रखता, कई एतबार से। अभी डिटेल में डिस्कस करें तो आप भी एग्री करेंगे कि हाँ ये बात तो है। बहरहाल, फर्स्ट शो से मुतालिक बताएं ना, बहुत सारे लोगों को बड़ा क्रेज होता है कि आप इस फील्ड में आए कैसे। उस दिन संडे को भी ये बात हो रही थी, और किसी ने मुझसे पोस्ट भी पूछी थी, द फर्स्ट, द बेस्ट शो एंड द वर्स्ट शो, एंड द फर्स्ट, एंड द फर्स्ट शो। द फर्स्ट शो वॉज 1st October 1998, एंड इट वॉज 7 o'clock इन द मॉर्निंग, और 7 to 8 o'clock तक का शो था। FM 101 की ट्रांसमिशन का आगाज हुआ था। इट वॉज लाहौर स्टेशन लाइव शो। इट वॉज अ लाइव शो, यस। और उससे पहले 2 दिन हमें प्रैक्टिस करने को मिला था उनकी टेस्ट ट्रांसमिशन के जरिए, वो भी ऑन एयर था, सब कुछ ऑफ एयर कुछ नहीं हुआ था। और मैं ऑडिशन देने नहीं जा रही थी, मेरी मामा ने मुझे जबरदस्ती धक्के दे के भेजा था। वो पहचानती होंगी ना? यस। सो इट्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक्स टू माई मॉम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सेंडिंग मी इन। इन 15 ईयर्स में कोई भी दिन ऐसा, ये दिन नहीं कह सकती, इन 15 इयर्स में कोई भी वक्त ऐसा नहीं गुजरा जब मैं रेडियो ना कर रही हूँ। अच्छा, सो आई फर्स्ट शो, मेरे फर्स्ट शो का फीडबैक ऐसा था कि जो उस वक्त रेडियो पाकिस्तान के जो स्टेशन डायरेक्टर थे चौधरी अकरम साहब, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि आपके शो का नाम ऑफकोर्स शो होना चाहिए। यानी कि जैसे सिंपल इज दैट अब है, उस वक्त ऑफकोर्स होता था। पहले दिन तो ऑफकोर्स बहुत, बिकॉज कम ऑन, आई वॉज सो यंग, पता ही नहीं था उस वक्त, मतलब व्हाट इट इज, यू नो व्हाट आई हैव टू डू। अच्छा, और ऑडिशन भी जब दिया था तो मैंने और मेरे भाई ने इकट्ठे ऑडिशन दिया था, तो हम लोग जब जा रहे थे तो हम लोगों ने एक दूसरे को यू नो देखकर पूछा। अच्छा, वो भी कंबाइंड शो था? कंबाइंड शो नहीं था, वी बोथ गॉट सिलेक्टेड। ऑडिशन एक साथ दिया था? ऑडिशन एक साथ देने गए थे हम लोग। सो उसने मुझसे पूछा कि क्या बोलना ऑडिशन में, तो मैंने कहा आई डोंट नो, जो दिल में आई ही सेड के ओके, मैंने कहा ऑलराइट फाइन। सो आई हैव नो आइडिया व्हाट आई डिड, बट आई थिंक शायद उनको कॉन्फिडेंस अच्छा लगा होगा, या फिर दैट्स इट। अच्छा, वो फर्स्ट शो जो आपका था उसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं है? नो, नहीं आपके पास? नो, नॉट एट ऑल। उस टाइम पर, एट दैट टाइम
फॉर दोज वो आरजेस, शर्फ कैसर इज वन ऑफ देम, जो कि हमारे साथ इस वक्त हैं, जिन्होंने कि 101 कराची से आगाज किया था. शर्फ विल नो दिस व्हेन आई टॉक अबाउट इट, ही विल नो इट, कि उस वक्त जो है ना हम लोग कैसेट से गाने प्ले करते थे. बिल्कुल, मुझे भी कुछ कुछ याद है. तो इसलिए याद नहीं कि वो वक्त देखा है, बल्कि उसके बाद भी कुछ अरसे तक ऐसे ही रहा. अच्छा, ओके. तो कैसेट से सॉन्ग प्ले होते थे, कैसेट्स जाते कैसेट्स क्यों करते थे. अच्छा, गाने फुल उसमें क्यों करते थे हम लोग. ज्यादा मुश्किल काम था ना. बहुत मुश्किल काम था वो. दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. अब तो बड़ी आसानी है. अब तो बस क्या, एक क्लिक पे सामने सब कुछ है. इट इज सो सिंपल, इट इज सो सिंपल राइट नाउ. और ये तो थी आपके फर्स्ट शो से मुतालिक बात. अच्छा, फीडबैक सिर्फ आपने जो मैनेजर क्या थे, डायरेक्टर, हाँ, स्टेशन डायरेक्टर, डायरेक्टर का आपने शेयर किया. इसके अलावा जिनको कहा था कि मेरा शो है सुनना, उनका फीडबैक क्या था, उनका फीडबैक और लिसनर्स का. लिसनर्स सिंपल राइट नाउ. और ये तो थी आपके फर्स्ट शो से मुतालिक बात. अच्छा, फीडबैक सिर्फ आपने जो मैनेजर क्या थे, डायरेक्टर, हाँ, स्टेशन डायरेक्टर, डायरेक्टर का आपने शेयर किया. इसके अलावा जिनको कहा था कि मेरा शो है सुनना, उनका फीडबैक क्या था, उनका फीडबैक और लिसनर्स का. लिसनर्स उस टाइम रेडियो वाज अ न्यू फिनोमिनन. उस वक्त फॉरेन फीडबैक पता नहीं चलता. फॉरेन फीडबैक मिलता था बिकॉज यू वुड गेट कॉल्स इन द स्टूडियो. फिर उसके बाद व्हेन आई वेंट, फिर मैंने कुछ साल एफएम 100 पर भी काम किया था, तो वहां पर भी उस वक्त इतने सारे रेडियोस थोड़ी थे. एक दो टीवी चैनल्स थे और एक दो रेडियो चैनल्स हुए. दूसरा रेडियो चैनल था. अब देखें आज जिस दौर में हम हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, अगर फर्ज करें रेडियो सुनने वाले 100 लिसनर्स हैं, वो 12-13 चैनल्स पर तकसीम हो चुके. लेकिन उस वक्त रेडियो सुनने वाले 100 के 100 लोग उसी एक चैनल को सुनते थे. तो उस आरजे के लिए जो शोहरत का मैदान था वो बहुत बड़ा था. बहुत बड़ा था, यस. दैट वाज अ टोटली डिफरेंट एरा. लेकिन अभी मैं महसूस करती हूँ कि राइट नाउ जो खास तौर पे मैं एफएम 103 की बात करूंगी, और मैं एफएम 103 की बात इसलिए करूंगी बिकॉज दिस वाज द स्टेशन दैट आई केम बैक टू पाकिस्तान फॉर. मैं वापस आई इस चैनल के लिए वापस आई. नॉट दैट कि मुझे कोई और ऑफर्स नहीं हुई. आई डिड गेट अ लॉट ऑफ ऑफर्स टू जॉइन अदर पीपल एज वेल, बट आई सेड नो. इसलिए बिकॉज मुझे ये फील होता है कि 103 पर जो इस वक्त एक ट्रेंड है वो अकासी करता है हमारे मैसेज की. राइट, उनको एग्जैक्टली यही एंटरटेनमेंट चाहिए. फिर आपको अंदाजा हुआ होगा कि आजादी क्या चीज होती है ना. एब्सोल्युटली, बिकॉज़ उस टाइम पर तो यू नो आप सिर्फ पाकिस्तानी सॉन्ग्स प्ले कर सकते थे और बहुत सारी बातें नहीं बोल सकते थे. यहाँ तक कि आई रिमेम्बर वन थिंग, जब मैंने 101 छोड़ा था. अच्छा, मैंने जितने रेडियो स्टेशन अपनी लाइफ में छोड़े ना, हर जगह फड्डा किया, लड़ी झगड़ के. यस, ये अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता पता. और बहुत सारी बातें नहीं बोल सकते थे. यस, यहाँ तक कि आई रिमेम्बर वन थिंग, जब मैंने 101 छोड़ा था. अच्छा, मैंने जितने रेडियो स्टेशन अपनी लाइफ में छोड़े ना, हर जगह फड्डा किया, लड़ झगड़ के. यस, ये अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता पता. लड़ झगड़ के नहीं, मतलब आई क्विट, ऐसा मतलब मैंने सीन किया. Okay. मतलब मैं मैनेजमेंट के सामने गई और मैंने कहा आई क्विट. और आई रिमेम्बर, आई विल नॉट नेम इट, एक जगह तो मैंने ये आखिरी बात ये बोली थी कि ये जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, ये अपनी उम्र के लोगों से करें. अच्छा, जिनको समझ आए. ये चले नाम नहीं ले रही, पोस्ट बता दे, डेजिग्नेशन बता दे. डेजिग्नेशन द कंट्री हेड. कंट्री हेड से आपने कहा था. यस, मैंने ये कहा था. एंड आई वाज जस्ट एन आरजे, आई सेड कि ये जो आपकी पॉलिटिक्स है ना, ये अपने उम्र के लोगों से करें, मुझसे मत करें, मुझे समझ नहीं आ रही. आपसे मोहतात रहना चाहिए, डरना चाहिए कि कुछ भी कह देंगे. नहीं, मतलब अगर देखें, आई हैव सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, और वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इंतहाई प्रोफेशनल है और वो बहुत लॉजिकल है, जिसमें झूठ शामिल नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी और सिंसेरिटी है. अगर मैं किसी भी शख्स से, चाहे वो मेरा कोलीग हो, मेरा बॉस हो, मेरा दोस्त हो, मेरी फैमिली में कोई हो, अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ, और जब मैं हर एक के साथ ऑनेस्ट हूँ, तो मैं ऑनेस्टी एक्सपेक्ट बैक करती हूँ. राइट, दैट्स इट. अभी तक हमने बात की प्रोग्राम के फीडबैक की, बेस्ट शो और वर्स्ट शो, ये दोनों शोज अभी बाकी हैं. So, एक ट्रैक और शामिल करेंगे, पहले करोड़ों मैसेजेस में से कुछ शामिल करेंगे. यस यस यस, मैसेजेस करोड़ों शामिल कर सकते हैं. बेस्ट शो वैसे मुझे याद नहीं है, और वर्स्ट शो भी याद नहीं है मुझे. चलें फीडबैक के एतबार से बेस्ट बता दें. फीडबैक के हिसाब से बेस्ट संडे का शो था, लास्ट संडे, अभी जो 1 अक्टूबर को 15 बरसों में. हाँ, मुझे ये याद है, बेस्ट शो था. यस, इसका रिकॉर्ड तो होगा ना. बिल्कुल है, रखिएगा. आई विल डेफिनेटली कीप इट. आमिर खान फ्रॉम कराची, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. कैसे हैं आप लोग? हम दोनों कैसे हैं आप लोग?
हम दोनों बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और मुख्तार शिराजी, बहुत अरसे बाद आपका मैसेज आया है। मुख्तार, कहाँ पर हैं आप, पहले ये बताइए। ये कहीं किसी दूसरे सैयारे पे तो नहीं चले गए? सैयारा में सैयारा सुन सुनकर जो है कहीं निकल गया आप। सलाम लीना एंड हसनी भाई, अल्लाह पाक आप दोनों को खुश रखे, साथ लंबी उम्र दे, आमीन आमीन। वालेकुम सलाम। 2 मंथ बाद सुन रहा हूँ, बिकॉज ईद के बाद मेरी दादी का इंतकाल हो गया था। दैट्स रियली सैड। मे अल्लाह गिव हर अ ब्यूटीफुल प्लेस इन जन्नत, हम यही कह सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच मुख्तियार फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, हमने आपको बहुत मिस किया। ओके, सफिया कहती हैं, हसनी लीना योर शो इज ऑसम, हैप्पी बर्थडे हसनी। थैंक यू सो मच सफिया। और शुमाइला से कहें वो मुझसे कांटेक्ट करे प्लीज। हसनी लीना, आप कहेंगे एक एक बात कर ले मुझसे बस, ताकि मैं उसको समझा सकूं, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सकूं। आविश के वो इस वक्त सुन रही हो तो शुमाइला, शुमाइला आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए अपनी फ्रेंड से, यस, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। और बिना कॉन्टेक्ट किए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो ही नहीं सकती। आज के इंसान की फितरत है कि अगर आप हालात पे छोड़ देना तो हम चीज़ों को रिजल्ट्स ओरिएंटेड करते हैं, यानी हम सोच के कर रहे होते हैं कि यार अगर ऐसा होगा तो इसका ये मतलब होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वैसा होने का मतलब वही हो जो आपने सोच रखा है। किसी दूसरे के नज़दीक वैसा होने का मतलब कुछ और हो सकता है। तो सब कुछ सिर्फ हालात पर नहीं छोड़ना चाहिए, ख़ासतौर पर उस वक्त जब आपके इख्तियार में है कॉन्टैक्ट करना। और इबाद फ्रॉम गुलशन जौहर, अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। हैप्पी बर्थडे हसनी। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस, पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल के लिए। आपको भी बहुत मुबारक हो दोस्त। और कहते हैं इंशाल्लाह वी क्राउन्ड टू बी द वर्ल्ड चैंपियन वंस अगेन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट टू द पाकिस्तानी टीम, राइट। इरम जाफरी कहती है सलाम हसनी, प्लीज 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 मेरा मैसेज पूरा रीड कीजिएगा, पूरे एक वीक से आपको विश सेंड। थैंक यू सो मच। शाजिया का भी आ जाएगा मैसेज। अच्छा, वो आपने जाफरी का, तो एक मुझे वो शाजिया जाफरी मलीर हॉल, मैं 6 to 7, 8 पे आऊँ यहाँ टेक्स्ट, फेसबुक का वो फैन पेज खोलूँ वहाँ टेक्स्ट, इधर खोलूँ, मेरे जहन में वो नाम पड़ गया। मैंने कहा ना उनका भी आ जाएगा। और क्या कहती है कि कर कर के मेहनत तेरी ओके, पाकिस्तान की जीत बहुत बहुत मुबारक हो, इस गाने की रिक्वेस्ट की है उन्होंने। पाकिस्तान की जीत मुबारक हो गाना और गाने की रिक्वेस्ट की है। अच्छा, आपको भी जीत मुबारक हो। और सॉन्ग लेट्स सी कि आज के प्रोग्राम में हम ये शामिल कर पाएं या ना। और जब आप बताएं आज आज की जीत के बारे में, खास तौर पे कंग्रेचुलेशंस कहें, तो जो मैच का फेवरेट पार्ट है आपका, मतलब जो फेवरेट विकेट है या जो फेवरेट सिक्सर है या फेवरेट फोर है, उसके बारे में बताएं ना कि जी वो हाईलाइट कर सकते हैं। वैसे मुझे पर्सनली जब तक हसी था ना क्रीज पे, मुझे टेंशन ही रही कि अच्छा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो प्लेयर अच्छा, उसकी जो थिंकिंग थी, उसकी थिंकिंग ये थी कि हमने 112 करने हैं किसी भी तरह से। और जब उसी 112 करने के साथ उसकी 50 भी हुई, तो आपने उसकी जो खुशी थी देखी होगी आपने। यस यस। और उसकी पहली कोशिश ही थी, अगर मैच विन करना भी ये इसी तरह से होता तो बंदा इस उम्र में भी, आई थिंक इज 37, राइट, 37 बरस का होकर भी बहुत जबरदस्त किस्म का प्लेयर है वो। मुझे तो सिर्फ एक ही बात याद आती है, हंसी तो फंसी। That's the only thing that comes related to his name. मैं सोच रही थी कि उसे related कुछ बनाया जाए। हमरोन कहते हैं हसनी भाई belated happy birthday and many happy returns of the day. Thank you so much हमरोन। कहते हैं मेरी आज मैं बहुत upset हूँ, मेरी favorite football team के captain को बहुत बुरा fracture हो गया है। और this is Carlos Puyol. Please pray for him. हमारी दुआएं जी कि वो जल्द सेहतियाब हो जाएं और आपको अगेन उसी तरह से फॉर्म में नजर आएं। और इसके साथ रबिया अली इज लिसनिंग टू अस, इनकी बर्थडे 12 अक्टूबर को है, सो वी विश के हमें याद। रबिया, आप जो है इनविटेशन जो है वो रेडियो पर भिजवा दीजिए, एनी टाइम विल डेफिनेटली कम, व्हाई नॉट, गिफ्ट लेकर आएंगे हम आपके लिए, सस्ता सा बहुत। जस्ट जोकिंग। ओके, सनिया जसिंग सलाम आप दोनों को, और आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, उनको ब्रेन प्रॉब्लम है और अब वो नजर और सुनाई कम दे रहा है। मेरी अम्मी मेरी हर सिचुएशन में जो है, आई थिंक सनिया ने ये लिखना था कि वो उनकी उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। आपका मैसेज आधा कट गया समिया। वालेकुम सलाम, हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी वालिदा मोहतरमा को सेहत दे, आमीन। और महा इज लिसनिंग टू अस, हसनी भाई प्लीज विश मी, बिकॉज मेरी बर्थडे 30th सितंबर को थी। रियली बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सिस्टर, आपको भी आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ओके, 30th को थी ना? यस 30th को थी, तो सेम बर्थडे। हाँ, वाओ। आइए, आपका इंतजार था शाजिया जाफरी। हाय लीना एंड हसनी, हाउ आर यू?
वी बोथ आर फाइन. और लीना बहुत अच्छा लगा कि आपने हसनी की बर्थडे सेलिब्रेट की. थैंक्स. हाँ, इसका थैंक्स जरूर. मैंने भी प्रोग्राम के शुरू में कहा और जिन जिनको अच्छा लगा वो लीना को थैंक्स कहें. लीना, अबू राशिद और बिलू भाई तीनों को. यस, अबू राशिद और बिलू भाई को स्पेशली, उन्होंने अपने शो में हमें जगह दी. इतना उनका जबरदस्त शो होता है. हालांकि उसके बाद 3 घंटे का हमारा होना था. ओके, नाजिश शाकिर उर्फ नाजी सदा खुश रहे. लीना, हसनी लाला से एक गिला है कि हम आप पर अनदेखे यकीन करते हैं, आपकी बातों को अपना सबक बनाते हैं और आप हम पे क्वेश्चन मार्क. मसलन किस किस्म का गिला है ये नाजी? मतलब आप अपना गिला जो है दोबारा लिखकर भेजिए. हाँ, गिला लिखें. हाँ, बात ना लिखें. हाँ, गिला क्या है? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट नाजी? लेट अस नो. अच्छा, ये कभी कभी कभार बड़ा मुश्किल होता है. uh-huh. जब कोई आपसे किसी तरह की कोई बात करे ना. uh-huh. जो जिसे कहते हैं ना हम एक uh-huh. एक जनरल बात होती है. uh-huh. आप उसे फौरन ही कह दें मसलन कोई एक चीज बता दो. uh-huh. जब लोग कहते हैं ना बहुत सारी यार, मसलन कोई एक चीज बता दो. uh-huh. जब लोग कहते हैं ना बहुत सारी यार, कोई एक बता दो. एक uh-huh. तो याद होगी ना. uh-huh. और उस एक से आइडिया होगा कि वाकई वो बात अपने आप में वो वैल्यू उसकी है भी या नहीं है. yes. तो इस तरह से ये याद रखिएगा, अगर मुझसे ऐसा कहेंगी तो मैं फौरन कहूंगा कि कम से कम एक ऐसी चीज बता दो. एक गिला तो कर लो. मुस्कान, कैसे हैं आप? मेरे हस्बैंड आपका शो नहीं सुनते थे, कहते थे रेडियो बकवास है. मैंने इतना मजबूर कर दिया, एक बार बस एक बार हसनी की आवाज सुन तो ले. बार बार पूछते हैं कि हसनी कब आएगा, इतना पसंद आया आपका शो मेरे हस्बैंड को. रियली थैंक यू सो मच मुस्कान, और आपके हस्बैंड का भी. ये तो मामला उलट हो गया कहीं. अब भी सुन रहे हैं वो इस वक्त. थैंक यू सो मच. नाम तो उन्होंने नहीं लिखा होगा ना उनका. यस, अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिखा. चलिए, इट्स ओके. सो मिस्टर मुस्कान एंड मिस मुस्कान. हां, मिसेस मुस्कान एंड मिस्टर मुस्कान, आप दोनों को वेलकम टू द शो. थैंक यू. ताहिरा मुस्तफा, सलाम हसनी. मैंने आज 2 बजे आपको बर्थडे गिफ्ट TCS किया था, आपको मिला? वालेकुम सलाम. आई थिंक 2-3 गिफ्ट्स रखे हुए हैं. अब आई डोंट नो आपका गिफ्ट उनमें से कौन सा है, मैंने वो देख नहीं सका मैं उन्हें. तो लाए, अभी खोले हम. चले, मैं कहता हूँ इनसे मंगवा. बिल्कुल बिल्कुल, हमें ऑन एयर खोलने चाहिए. हम पता चले कौन कौन है, क्या क्या आया उसमें. हम कुछ मतलब गिफ्ट देख के खुश हो. खत हो तो साइड पे कर देंगे. नहीं नहीं, खत भी पढ़ेंगे. खत भी पढ़ेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. आयशा फ्रॉम कराची कहती है, हे लीना, लिसनिंग टू यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, मिस्ड यू अ लॉट. एंड हसनी भाई एंड लीना, यू बोथ आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज इन द सेमीफाइनल. कंग्रेट्स टू पाकिस्तानी टीम एंड द होल पाकिस्तान. इंशाल्लाह वी गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप. इंशाल्लाह ताला. इंशाल्लाह, दैट्स ग्रेट. हिना कहती है, हाय हसनी भाई एंड लीना आपी, योर शो इज सुपर्ब. थैंक यू सो मच. हसनी भाई, आई लिसन टू यू दैट टाइम जब आप फैसल मकसूद के साथ शो करते थे. सो कंग्रेट्स फॉर योर 7th एनिवर्सरी एंड हैप्पी बिलेटेड बर्थडे. थैंक यू सो मच. फैसल मसूद, फैसल मकसूद नहीं, फैसल मसूद. फैसल मसूद जानती है ना. जब आप फैसल मकसूद के साथ शो करते थे, सो कंग्रेट्स फॉर योर 7th एनिवर्सरी एंड हैप्पी बिलेटेड बर्थडे. थैंक यू सो मच. फैसल मसूद, फैसल मकसूद नहीं, फैसल मसूद. फैसल मसूद जानती है ना आपने. फैसल मसूद को. यस जी, ये उन्हीं का हवाला दे रही हैं. फैसल मसूद आजकल बिजी हैं अपने कुछ जी प्राइवेट शोज में, मतलब जो कॉन्सर्ट्स उनके होते हैं. मैं ऐसे कह दें? यस, ऐसे कह दें. यस. समरीन चंगेजी एंड सोबिया चंगेजी आर लिसनिंग टू अस. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. जिया अली, हसनी को हैप्पी बर्थडे टू यू एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. थैंक यू जिया. और कहते हैं, लीना कोई बात नहीं, अगर शो में पोएट्री नहीं, यू बोथ आर गुड इनफ इन चिट चैट एज वेल. या थैंक यू सो मच. इसीलिए तो हमने कहा कि स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप ये भी सुन लेते हैं. और आप ही, क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ अभी? दिस इज सारा खान. हसनी जवाब दें, क्या ये हमें कॉल कर सकती हैं सारा? यस ऑफ कोर्स. मतलब कर लें कॉल, मतलब इसमें ऐसी कौन सी बात है? मतलब 103 पे ही कॉल करना है ना आपने. हाँ हाँ, और कहाँ करेंगी? हाँ, मतलब आप ही उन्होंने लिखा है या हाँ, फिर आपका सेल नंबर होगा उनके पास. सारा हूँ सारा. ओके, नो, मोबाइल सामने रख दें. पता चल जाएगा. वो वाइब्रेट कर तो रहा है. बट एनीहाउ, रहमान अलवी, अस्सलाम वालेकुम. मिस्टेक्स इंक्रीज योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस डिक्रीजेस योर मिस्टेक्स. वालेकुम सलाम, दैट्स ग्रेट. वाओ, इफ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स देन अदर विल लर्न फ्रॉम योर सक्सेस. That's very nice. Very nice. Rehman Alvi, bahut shukriya. Wonderful words. Going on towards the song right now. Messages aur bhi hain, lekin mere khayal mein ab kuch manoranjan ka intizam hona chahiye. Ek gana play kare. Manoranjan. Kuch samajh nahi aaya. Ye samajhne ke liye ek baar phir cake khana padega. Nahi. Bas ye dusra fader uthana padega. Chale, theek hai. So track hum shamil karte hain. Is track ke baad again aap doston ko shamil karenge. 111 111 103 par. Aur
रिक्वेस्ट है हमारी आप दोस्तों से, लाइक खास तौर पे जो आज के, तो अगर कोई लव स्टोरी है जो आप तारीख से जोड़ रहे हैं तो उसे स्किप कर दिया करें, कि चले वो फिर किसी मौके पर आप उसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो जेन्युइन बात वाकई तारीख से जुड़ी हो वो आप जरूर शेयर कीजिएगा 111 111 103 पर। सो जाने भी थे और इस गाने को अभी हमें जाने देना पड़ेगा, बिकॉज वी गॉट अ कॉलर ऑन एयर फ्रॉम फैसलाबाद, दिस इज नोमान, थैंक यू फॉर होल्डिंग ऑन नोमान, कैसे हैं आप? अच्छा, दो कॉलर्स हमारे साथ एक इस लाइन पे, दोनों लाइन पे एक साथ हम दो कॉलर्स को ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ओके, पहली लाइन पर कराची से नॉटी अकबा खान, नॉटी अकबा खान, और दूसरी लाइन पे फैसलाबाद से नोमान जी। जी नुमान, आप जरा जल्दी में थे कि आपके पास क्रेडिट कम है और आपका एक डिलेमा है जो आप ऑनलाइन शेयर करना। मेरा मसला ये है कि मेरी अभी साल हुआ है एंगेजमेंट हुई है, ठीक है, ओके, तो उसके अलावा मेरी 4 साल हो गए हैं यानी कि लड़की से फ्रेंडशिप है। और वो फ्रेंडशिप अभी तक है? जी वो फ्रेंडशिप अभी तक है जी, बिल्कुल है अभी तक, मतलब वो एंगेजमेंट के बाद भी चल रही है? हाँ जी बिल्कुल चल रही है। ओके, तो ये हुआ कि आज मैंने सोचा उसे बता दूं कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है, मेरी शादी होने जा रही है, जो भी है। अच्छा, तो मैंने आज उसका मूड अच्छा था, मैंने बताना बेहतर समझा, मैंने बात उसे शेयर कर दी। आगे से उसका रिस्पांस क्या हुआ, उसने कॉल कट की है और 2 घंटे बाद मुझे मैसेज आया, नुमान मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो ये था, अब ये सीन है कि घर वालों को मैं कह दूं उसमें ऐसा ये मसला, साल हो गया तो 2 हफ्ते या हफ्ता हुआ ना एंगेजमेंट हुई हो, वो टूट जाती है, वो खैर होती है, अब साल हो गया मुझसे भी लगा हुआ हूँ, इससे मेरी 4 साल की दोस्ती है, तो मैं डबल माइंडेड हो गया हूँ, अब दोनों को मुझसे प्यार है लेकिन मैं किसी एक को करना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा किसको करूँगा। अच्छा ये बताओ आपको किससे प्यार है दोनों में से? मुझे अभी तक किससे, लेकिन मैं किसी एक को करना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा किसको करूँगा। अच्छा ये बताओ आपको किससे प्यार है दोनों में से? मुझे अभी तक किसी से भी नहीं हुआ सीधी, मैंने क्योंकि उसे दोस्ती की थी, मैंने उसे पहले कह दिया था जस्ट हम फ्रेंड्स हैं, नो इससे आगे नहीं जाना। तो अगर दोस्ती है तो अगर दोस्तों को तो अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताते हैं ना, तो अपनी एंगेजमेंट का 1 साल बाद क्यों बताया? 1 साल बाद क्यों बताया, मैंने कहा शायद माइंड कर जाएगी, कुछ का सीन होगा, बट वही काम हुआ जो मैंने सोचा था। 1 साल लटका दिया। आपको आइडिया था कि सिर्फ दोस्ती तो नहीं है ना? मुझे आइडिया था कि सिर्फ दोस्ती, लेकिन उसको आइडिया वो शायद क्रॉस कर गई है, लेकिन आपको पता था ना वो ये फील कर रही है, इसीलिए तो आपने 1 साल छुपाया। पता चल गया था, मैंने को बताना बेहतर समझा, तो वो मुझे जो डर था मुझे वही हुआ ना, फिर मैं ये सोच वो था मसला। माय फ्रेंड यू आर स्टक इन इट, ये आपने खुद जो है ना खीर पकाई है, अब आपको खुद ही खानी पड़ेगी। मैंने तो उसे जब हमारी पहली दिन बात हुई है, मैंने उसे कह दी, मैंने दोबारा कितनी दफा उसे कह चुका, मैंने जस्ट फ्रेंड की आता रहना, उसका आगे से रिप्लाई होता था, कहते तुमसे शादी करेगा भी कौन, मैंने कहा ठीक है यार ये रिप्लाई आ रहा तो ठीक है। अब वो उसने मुझे वक्त डाले हैं, कहती तुमने बताया क्यों नहीं ये, तो मैं कहा तुम मुझे खुद से कहती थी तुमसे शादी करेगा कौन। अच्छा तो ये बताओ कि जो जो मंगेतर है क्या उसको पता है कि आपकी एक लड़की से चार? नहीं उनको पता। गुड लक, तो यहाँ पे भी आदो बैठूंगा। ये आप आपकी जो कहानी है ना वो एक सबक है सुनने वालों के लिए। सबक समझ ले, मेरे लिए बहुत बड़ा सबक बन गया फिलहाल तो। हाँ ये जो है ना आप अच्छा आइडिया या अच्छा कोई भी अच्छी की बात है, माय फ्रेंड इसके आगे कुछ नहीं बचता। कुछ कह भी नहीं सकते, मैं तो कुछ करूंगा ही ना आइडिया, अच्छा करना पड़ेगा वो कर लेंगे तो यही होगा। अच्छा देखिए ना आप देखें अब चूंकि जब आपको भी अंदाजा था कि उसकी कुछ फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हुई है और उसने आपको अब स्ट्रेट फॉरवर्ड खुल के बोल दिया, सो यू हैव टू टेल हर समथिंग, मतलब उसको कुछ तो बताना है ना, अब उसको ठंडा करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं शादी नहीं करता फिर। तो अब देख लें दोनों में से ज्यादा करीब कौन है। मैं तो कह रही हूँ दोनों को छोड़ दो, ज्यादा करीब फ्रेंड ही है मेरी ऑलरेडी, 4 साल हो गए उसे बात कर रहा हूँ। अच्छा वही होगी फैमिली और मंगेतर से ज्यादा करीब आपकी फ्रेंड है? फैमिली तो चले साइड पे करते हैं, मंगेतर और फ्रेंड को ले लें आप। अच्छा उन दोनों में से ज्यादा करीब फ्रेंड है, लेकिन मोहब्बत अभी भी नहीं है उससे? मोहब्बत थोड़ी बहुत तो जो होता है वो होती है, अटैचमेंट है, वो तो नहीं होती है, दोस्ती लड़की से दोस्ती और बिना मोहब्बत के ऐसा हो सकता है? आई डोंट नो, जरूरी तो नहीं। मोहब्बत देखे मोहब्बत भी दो तरह की, आई थिंक होता है शादी का होता है मोहब्बत, प्यार हो जाए वो, लेकिन मुझे आई थिंक इस तरह के दिल में कोई चीज नहीं, मैंने कह दिया तुम्हें शादी वादी नहीं करने वाला, कोई सीन नहीं आता वैसा। ओके दैट्स इट, कह दिया तो खत्म ना।
तो बस फिर दैट्स इट, जब आपने उसको क्लियरली कहा हुआ था तो कहा हुआ था मैं कह देता हूँ उससे मेरी एंगेजमेंट हो गई, मैं शादी करने जा रहा हूँ या जो भी है। हाँ सो उसके बाद उसका क्या होगा वो फिर देखना, थोड़ा सा सोचना अभी दोबारा नहीं होता। चले इस पे और डिटेल में बात करते हैं जरा लोगों से, लेकिन ये हो सकता है कि जो एंगेजमेंट हुई है I'm so sorry, आपकी लाइन ड्रॉप होगी दोस्त, इनके साथ यही होना था, दूसरी कॉलर। I'm so sorry, मेरी कोई हमदर्दियां नहीं है नुमान के साथ। सही ना नौटी आके बाद नहीं होनी चाहिए ना हमदर्दियां। कोई मसला नहीं है, दिल तो पागल है ना, दो दिन जगह रुक जाती है। और दोनों से मोहब्बत नहीं है। Oh, come on. मतलब आपने जो है पूरा एक साल खीर पकाई है जला जला के पता नहीं चल रहा कि खीर कहाँ है और देगची कहाँ है। नहीं उनका कहना ये था कि एक्चुअली ना बॉयज हैं, बॉयज के साथ यही प्रॉब्लम होती है। नहीं वैसे गर्ल्स भी बहुत कम होता है, अमूमन कहा ये जाता है गर्ल्स जो हैं वो दिल के दरवाजे जो है ना वो एक बंदे से अगर उनकी बात है तो चार जो है वो रिजर्व जिसे कहते हैं ना वो रखते, और किसी से क्लियर बात नहीं होती। इसलिए कि अगर ये बंदा मुमन कहा ये जाता है गर्ल्स जो हैं वो दिल के दरवाजे जो है ना वो एक बंदे से अगर उनकी बात है तो चार जो है वो रिजर्व जिसे कहते हैं ना वो रखते, और किसी से क्लियर बात नहीं होती। इसलिए कि अगर ये बंदा लगे कोई एक्टिव ना, बट फिर भी बॉयज आगे होते हैं। अच्छा मुझे ये फील होता है कि इसमें गर्ल्स और बॉयज का सीन नहीं है, इसमें पर्सनालिटी टाइप एक चीज होती है जो होती है कन्फ्रंटेशन, यानी कि कोई भी सिचुएशन में आप हो आपको लगे कि ये बात है वो बात कह देना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको किसी की कोई बात बुरी लगी है या आपके दिल में कोई बात आ गई वो बात कह देना इज वेरी इम्पोर्टेंट। अब इस शख्स ने मंगनी कर ली और वो बात नहीं बताई गई, कब बताऊं मूड अच्छा है बुरा है, अच्छा बुरा है। अब जब बिल्कुल पानी जो है ना सर से गुजर गया तो उसने कहा यार आज मूड अच्छा था आज मैंने बता दिया, जैसे एक साल में पूरे एक साल में उस बंदी का मूड ही कभी अच्छा नहीं होता होगा। सो कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए जो है ना वो इन्होंने इतने ज्यादा जो है झमेले पाल लिए। एनी हाउ आकिबा बताओ कि आज के दिन से रिलेटेड क्या जबरदस्त बात है तुम्हारी लाइफ में? आज मेरा रिजल्ट आया था। अच्छा एंड मेरी 72% आई। वाओ जबरदस्त। पहले 56 देन फिर हम लोगों ने सही से चेक किया तो 72, फिर हम लोगों ने हमारे जो चीफ इंस्ट्रक्टर थे उन्हें कहा तो फिर उन्होंने काफी एक्सक्यूज की, बेटा आई एम सॉरी ये वो। अच्छा हमारे खुद आपको बहुत बहुत चलें शुड बी वेरी हैप्पी रिजल्ट ही ऐसा आया। ये तो बहुत ही जबरदस्त है, तो इसकी मतलब ये कब आया रिजल्ट, अभी आज ही आया या पिछले साल की बात है? ये आज ही आया। अच्छा क्योंकि हम लोग की ट्रेनिंग चल रही थी ना उसका रिजल्ट आया आज ही। ओह वाओ सो यू आर गोना बी पार्ट ऑफ द केबिन क्रू नाउ? या इंशाल्लाह। तो ये लोकल डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं? वो हम पे डिपेंड कर रहे थे, अगर बाबा ने अलाउ किया तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल, अदरवाइज डोमेस्टिक। माशाल्लाह दैट्स रियली गुड, बड़ी ही होनहार जो है वो आप क्या कहते हैं आपकी लिसनर है। हाँ होनहार लिसनर है आप, आपने तो बड़ा जबरदस्त। और यस केबिन क्रू के गाना था और उससे मेरी बात हुई, मैं उसे बता ही नहीं पाई, मैं सुबह से वेट कर रही थी, मैं उसे वाकई बता नहीं पाई, बातों में मैं भूल गई। फिर अभी मुझे फील हुआ, मैं कहा ठीक है लीना आपकी शो तो आप सुनते ही हो बच्चा, तो मैं अब उसको कॉल करके बता रही हूँ कि नवीद मेरा बच्चा 72% आई है और मैं कामयाब हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारक हो एक बार फिर आपको। पहली फ्लाइट किस दिन है? पहली फ्लाइट इंशाल्लाह जब मूड होगा तब। अच्छा जब मूड होगा। आज सर ने पूछा था कि आपको ज्वाइन करना है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट मम्मा के कहने पे मैंने जाके ट्रेनिंग ली। मैं कहा सर लेट्स सी देखते हैं, बाबा से मैं पूछूंगी, अगर बाबा ने खुशी खुशी बोला तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। अच्छा ओके दैट्स इंटरेस्टिंग, वाव दैट्स ग्रेट। मतलब मुझे तो बड़ी क्या कहते हैं फैसिनेटिंग लगती है केबिन क्रू की जिंदगी, मुझे पता है उनकी लाइफ बहुत टफ होती है और इनके लिए बाबा की ख्वाहिश। हाँ ये तो बहुत जबरदस्त है यार, दैट्स रियली नाइस। मुझे अरबी में भी कुछ बोलना था ना लीना पी। हाँ हाँ बोलो बोलो। शी ऑलवेज कम्स इन हबीबी अना हबक। अच्छा तुम वो महबूब हो जिसे मैं प्यार करती हूँ। हाँ जी देखा हर कॉल में मेरा इम्तिहान होता है अरबी का। हसनी ब्रो से आज सॉन्ग तो सुन ही लेना लीना पी, आज हसनी ब्रो गाते बहुत अच्छे, मैंने इनको सुना था। मतलब बजाते खुद सॉन्ग सुन लीजिएगा। मतलब बजाते खुद गाएं वो? हाँ जी। कोई गजल हसनी? ये किसने कह दिया बहन?
किसने कहा, किसने अफवाह उड़ाई है, सच बताएं हैं, किसने अफवाह उड़ाई है? अरे मैंने खुद ने सुना था हसनी ब्रो, अफवाह नहीं उड़ाई। कहाँ पे सुना था आपने? मतलब बजाते खुद, सॉन्ग सुन लीजिएगा, मतलब बजाते खुद गाए वो? हाँ जी। कोई गजल हसनी? ये किसने कह दिया बहन, किसने कहा, किसने अफवाह उड़ाई है, सच बताएं हैं, किसने अफवाह उड़ाई है? अरे मैंने खुद ने सुना था हसनी ब्रो, अफवाह नहीं उड़ाई। कहाँ पे सुना था आपने? मुझे ये गलती किए हुए भी अरसा हो गया। अच्छा ये नहीं, आपने ये गलती की थी? गलती की हुई, खैर चलें ठीक है, ट्राई करते हैं, आप सुनते रहिएगा आविश के, मुझे याद रहे या लीना को याद रहे तो। नहीं नहीं मुझे बिल्कुल याद रहेगा, डोंट वरी हसनी, मुझे भी लास्ट टाइम का याद है, याद है ना, हम दोनों गुनगुनाएंगे ठीक है। लीना पे भी गाएंगे, टेंशन ना ले लीना पे प्लीज। मैं आपको जानती हूँ, हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई, हेडफोन्स में आवाज आना बंद हो गई, रेडियो बंद हो गया। अच्छा चलो ठीक है, आप सुने, हम कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ जरूर गुनगुना दें, ठीक है? चलिए ठीक है। मैंने मुझे किसी ने कहा था कि जब आप गुनगुनाओ ना तो किसी को जहन में रखते हो गुनगुनाना, जैसा बंदा होगा वैसे ही गाओगे, तो आपको जहन में रखते हो गुनगुना लेंगे, ठीक है? अब गायकी से अपना अंदाजा लगा लीजिएगा। ओके थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। मैं तो अभी तक वो जो कॉलर थे ना, मैं उनपे हैरान हूँ। मैं बिल्कुल हैरान हूँ, मैं अपनी तरफ से मेंटली जो है वो फैसलाबाद डी ग्राउंड में इस वक्त पहुंची हुई हूँ, और उसका इसी बात पे सोच रही हूँ, बिल्कुल इसी बात पे मैं सोच रही हूँ, और मेरे दिमाग में वो शख्स आ रहा है कि उसने ये क्या किया अपनी जिंदगी में। उफ। अच्छा उन्होंने कहा कुछ आइडिया देना, यू नो हम लोग चलो कोई पेपर मिस हो गया, क्लास मिस हो गई, जॉब इंटरव्यू मिस हो गया, यू नो किसी को बर्थडे विश करना था वो विश नहीं किया। हाँ। ये छोटी छोटी चीजें, गलतियां होती रहनी चाहिए लाइफ में और होती रहती हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कि आप जो है किसी के दिल, अदर पर्सन फील्स, फीलिंग्स, वो चीजें जो बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सही है ना, ये होती हैं बस। तो वो कह रहे थे खैर कि मुझे आइडिया तो नहीं था कि वो चाहती होंगी, लेकिन पता चलता है कि कौन चाहता है कौन नहीं चाहता, कितना चाहता है, ये आइडिया तो होता है खासतौर पर वहां पे जहाँ पे इंटरेक्शन भी हो आपका, चार साल दोस्ती हो, यस 4 साल से, और आपको फिर भी मतलब ये बात थोड़ी हैरान कुन थी, लेकिन उनके बकौल के कुछ आइडिया था तभी तो 1 साल नहीं बताया, अपनी बात को काउंटर भी तो कर गए ना, है ना, वरना तो अगर इतने अच्छे दोस्त होते हैं तो ऐसे तो दोस्त कम होना, वो आगे आपका मंडप सजाते हैं। अच्छा इस तरह होते हैं, इस तरह के जो चालाकियां कहें या छेड़छाड़ कहें के, मतलब हमारी जो कभी स्कूल में कोलीग्स थी, बाद में जब उसके काफी अरसे बाद कभी इस तरह की बात होती तो मैं और मेरे जो कुछ क्लास फेलोज हैं, फ्रेंड्स भी थे अब भी हैं, तो हम बाद में जो है ना जब पता चलता उनकी मंगनी हो गई तो कभी कभार छेड़ते हुए कि यार आपकी मंगनी हो गई, तो जी मंगनी हो गई, अब उन्हें ये तवक्को थी कि मुबारकबाद देंगे, हमने वो मिस्कीन मासूम कि यार ये क्या बात कर दी आपने। क्यों आपको याद है यार, मैं कैसे कहूँ, ये तो सुन के मैं, मुझसे बात नहीं हो रही। क्या मतलब है? अच्छा एक एक चीज हमें कभी याद है ना, क्या आपको याद है एक बार आपके ये काम किया था, एक बार आपके लिए ये किया था, हाँ 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 वैसे ही किया था क्या? तो यार ये कैसी बात कर दी आपने, तो एक ही जवाब होता, पगले पहले बता देना। बताना था, वैसे यू आर सो राइट, यू नो देयर इज अ पॉइंट दैट कम्स जहां पर, और बहुत सारे लोग इस तरीके से ये भी कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता चलता, मुझे एहसास नहीं होता इफ द अदर पर्सन लाइक्स मी और नॉट, आई वुड से प्लीज अपनी आंखें खोल लो, सही, यू नो इट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और इस बात को रियलाइज किए बगैर के जब हमें ये पता चल रहा हो कि अगला शख्स जो है ना वो हमें, यू नो दिस पर्सन लाइक्स मी और नॉट, आई वुड से प्लीज अपनी आंखें खोल लो, सही, यू नो इट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और इस बात को रियलाइज किए बगैर के जब हमें ये पता चल रहा हो कि अगला शख्स जो है ना वो हमें, you know this has happened to me in my life, और उस वक्त जो है मुझे एकदम से realization हुई थी कि माशाल्लाह I'm very blessed, तो मैंने जब ये realization मुझे एकदम से हुई, एक चीज हुई मेरे साथ, और बहुत सिंपल सी चीज थी, और मैंने कहा ये तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए और मैं इसको रियलाइज नहीं करती, तो मुझे क्या करना चाहिए ऐसा। तो उस पॉइंट पर आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फीमेल फ्रेंड ऑफ माइन ऑन द फोन, और मैंने उसके साथ ये बात शेयर की, मैंने कहा मैंने अपनी जिंदगी में कुछ बदलना है, और ऐसी चीज बदलनी है जिससे कि मुझे ये पता हो कि ये बहुत ही सटल, बहुत बारीक चीज है ये,
और उसको मुझे बदलना, शायद इसकी वजह से लोग हर्ट होते हों. तो मैंने अपनी चीज ये बदली थी कि मैंने अपनी आंखें खोल ली थी कि देयर वुड बी टाइम्स व्हेन पीपल वुड से टू यू के यू नो दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, और मैं ये सोचती यार ये तो मुझे पता ही नहीं चला ये कब हुआ. इट्स लाइक नो, ये आपको पता होता है, आपने इसके ऊपर जो ना एक शील्ड डाली हुई होती है, बिकॉज आप शायद अगले शख्स को दोस्त के रूप में देखना चाह रहे होते हैं. लेकिन वो कब, वो जो थिन लाइन होती है बिटवीन फ्रेंडशिप एंड लाइकिंग समवन, वो अगला शख्स कब क्रॉस कर देता है, ये इसकी सेंसिटिविटी रखना बहुत जरूरी होती है. हर चीज के दरमियान एक बारीक लाइन होती है. और खैर ये इस पर भी मेरा ये मुझे लगता है कि ये क्रॉस जनरली जो फ्रेंडशिप होती है उसमें जब हम ये कह रहे होते हैं कि यार इट्स जस्ट अ फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप की डेफिनेशन अगर आप करें फिर कहें कि इट्स जस्ट अ डेफिनेशन, तो उस पर बहस हो सकती है. बट अगर कोई कहे कि सिर्फ फ्रेंडशिप, इसमें मोहब्बत नहीं है, भाई मोहब्बत तो हर फ्रेंडशिप में होती है. ऑफ कोर्स अफेयर नहीं है. वो लड़की लड़की का जो अफेयर होता है उस अफेयर की आप बात बर्दाश्त नहीं होती. सो खैर ये बात तो एक अलग उसमें चली गई. अच्छा मैं उसको बता दूं कि मैं मजाक में बाद में कह देते थे कि यार हमने सिर्फ मजाक किया है. Okay. ऐसा ना हो किसी को ये लगे कि हमने भी किसी के दिल से खेला है, ऐसा नहीं किया. लेकिन वो एक मौका होता था ना कि किसी को तंग करने का, हाँ कि मंगनी हो गई ये लेंगे, तो उस पर थोड़ा सा इमोशनली. लेकिन उससे अंदाजा ये हुआ कि यार अगर हम ये ना कहें मजाक तो हमें डर था कि वो मंगनी ना तोड़ दे. तो कहना पड़ता था यार मजाक कर रहे थे, वैसे ही हमें पता चला तो हमने कहा इस अंदाज से बुरा. ऐसा मजाक तो फिर आप जानबूझ के करते थे ना है? ऐसा मजाक तो हमें पता था ना. और क्या करते, वैसे कहते तो कोई बहाना तो नहीं था ना. मंगनी तो एक बहाना थी. सही है सही है. नाइस वन, गुड वन, गुड वन. वी हैव सम मैसेजेस हियर. अंजु इज लिसनिंग टू अस, थैंक यू सो मच. आज के दिन में खास बात ये है कि उसने भी मुझे अपने प्यार का इजहार कर दिया. वाओ ओके. लुबना शहजाद फ्रॉम कराची. 2 अक्टूबर को मेरी थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी है बट मिसिंग माय हस्बैंड, ही इज गॉन टू ऑफर हज. माशाल्लाह दैट्स ग्रेट लुबना, एंड मुबारक हो आप दोनों को. बहुत बहुत मुबारक हो. और जब वहां पर वो दुआएं मांगे तो उनसे कहिएगा कि नाम लेकर हसनी और लीना के लिए भी दुआ मांग ले प्लीज, और हम आपको विश कर देते हैं उन्हें. ज़ैनब रज़ा इज़ लिसनिंग टू अस. शो बहुत आला है, अल्लाह आपको खुश रखे. हसनी अगेन हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच जी. समरा कहती है हे माय वर्ल्ड बेस्ट सिस एंड हसनी ब्रो. थैंक यू समरा. आप दोनों को बहुत मुबारक हो. आपको 15 इयर्स शो के एंड ब्रो आपको बर्थडे एंड शो. अल्लाह आप दोनों की दुआ कबूल करे. आमीन सुम्मा आमीन. शान लिसनिंग टू अस इन फैसलाबाद. हे शान, अनम हमें सुन रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया. सहरश समीन इज लिसनिंग. वालेकुम अस्सलाम टू यू. शो जबरदस्त है. मेरे अम्मी बाबा को आई लव यू कहने प्लीज. आविश के आपके अम्मी अब्बा सुन रहे हो, अगर नहीं भी सुन रहे तो आप उन तक पहुंचा दीजिएगा कि आपने हमारे शो में उनको आई लव यू कहा था. हम भी आई लव यू बोलते हैं. अपने अपने अम्मी बाबा को भी आई लव यू बोल देते हैं. मेरे अम्मी बाबा को आई लव यू कहने प्लीज. आविश के आपके अम्मी अब्बा सुन रहे हो, अगर नहीं भी सुन रहे तो आप उन तक पहुंचा दीजिएगा कि आपने हमारे शो में उनको आई लव यू कहा था. हम भी आई लव यू बोलते हैं. अपने अपने अम्मी बाबा को भी आई लव यू बोल देते हैं. नूर कहते हैं हाय हसनी, आप मुझे बहुत पसंद है, आपकी आवाज बहुत प्यारी है और ये मेरा फर्स्ट मैसेज है. थैंक यू सो मच नूर. अरीबा हेयर, हाउ आर यू बोथ? शो बहुत लश गोइंग. हसनी भाई योर वॉइस इज ऑसम एंड लीना योर्स टू. आज मेरी एंगेजमेंट को 1 साल हो गया. रियली आपको बहुत मुबारक हो एंड थैंक यू सो मच. कैफली, आज के दिन मैं अपने लव से मिला था, एक अजनबी थी, उनको सलाम कह देना, उनका नेम सबा है. अजनबी थी, अब तो अजनबी नहीं रही ना. अब नहीं रही ऑब्वियसली, पहले तो अजनबी होते हैं बहुत से लोग है ना. और मुझे ना बॉलीवुड फिल्मों की एक चीज बहुत ही ज्यादा इरिटेट करती है, खास तौर पे वो जितने गाने होते हैं ना अजनबी वाले. हाँ, और मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है. अजनबी मुझको इतना बता, आई मीन अजनबी इज अ स्ट्रेंजर. यस, मतलब अजनबी से हम जो एक नेगेटिव टर्म है, एक नेगेटिव टर्म. आई थिंक इस बारे में हमने बात की हुई है पहले. yes. है ना, हमने अजनबी की इस सेंस में नेगेटिव या पॉजिटिव टर्म में बात नहीं की थी. okay. किसी स्ट्रेंजर का आपको दिया गया कोई ऐसा फेवर या आपके लिए कुछ ऐसा करना जो आपको अच्छा लगा, जिससे आपको कोई फायदा हुआ. लाइक ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं, हम भी कई ऐसे काम कर जाते हैं. तो हमने इस पे बात की थी. बट पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर्स. यस, स्ट्रेंजर इज अ नेगेटिव वर्ड ना, लेकिन अजनबी का इंतजार है. बाय द वे माय सॉन्ग दैट जिसका वीडियो हम लोग जनवरी में शूट करेंगे उसका नाम भी अजनबी मेहरमान. आपने गुनगुनाया? मुझे भी रियलाइज हुआ.
क्या आपने सॉन्ग भी गाया? नहीं, वो अभी रिकॉर्डिंग होनी है उसकी बाकी. आपका ना? यस यस. क्या बात है, इतनी बड़ी बात आपने छुपा के रखी. दो लोगों का गाना बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों नीचे कर दिया? वो गाना आ रहा था ना अभी. नहीं नहीं, मेरा गाना नहीं है, मैं बता रही हूँ. अच्छा. जनवरी में उसको शूट करेंगे हम. वो भी अजनबी पे? हाँ. मुझसे मिस हो गया, प्लीज अपडेट अपलोड कर दें काशिफ रजा. काशिफ, फर्स्ट थिंग आज शो के बाद जो है, मैं जो पिछला वाला लव कनेक्शन था उसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई है, उसको मैं अपलोड कर दूंगी. अच्छा. फैजान यासीन सुन रहे हैं, आई होप यू रेड ऑल 15 पोएट्रीज. यस, इन्होंने मुझे 15 पोएट्रीज भेजी है आज फेसबुक पे. जबरदस्त. फैजान ने, आई होप यू रेड ऑल 15. नहीं, मैंने पूरी 15 नहीं पढ़ी आज. तो एक भी नहीं पढ़ी. नहीं. अच्छा, आपसे? हाँ, मैंने पर्सनली जो है पूरी 15 नहीं पढ़ी, मैंने इसमें से 3-4 पढ़ी हैं. एंड आई हैव सम फीडबैक फॉर यू व्हिच आई विल गिव यू ऑन फेसबुक. शोएब कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम हसनी ब्रो, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा हमदर्द यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया है. वाओ, दैट्स ग्रेट. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. आई लव माई मॉम एंड शी इज माई बेस्ट फ्रेंड. हाँ, क्या फेज होता है लाइफ का, मतलब Wow. क्या फीलिंग्स होगी आपकी. जबरदस्त शो है, कांग्रेचुलेशंस, वी आर रियली हैप्पी फॉर यू. अच्छी बात है. कहते हैं यासिर के डेडिकेट करना चाहते हैं एक गाना अपनी वाइफ को. समरा कहती हैं, योर शो इज ग्रेट, आई हेट पोएट्री, प्लीज एलिमिनेट इट फ्रॉम योर शो. अब कल को भी आपका शो बुरा लगता है, उसे एलिमिनेट कर दें. हरगिज नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद है. क्या नाम था इनका? समरा. समरा, सबकी पसंद अपनी अपनी है. और फहीम मेमन, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड दिस इज यासिर अगेन. लीना बाजी, आप पाकिस्तान से आई, पूरी कहानी सुनिए. एंड क्या आप लंदन यूके से यहाँ शो किया करती थी? नहीं, ह्यूस्टन से करती थी. शौकत अली, थैंक यू सो मच, सालगिरह मुबारक हसनी. रिजवान रेजी जैदी फ्रॉम एफएम 105, थैंक यू सो मच रिजवान भाई, आपके मैसेज का और बर्थडे की विश का बहुत बहुत शुक्रिया. अंदलीप कहती है, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे हसनी भाई. वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच. मैंने डिलेमा सेंड किया था अपना, प्लीज आई एम वेटिंग हसनी एंड लीना. अच्छा, एक डिलेमा तो वेटिंग हसनी एंड लीना. अच्छा, एक डिलेमा तो उन कॉलर का भी है. यार, ये कॉलर का जो डिलेमा है ना हसनी, मैं शशोपंच में गिरफ्तार हो चुकी हूँ. हम आगे चलते हैं ना. कोई शख्स ऐसे कैसे. एनी हाउ, प्लीज पोएट्री भी शामिल करें ना, क्योंकि लव कनेक्शन पोएट्री के बगैर अधूरा होता है. दैट शाजिया जाफरी. नहीं, ये देखें, वो उनको बुरी लगती है, उनको बुरी लगती है, इनको अच्छी लगती है. मारिया फ्रॉम कराची, टुडे आई फाइनली डिसाइडेड हुम आई विल गेट मैरिड, सो प्लीज we will marry soon and live happily ever after. Ameen. Ameen, sum ameen. Your show is wonderful. When I have time, I listen to your show. Keep it up and best of luck and happy birthday, Hasni. Thank you so much. Wow, yani ki aaj inhone apni zindagi ka bahut important faisla kiya hai. Yes. Interesting. That's Achha, good. ye bhi to ek mauzu hai na. Maria. Ye bhi to topic hai. Hai na? Hmm. Ki kaise faisla kiya jaye? Matlab kya wo cheeze hain jo aapne puri dekh li aur uske baad decide kar liya? Maria, zara detail mein batao na, matlab kis tarah faisla kiya? क्या सोचा? डिटेल में बताएं ताकि कभी हम टॉपिक भी रखें ना तो इन चीजों को हाईलाइट करें. थॉट स्टार्टर्स. इकराम फ्रॉम फैसलाबाद, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी बर्थडे हसनी. थैंक यू सो मच इकराम. आई एम अ बिग फैन ऑफ यू एंड लीना, लव यू यार, कमाल करती हो आपकी पिटअप. ओह इकराम, थैंक यू सो मच. इसरा, सलाम लीना डियर एंड हसनी भाई, आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये मंथ ही मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉज मेरे लव लाइफ वर्ल्ड और हबी की बर्थडे है. लव लाइफ और वर्ल्ड. यस, ग्रेट वर्ड्स है ना. या स्वीट. सो उनको हैप्पी बर्थडे. बुराक सुन रहे हैं, हैप्पी बिलेजेड बर्थडे टू यू हसनी. थैंक यू सो मच. इनफैक्ट बुराक ने आज हमें फर्स्ट टाइम सुना है. आपको खुशामदीद. वाओ, दैट्स नाइस बुराक, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. हाय, आई एम रमशा शेख, प्लीज रीड माय मैसेज. ज़ारा शिराज़ी का सॉन्ग किस्मत किस मूवी का है? वो किसी मूवी का नहीं है, ज़ारा इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, यूज़ का गाना. आपको खुशामदीद. वाओ, दैट्स नाइस बुराक, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. हाय, आई एम रमशा शेख, प्लीज रीड माय मैसेज. ज़ारा शिराज़ी का सॉन्ग किस्मत किस मूवी का है? वो किसी मूवी का नहीं है, ज़ारा इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ये उसका गाना है जो कि मैंने प्ले किया था. और वो अगर आप जाएं मेरे पेज पे तो आपको वहां पर मिल जाएगा उसका लिंक. वैसे हम शो में प्ले करने की भी कोशिश करेंगे, इनफैक्ट हम प्ले कर देंगे. अदनान सुनते हैं फ्रॉम करंगी, सलाम हसनी भाई, मेरी मंगेतर मुझसे नाराज है, मैं उनसे बहुत बार सॉरी कर चुका हूँ लेकिन वो फिर भी नहीं मान रही, प्लीज हेल्प मी, मुझे क्या करना चाहिए? मनाने की कोशिश करते रहना चाहिए, लगातार मनाते रहिए. यस.
मुख्तार शिराजी कहते हैं थैंक्स फॉर मिसिंग मी लीना, एंड मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया, एंड 2 months बाद आपकी वॉइस सुनकर बहुत अच्छा लगा है, अब इंशाल्लाह शो मिस नहीं होगा इंशाल्लाह, और खुश आमदीद अगेन। यस, अच्छे बच्चों वाली बात की आपने, थैंक यू। इमदाद हुसैन फ्रॉम जहलम, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। मैं जिसे प्यार करता हूँ उसको पहली शादी के 9 साल बाद हासिल कर लिया, पहली शादी के 9 साल बाद, अब सब कुछ छोड़ गया, अब सब कुछ छूट गया है, सब कुछ घर बार माँ बाप, प्लीज टेल मी कि अब मुझे क्या करना। उफ, ये किस किस्म के? ओके, मैं ये मैसेज दोबारा पढ़ती हूँ। दिस गाइस फ्रॉम जहलम, मैं जिसे प्यार करता था उसको पहली शादी के 9 साल बाद हासिल कर लिया है, ओके, और अब सब कुछ छूट गया है, घर बार माँ बाप, प्लीज टेल मी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्त, जिस चीज के लिए आपने इतना कुछ छोड़ा अब उससे तो कम से कम निभाए। या सिंपल, या दैट्स व्हाट इट्स गॉट टू बी। उफ, माइंड बॉगलिंग मैसेजेस। असल में हम प्रोग्राम में आपको याद हो एक चीज, अक्सर ये बात कहनी पड़ती है कि यार बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी, नहीं समझ में आती वो वक्त से पहले, बहुत कम लोग हैं जिन्हें लग जाती है वो समझ जाते हैं। असल में हम प्रोग्राम में आपको याद हो एक चीज, अक्सर ये बात कहनी पड़ती है कि यार बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी, नहीं समझ में आती वो वक्त से पहले, बहुत कम लोग हैं जिन्हें लग जाती है वो समझ जाते हैं, मोहतात हो जाते हैं, वरना बहुत सारे लोगों को कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जिससे आप प्यार करते हैं उसे भगा के शादी करें, लड़ झगड़ के करें, कुछ भी करें, कर लें, बट जब आपको ये लगता है कि यही सारी जिंदगी है तो देख लीजिएगा, लग पता जाएगा कि वाकई ये सारी जिंदगी है, अंदाज बदल जाते हैं। एक कंवारे बंदे की शादीशुदा बंदे जैसी सोच या फीलिंग्स नहीं हो सकती, जब आप कंवारे हमेशा नहीं रहेंगे, जिंदगी बदलने में 2 साल लगते हैं। आप शादीशुदा हो गए तो देयर इज नो कंवारापन, अब आप खुद को बैचलर नहीं कह सकते। थैंक यू हसनी फॉर वार्निंग। वालिदा या वालिद बन गए फिर आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज, सोच चेंज। तो 2 बरस में आपको ये जो 25-26 तक हम मित्रा रहे होते हैं कि यार जवानी है और वी आर बैचलर, खुली जिंदगी है, तो ये टाइम लगता है, फिर आपको लगता है कि यार अब इससे आगे और क्या है, खत्म। जैसे बचपन हो हम सोच रहे होते हैं अभी तो बचपन है, जवानी हो तो उस पर इतरा रहे होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने, आप अपनी जिंदगी में होने वाली चीजों को देखें कितने अरसे से कितनी बदली हैं, आपको खुद हैरत होगी वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है। Absolutely. तो बहरहाल इसलिए बड़ी जिम्मेदारी, ये जो फैसले जिम्मेदारी के होते हैं उनको जज्बात में ना किया करें, जिन चीजों में जज्बात की जरूरत होती है वहां अकल न लाया करें। इन दोनों बातों को समझने के लिए जिंदगी को बरतना पड़ता है, बजाय इसके कि जिंदगी को गुजरते देखते चले जाएं। अर्जुन आजी अहमद जो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलती है, वो कहती है कि जिंदगी के तमाम बड़े फैसले दिमाग से करने चाहिए। सिंपल, यस। सो अगर बड़ा फैसला है तो उसके लिए दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अब देखे ना उनकी एक बात के पहली शादी के 9 साल बाद उनको पा लिया जिन्हें वो चाहते थे, यानी कि 9 साल जो है वो उसके साथ जो गुजरे होंगे वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। अच्छा, लास्ट लव कनेक्शंस में आपको याद है पाके भी जिंदगी वैसी तो नहीं है जैसी मैं सोच रहा था कि यार जिंदगी तो यही है। जिंदगी क्या है ये हर स्टेप पे आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, आप डिफरेंट स्टाइल से उसे देखना चाहेंगे, सोचना चाहेंगे, और हर स्टेप पे वो आपको डिफरेंट नजर आती है, आपको खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। Absolutely. अगला मैसेज इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अल्लाह रहम करे। Hey, I'm Honey Mughal. I'm your regular listener. मेरी लव प्रॉब्लम ये है कि मैं जिससे लव करती हूँ हमने एक दूसरे को इवन के देखा भी नहीं, बट वो लड़का मुझसे अभी शादी करना चाहता है, बट जब मैंने कहा कि अभी नहीं तो उसने कहा कि वो मुझे उठा कर ले जाएगा, एंड मेरी सिस ने पापा को कह दिया कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, एंड 1 माह से हमारी बात नहीं हो रही, प्लीज मुझे इसका कोई हल बताएं। हंसी आप हंस रहे हैं। ऐसी सिचुएशन, वेल देखो इस दुनिया में क्या नहीं हो सकता। आई मीन कम ऑन, हम अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेके जो है ना टेंशन में होते हैं, तो किसी का जो प्रॉब्लम है ना वो कभी कभी बहुत मैग्नीफाइड लगता है, और पता चलता है कि भाई हमारे प्रॉब्लम्स जो है ना बिल्कुल छोटी छोटी कीड़ियां हैं उसके सामने। बिल्कुल, यू नो लोगों के दुख और गम बहुत बड़े। एब्सोल्युटली, ये देख लें आप, मतलब दिस इज जस्ट
जस्ट क्रेजी. आई मीन अगर आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं हनी, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग. हाँ, उनसे ज्यादा अच्छा मशवरा आपको कोई नहीं दे सकता. हाँ, और अगर वो इन्वॉल्व्ड हैं, वो आपके लिए बेहतरीन सोच सकते हैं. और अगर वो लड़का वाकई में इतना सीरियस है, तो उसके पेरेंट्स को कहें, आपके पेरेंट्स से बात करें स्ट्रेट फॉरवर्ड. मुझे एक लव कनेक्शंस के पेज पे एक दोस्त ने मैसेज किया था. उनकी भी ये शादी, मंगनी और मोहब्बत इस तरह की कोई बात थी. ये जो अभी बातें मैंने थोड़ी देर पहले कही ना, कि आप अभी सोच रहे हो एक लवर की हैसियत से, ठीक है, कल को आप एक लवर नहीं होगे, अभी आपको अपनी लवर को खोने का डर है. मैंने थोड़ी देर पहले कही ना, कि आप अभी सोच रहे हो एक लवर की हैसियत से, ठीक है, कल को आप एक लवर नहीं होगे, अभी आपको अपनी लवर को खोने का डर है. कल आप ये नहीं कहोगे मैंने अपने लव को पा लिया. कल आप जिसे कहोगे तुम्हारा लव, वो तुम्हारी वाइफ भी है, तुम उसके हस्बैंड भी होगे. अभी तो बहुत सारी चीजें नहीं है, तब बहुत सारी चीजें होंगी, फिर जो नहीं होगा आप उसे मिस कर रहे होगे. ये भी हो सकता है कि यार मैंने तो सोचा था कि ये एक आइडियल पार्टनर है, हमारी इतनी मोहब्बत है, वो क्रेज, वो फीलिंग्स क्यों नहीं है. और दूसरी चीज फिर आप ये सोच रहे होगे कि अगर ये होता तो क्या होता, उसको आप कैसे, ये तो चले आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस था, आपने कर लिया. वैसे हसनी, दे विल ऑलवेज बी, ये होता तो क्या होता. अगर वही हुआ हो तब भी यही होगा कि ये होता तो क्या होता. यही तो कह रहे हैं कि आप इस चीज को जहन में रखते हुए, लेकिन हमारा मसला ये, हम कहते हैं नहीं. कई लोगों को ये तक सुना है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन मुझे चाहिए यही बस. तो अब उनको जुनूनी कहें आप, बेवकूफ कहें आप, या कुछ और नाम दें, कुछ भी दें, हम उन्हें मतलब कह तो नहीं सकते ना, कुछ समझा तो नहीं सकते कि यार जो बंदा कुल्हाड़ी लेके पैर इसलिए साफ कर रहा है कि इस पे मारनी है, वो धो रहा है उसे, इस पे कुल्हाड़ी मारनी है. करने दें, हम उसे क्या रोक सकते हैं. हरगिज नहीं. कुल्हाड़ी उसके हाथ में, पैर उसका अपना, हम क्या करें. Yeah, और इंसान, then again, you learn from your mistakes. Yes, और ये वो चीजें जो आपको एक्सपीरियंस करनी भी पड़ेंगी. किसी की बात नहीं समझ में आती. Just make sure you learn from your mistakes. Yeah, दुआ करें कि वो कुदरत आपके दिल में दरवाजे खोल दे, जहन के भी, कि जहां बात असर कर जाए. वरना ये चीजें आप कई बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, लेकिन आप पे असर नहीं करेंगी. ओके, और इसी के साथ हुमा फ्रॉम कराची, हैप्पी बर्थडे हसनी. थैंक यू सो मच हुमा. बिलाल कहते हैं, रीना आपके 15 इयर्स जर्नी में सबसे अनयूजुअल इंसिडेंट शेयर करें, एंड बैड या हैप्पी. ओके, हाँ, सबसे अनयूजुअल इंसिडेंट ये था कि मैंने पूरा स्टूडियो बंद कर दिया था. ह्यूस्टन, ये 2 साल पुरानी बात है. मैं समझा स्टूडियोज बंद कर दिया आपने. नहीं नहीं, लॉक नहीं किए. कोई अपने बैग में आप कुंडियां लेकर आई थी जो आपने अंदर से ठोंग दी. Not at all, not at all. वो वहाँ का जो है ना, वो स्वाइप वाला ऑटो सिस्टम है. वो इंजीनियर बैठ के देख रहा हूँ, यार ये एक मूवी में ऐसा सीन हुआ था, चार बंदों ने हाईजैक कर लिया था स्टूडियोज, ये कहीं लीना ऐसे काम तो नहीं करने जा रही. नहीं, ऐसा कि मैं आज रेडियो पे सब सच बोल दूंगी. आई विश मैंने वो किया होता. Oh, no, डरा रही हैं. नॉट एट ऑल, सच तो बोलना ही चाहिए हमेशा. Okay. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, उसमें हुआ ये कि मेरा शो जो है वो, दिस इज 2 years ago ह्यूस्टन, जब मैं ह्यूस्टन गई हुई थी, तो वहां पर जो है ना, मैं आई वॉज डूइंग माई शो. और अब मुझे क्या पता था कि भाई ये होगा. अब हुआ ये कि मैंने अपना लैपटॉप जो है ना, वो एक जगह प्लग किया हुआ था. मैंने जहाँ लैपटॉप रखा था, उसका नियरेस्ट प्लग जो था ना, वो बहुत अंदर पीछे करके था. अच्छा. तो वो मुझे इंजीनियर ने प्लग करके दिया था कि भाई ये जाते हुए इसको अनप्लग कर लेना. तो मैंने ये किया कि मैं बहुत जबरदस्त शो गया, फुल मैं जो ना मजे में, मूड में चल रही हूँ, कि फाइन लास्ट सॉन्ग लगा, मैं एंजॉय कर रही हूँ एवरीथिंग. और मैंने लैपटॉप अपना बंद किया, उसके बाद मैंने अडैप्टर लपेटना शुरू किया. लपेटते लपेटते मैंने कहा ओके, ये इसकी तार इधर जा रही है. मैंने बगैर जो है ना अंदर देखे हाथ डाला, मेरा, मेरे हाथ में एक प्लग आया, मैंने उसको खींच लिया. अच्छा, जैसे ही मैंने उसको खींचा ना, तो सब खामोशी हो गई. मैंने मुड़ के मिक्सर की तरफ देखा ना, कोई लाइट नहीं जल रही, सारी स्क्रीन्स बंद. आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये क्या हो गया ना. 2 सेकंड का तो मैंने अपने आप को कंपोज किया कि मुझसे ये गलती हो गई है, कुछ मैंने समझ आ गई. हाँ, मुझे समझ आ गई कि मैं ऑब्वियसली मैंने प्लग पुल कर लिया. बंदा हैरान भी होता है ना, यार ये क्या जादू कर दिया मैंने. फिर मैं जो है ना वहां से निकली, मैं भागते हुए गई दूसरे रूम में. वहां पे मैंने इंजीनियर को बुलाया, मैंने कहा कार्लोस एवरीथिंग इज शट डाउन. वो एकदम से बौखला के उठा के हुआ क्या है. जब वो वापस आया तो क्या कहता है, व्हाट डिड यू डू. मैंने कहा अनप्लग्ड समथिंग. तो उसने कहा ओ गॉश, वो तो अनप्लग नहीं करना था ऑब्वियसली. वो अंग्रेज स्पैनिश है इंजीनियर वहाँ का. तो फिर उसने मुझे समझाया कि गलत प्लग मैंने निकाल दिया. बट ही इज लाइक ओके, ही पुट इट बैक इन. और 10 मिनट लगे ट्रांसमिशन को वापस ऑन एयर आने में. और एवरीथिंग वाज कूल. मुझे किसी ने फायर नहीं हुआ. नहीं, मैं फायर नहीं हुई. उसने बेचारे ने क्यों फायर होना था. नहीं, उसको पता भी तो नहीं था.
क्या नहीं पता था क्या ट्रांसमिशन बंद हो गई नहीं मतलब इट्स लाइक द नेक्स्ट रूम ना अच्छा कि मतलब यहाँ बंद हुई है और दो सेकंड जो है मैंने लगाए अंडरस्टैंड करते हुए क्या हुआ और मैं भागती हुई बाहर जाऊं मैं कहूं वकास तजमुल रेडियो बंद हो गया तो बस ये सीन था बट द थिंग इज के माय बॉस वाज रियली नाइस या आई हैव हैड सम रियली गुड बॉसेस अच्छा ये बड़ी लक की बात होती है कि आपको बॉसेस बहुत अच्छे मिले कुछ 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 बॉसेस को मैंने आई क्विट भी बोला है लेकिन हाँ लास्ट टू वर्क प्लेसेस लास्ट आई थिंक के यूएस में मेरे बॉसेस बहुत अच्छे थे और पाकिस्तान में 103 या दे आर गुड ये वो चीजें ना जो मतलब जिनको आप नहीं लेकर आते जिनके लिए आप कोई कोशिश नहीं करते जैसे हम कह रहे थे ना यार हर चीज आपकी कोशिश से होती है लेकिन बाजूकात आपके आसपास की चीजें आपकी कोशिश के बगैर होती हैं राइट उनमें से ये होता है कि आपका सीनियर कौन कैसा है आपके कोलीग्स कौन कैसे हैं लेकिन यू नो आई बिलीव इन दिस इसलिए क्योंकि मैंने ये बात एक्सपीरियंस की है कि अगर आपने किसी चीज के लिए कोशिश की है ना और वो आपको वहां पर नहीं मिली और आपने उसके लिए कोशिश कर ली है यानी मेहनत कर ली है तो वो आपको रिटर्न में जरूर आएगी इंशाल्लाह बिल्कुल मिलती है बिकॉज दिस जॉब दैट आई हैव ऑन 103 अपार्ट फ्रॉम बीइंग द आरजे जो मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यहाँ पर दिस इज माई ड्रीम जॉब अच्छा और ये थ्री अपार्ट फ्रॉम बीइंग द आरजे जो मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यहाँ पर दिस इज माई ड्रीम जॉब अच्छा और ये इस बात का सबूत क्या है कि ये मेरी ड्रीम जॉब है बिकॉज ये सब कुछ एक पेपर पे लिखा हुआ है और ये सब कुछ मैंने लिखा था इन द ईयर 2003 में किसी ने मुझसे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिस रेडियो पर मैं काम कर रही थी लंदन में तो वहां पे उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज योर मिशन वर्सेस योर विजन फॉर द न्यू ईयर तो मैंने जो है ना पूरा एक डेढ़ पेज का डॉक्यूमेंट लिखा था और वो मैंने डॉक्यूमेंट वो आज भी इस वक्त अगर आप जो है मेरे अपार्टमेंट में मेरी अलमारी पर जो है वो मैंने चिपकाया हुआ है उसको एक प्लास्टिक उसके अंदर डाल के अच्छा। और उसको मैंने चिपकाया हुआ वहां पे इसलिए ताकि मैं जब उसको देखूं मुझे रियलाइज हो और मैं शुक्र करूं कि व्हाट आई डू राइट नाउ इस उस वक्त जो मैंने पेपर पे लिखा था कि मेरा विजन ये है मेरा मिशन ये है तो मैंने उस वक्त सोचा था और मैंने अब आई एम डूइंग इट आई एम लिविंग इट सो इट्स ब्यूटीफुल सात आठ बरसों में वो पा लिया यस यस और मैंने पाया नहीं है मैंने यस मेहनत की है बट इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि क्या कहना चाहिए पॉजिटिविटी गुड वाइब्स पेरेंट्स की दुआएं फ्रेंड्स की सपोर्ट और जिन्होंने जो आपको क्या कहते हैं बहुत ज्यादा पीपल हु हैव लव्ड मी एंड पीपल हु हैव हेटेड मी दे हैव बोथ मेड मी हु आई एम टुडे That's it. It's okay. Simple as that. Great. Yeah. So, we have a song? Yeah. Okay. And the song is... Jism 2? And the song is... Abhi Abhi. Yeh aap suna rahi? Yes. Okay. Ek naya gana aya Rahat Fateh Ali Khan ka. It's in a new movie. और आज उसकी स्पेशल रिक्वेस्ट आई है इनफैक्ट आज सुबह फेसबुक पे मुझे रिकमेंडेशन आई थी अच्छा कि राहत के दो सॉन्ग्स हैं उस मूवी में टूटने की बात और एट फ्रेंड्स एक बार फिर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद 3:41 हो चुके हैं आप सुन रहे हैं लव कनेक्शंस मस्त एफएम 103 कराची स्टूडियो से लीना शाह और मेरे यानी हसनी नवीद आफरीदी के साथ लीना दो कॉलर्स हैं हम कोशिश करते हैं दोनों को एक साथ ले लें ओके okay. ताकि एक एक करके दोनों से बात कर लें और कौन कौन है हमारे साथ हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम कौन बात कर रही है मैं सारा हाय सारा क्या हाल है अलहमदुल्ला ठीक ठाक लीना लीना जी आपको बहुत कॉल करने की कोशिश करी आपके शो में पर कॉल नहीं मिली आपको विश करना है कि आपके सीनियर जो है रेडियो पे मुकम्मल हुए थैंक यू सो मच सारा दैट्स ग्रेट बहुत सारी विशेस कि आप हमेशा खुश रहें और बहुत ज्यादा तरक्की करें और हसनी भाई को भी हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच सारा अच्छा दूसरी लाइन पे एक और कॉलर है उनकी आवाज थोड़ी सी दब गई आप अपना नाम बताइए सेकंड कॉलर अशल आप कहाँ से हैं कराची से ओके सारा भी कराची से और अशल भी कराची से सो आई थिंक फर्स्ट लाइन पे अशल आप थी जी आप क्या कहना चाहेंगी बताइएगा जरा मैं कहना
मैं अपनी फ्रेंड के बारे में कहना चाहूंगी जिसे मुझे बदल दिया, अपनी वो फ्रेंड जिसने आपको बदल के रख दिया। जी, उन्होंने मुझे बदल के रख दिया। मैं बहुत गुस्सा, मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा, और मुझे गुस्से में मुझे पता ही नहीं क्या हो जाता था। मैं तो ये नहीं देखती थी कौन है क्या नहीं, और मैं अपनी मम्मा से सबसे बदतमीजी कर जाती थी सबसे। Okay. और मुझे याद है मेरी 6 अक्टूबर को, एक साल हो गया, मेरी फेसबुक से फ्रेंड बनी थी फातिमा, और मैंने कुछ नहीं कर, मतलब अपने उसमें रहती, लेकिन वो जो मेरी दोस्त बनी उसने मुझे बिल्कुल बदल दिया। और मुझे इतनी, मैं आपका कहना चाहूंगी, थैंक्स कहना चाहूंगी। नाम क्या है उनका? उसने मुझे कौनैन फातिमा नाम है। कौनैन फातिमा ने ऐसा क्या किया कि आपको बदल दिया? मतलब ऐसा ये किया कि मतलब उसने मुझे जिस तरह का दिखाया ना सब कुछ, कि तुम अपनी मम्मा से कर रही हो बदतमीजी, जिनकी मम्मा नहीं होती, उनकी कोई ऐसी लाइफ नहीं होती, नहीं होती वो, उनकी मम्मा और पापा दोनों नहीं है, राइट, उनके साथ रहती है, उनकी बातें आप पर असर कर गई। और वो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे कुछ यकीन नहीं आता कि वो इतनी छोटी है इसलिए, और वो मुझे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने क्या क्या देखा है, लेकिन दिन रात तुम ये कर रही हो, एक वक्त आएगा कि तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या किया, अभी तुम छोटी हो इतना वो नहीं है, लेकिन अभी से समझोगी ये करोगी वो करोगी। उनकी बातों से मैं बहुत एक्साइट हूँ, और मुझे मतलब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है जो आज तक, और अब मुझे सब, अब सब मेरी तारीफ करते हैं तो वो मुझे अच्छा लगता है, और मैं ये कहती हूँ कि नहीं मेरी तारीफ नहीं, मेरी दोस्त की तारीफ है। yes. मतलब मैं सब ये मानती हूँ कि मेरे अंदर ये सारी बुराइयाँ थी, मैं बहुत बदतमीज थी, बहुत वो थी, अगर अब मैं, और मेरी मम्मा अब जो है बहुत खुश होती, मेरी मम्मा ने कौनैन फातिमा को अपनी बेटी ही बना लिया, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटी को ब्यूटीफुल ऐसे दोस्त हर एक के होने चाहिए, होने चाहिए। और ये भी अच्छी बात है कि आपने उसका क्रेडिट दिया। करती हूँ कि वो मुझे हिदायत देना चाहते हैं, इसलिए मुझे इतनी अच्छी दोस्त बनी, इतनी अच्छी दोस्त बनी, कैसे बनी, बहुत अच्छी दोस्त बनी, जिससे मुझे बहुत ज्यादा चेंजिंग आ गई है, बहुत ज्यादा अब मुझे समझ आने लगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या नहीं। मैं आपको बता नहीं पा रही कि उन्होंने किस तरह किस तरह एक बात समझाने का एक वो किया, और मैं जो हूँ मेरी भी खुशियाँ उसको मिली। माशाल्लाह ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। आपकी दोस्ती जो है वो सलामत रहे और इसे नजर ना लगे। आमीन। विवेश के वो भी सुन रही हूँ, और उनकी तरफ से भी थैंक्स कि आपने अपने अंदर जो पॉजिटिव चेंज है उसका क्रेडिट अपनी फ्रेंड कौनैन फातिमा को दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच। जी सेकंड कॉलर। मुझे तो बस ये कहना है कि अभी थोड़े दिनों पहले 23 सितंबर को मेरे मामू जाने वाले थे सऊदीया, ओनली कनाडा, सॉरी। तो जो है हम सब उनको छोड़ने गए, बट वो बाई चांस उनके कुछ पेपर्स नहीं थे और वो नहीं जा सकते उस दिन। okay. और वो कल गए हैं। तो वो जो दिन था जिस दिन मतलब 23 सितंबर था, उस दिन हम लोग उनके लगेज के साथ, मतलब कार में लगेज ही रखा हुआ, और मेरी कजन मेरे ऊपर बैठ गए, मतलब हमें इतना एक्साइटेड लगे मामू इतने दिनों बाद आए फिर अब जा रहे हैं, तो हम उनको बहुत चेयर अप करके छोड़ के आए, एंड देन वो वापस आ गए। तो वो मोमेंट थोड़ा सैड था जब हम सो के उठे, क्योंकि उनकी फ्लाइट 4 बजे थी, मतलब रात के 4 बजे हम उनको सुबह कर, हमने घर आके नाश्ता बनाया सब मिलके, मतलब पूरा फैमिली थी और मजे कर रहे थे, और फिर जब एकदम से मामू आए तो जैसे उस दिन बस ऐसा हुआ कि सब को अपने अपने घर तो जाना ही था, बट सैड हो गए सब के मामू नहीं जा सके, तो वो मोमेंट भी थोड़ा भूलता नहीं। और अब कल वो चले गए, तो कल इतनी वो एक्साइटमेंट नहीं थी जितनी कि उस दिन थी, कि सबको पता था, सब आई थी खालाएं मेरी, माशाल्लाह से मेरी मम्मा की 9 बहनें तो सब मतलब जो कराची में रहती हैं वो सब आई थी, तो वो एक्साइटमेंट थी, तो इस वजह से मतलब अब वो कल गए तो इतनी नहीं थी, बट फिर वो अल्लाह का शुक्र है पहुंच गए, बट ये एक्साइटमेंट थी कि कोई जाता है तो दुख भी होता है पर छोड़ने की खुशी भी होती है। नई जर्नी पे जा रहे हैं, that's interesting सारा, that's wonderful. अच्छा मैंने भी अपनी जिंदगी की पर छोड़ने की खुशी भी होती है नई जर्नी पे जा रहे हैं, that's interesting सारा, that's wonderful. अच्छा मैंने भी अपनी जिंदगी की एक फ्लाइट मिस की हुई है, लेकिन वो फ्लाइट
मिस होने की इतनी खुशी थी उन लोगों को जो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने गए थे कि दे वर लाइक वाओ. अच्छा मैं भी ये समझा था सारा जो बात बता रही है अपने मामू की कि उनकी फ्लाइट मिस होने पर जब वो अचानक से वापस आई इस तरह से, तो हम सब देख के मतलब खुशगवारी खैरत हुई कि अभी कुछ और वक्त है मतलब एंजॉय करने का. बट उनका ये कहना था कि वो सैड थे सब लोग, लेकिन ऐसा होता है आप, नहीं आप... वो मतलब इसलिए हम लोग सैड थे क्योंकि वो बहुत दिनों से मतलब रुके में, तो उनके साथ काफी टाइम स्पेंड कर लिया था, काफी मजे कर लिए थे, तो हम सब मतलब वो खुद भी चाहते थे कि अब मैं थोड़ी चला जाऊँ ना, तो इस वजह से सैड थे. बाकी तो नहीं कह रहे तो खुशी तो ऑब्वियसली होती है, आपका कोई अपना ही क्यों ना हो. बिल्कुल एब्सोल्युटली दैट्स राइट सारा, थैंक यू सो मच. और एक और जो है मुझे वहाँ जाके फिर जब मेरे मामू जा रहे थे तो मुझे भी मतलब मेरे पापा सऊदी अब लाना चाह रहे हैं, थोड़ा मसले अटक गए पेपर्स वगैरह में, तो मैं सबसे इंतजार करूंगी कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं चली जाऊँ. थोड़ा टाइम मैं भी पाकिस्तान से दूर रहना चाहती हूँ, कभी जिंदगी में गई नहीं हूँ कहीं बाहर, तो जाना चाहती हूँ. तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट के दुआ करिएगा मेरे लिए कि मैं चली जाऊँ. और मेरे तमाम फ्रेंड्स जो सुन रहे हैं उन सबको सलाम, और बहुत सारा के खुश रहे हैं, बहुत सही दुआएं, और आप दोनों के लिए बहुत सही दुआएं. और लीना अभी आप जो है अपने शो में प्लीज कॉल उठा लिया करें, मैं बहुत कॉल मिलाती हूँ. मैं तो संडे को तो कितनी सारी कॉल्स लेती हूँ. नहीं मुझे भी कहना एक्सपेक्टर साहबा को जो है रिपोर्ट लिखवानी होती है, पर कॉल ही नहीं मिलती. ओके ओके चले, गुड लक टू यू, थैंक यू सारा. रिपोर्ट्स आप सिर्फ लाइव कॉल्स में लेती हैं? नहीं मैं SMS के थ्रू भी लेती हूँ और फेसबुक के थ्रू भी लेती हूँ रिपोर्ट. दे हैव बीन नाइस वंस, ग्रेट वंस, बट नॉट जो जैसे होता है ना एक आध बात ऐसी अनोखी सी होती है. जैसे हमारे कॉलर थे फैसलाबाद से नुमान, उनकी FIR डेफिनेटली बनती है और उनको एक साल के लिए जो है ना वो हमें काल कोठरी में रखना चाहिए अगर हम दिल की FIR कर रहे हैं. यस ये बहुत दिस इज हाइट ऑफ इट. लेकिन ये FIR तो नहीं थी ना, इन्होंने अपने खिलाफ खुद कटवाई है. ये कटवा सकते हैं अपने खिलाफ बिकॉज उसमें आप अपने खिलाफ भी FIR कटवा सकते हैं, अपने दिल के खिलाफ और किसी और के दिल के खिलाफ भी कटवा सकते हैं. सो या सो वी डू गेट केसेस इन द शो, बट दे आर वेरी लाइट वंस बिकॉज हमने शो का मूड थोड़ा लाइट रखा हुआ होता है. लेकिन मुझे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सबसे ज्यादा FIRs मेरे खिलाफ कटती है. यही कॉल्स SMS हाँ कि भाई आपने कॉल नहीं ली, मेरी कॉल नहीं पिक हुई और आपने शो मिस कर दिया. उफ, अगर मैं शो मिस कर दूं तो बहुत बुरा हाल होता है मेरे साथ अगले संडे को. फिर भी आपने मिस करने होते हैं. वो मैं जानबूझ के नहीं करती, वो प्रॉब्लम भी शेयर की. मैं उस दिन जो है वो अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर रही थी और मैंने जो है वो पूरा सितंबर के मंथ में देवर टू शोज दैट आई मिस्ड और उससे पिछले अगस्त में सारे में पी लिखा हुआ था प्रेजेंट. अच्छा. तो मेरा कभी स्कूल का कॉलेज का यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा किसी महीने का जितना जबरदस्त मेरा जो है ना वो अगस्त 2012 था. एक मंथ पूरा जिसमें एक शो नहीं मिस हुआ. और इस शो में मैंने अगस्त के महीने में मैंने ट्रैवल भी किया है बकायदा, तो यानी कि आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज इन फेस्टिवल. इसके बावजूद शोज थे, शोज मैंने मिस नहीं किए कोई भी. गुड. अब मैंने तो कभी चेक नहीं किया रजिस्टर, क्यों मुझे शायद वैसे ही पता है. वो उसने मुझे रजिस्टर चेक करवाया गया था और अच्छा. और वजूहात की बिना पर खैरियत थी ना. हाँ सब खैरियत थी, डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे. लेकिन यस, तो उस दिन जो है वो मैं वैसे ही अपना देखा. मैंने कहा यार मैं अपना भी देखूँ ना, तो वो जो मैंने सारा पी मार्क हुआ देखा ना, सो दैट वाज ब्यूटीफुल, जबरदस्त. मुझे नौबत, मेरे लिए शोज मैंने मिस नहीं किए कोई भी. गुड. अब मैंने तो कभी चेक नहीं किया रजिस्टर, क्यों मुझे शायद वैसे ही पता है. वो उसने मुझे रजिस्टर चेक करवाया गया था और अच्छा. और वजूहात की बिना पर खैरियत थी ना. हाँ सब खैरियत थी, डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे. लेकिन यस, तो उस दिन जो है वो मैं वैसे ही अपना देखा. मैंने कहा यार मैं अपना भी देखूँ ना, तो वो जो मैंने सारा पी मार्क हुआ देखा ना, सो दैट वाज ब्यूटीफुल, जबरदस्त. मुझे नौबत, मेरे लिए नौबत नहीं आई रजिस्टर दिखाने की. देखो भाई मरियम हमें सुन रही है, थैंक यू सो मच. और मरियम का एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना यहाँ पर सवाल है, वो कहती है प्लीज रीड फुल. सलाम बोथ ऑफ यू. वालेकुम सलाम. मुझे एक बात बताएं, क्या मोहब्बत में गाली दी जाती है? मोहब्बत में गाली दी जाती है? क्या मोहब्बत में सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करना पड़ती है? और आगे पूरा मैसेज पढ़ें. बस यही मैसेज है. मोहब्बत में सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट तो कभी खत्म नहीं होती. या कभी भी नहीं होती, कुछ भी हो जाए.
हाँ ये आप कह सकते हैं, रिस्पेक्ट आप बहुत से लोगों की करते हैं लेकिन सबकी बराबर करते हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो आप नाप तोल के करें, किसी की आप बहुत ज्यादा करते हैं। ये हो सकता है कि जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि उसके सामने आपने अपनी रिस्पेक्ट खत्म कर दी, ये नहीं होगा, उसकी रिस्पेक्ट आप बहुत करते हैं, ये हो सकता है। या लेकिन मेरे ख्याल में मरियम जो बात यहाँ पर शेयर करना चाह रही हैं वो पहले सवाल से जो है वो बहुत मतलब आपको कोई गाली दे आप चुप करके सुन रही हैं, ये कहना चाह रही हैं। क्या एक बात बताएं, क्या मोहब्बत में गाली दी जाती है? देखें हम लोग जो हैं किसी जमाने में अगर हम लोग सदियों पहले रह रहे होते तो हम अलग अलग कबीले के लोग होते और कबीले के नाम से हम पहचाने जाते। हर कबीले का अपना अपना दस्तूर है, अपने अपने डायलेक्ट्स हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज है। उर्दू ही जबान ले लें, आप पाकिस्तान के जिस भी शहर में जाकर उर्दू बोलेंगे आपको वहाँ के लोकल्स का उसमें एक सर्टन टच दिखेगा, वहाँ के स्लैंग में एक सर्टन टच दिखेगा। बहुत सारे लोग बड़ा इंटरेस्टिंगली उस स्लैंग को इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से सिंध की, कराची की अपनी अलग स्लैंग है। सो यू नो पीपल, जब दो अलग अलग आई मस्ट से कि अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से इकट्ठे होते हैं तो उन लोगों की स्लैंग अलग अलग होती है। हम इस वक्त जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पर बहुत सारी गालियाँ जो हैं वो दिस इज़ वेरी क्या कहते हैं एन ओपन थिंग जो कि शायद हम डिस्कस नहीं करते हैं। हम शायद इसके बारे में सोचते भी नहीं है कि हम आम जबान में बहुत सारी गालियाँ देते हैं। आप इसमें से बहुत सारी पीजी रेटेड भी होती हैं जो कि मतलब बहुत ही बचकाना किस्म की होती हैं, और बहुत सारी उसमें पीजी रेटेड नहीं भी होती, रेटेड भी होती हैं लेकिन आम जिंदगी में उनको दिल पर नहीं लिया जाता और उनका ये मतलब नहीं होता कि वाकई में वो गालियां दी जा रही हैं। और खास तौर पे अगर बाजार से गुजरते हुए भी आप कहीं पर लोगों को खड़े हुए आपस में बात करते हुए सुन लें, कहीं दोस्तों को खड़े हुए आपस में बात करते सुने, सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी, तो यू विल लिसन टू देम एंड यू विल से माय गॉड ये किस किस्म की लैंग्वेज है इनकी। स्पेशली व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान मैंने ये बातचीत बहुत ज्यादा एविडेंटली नोट की थी, बट देन अगेन वो स्लैंग बन चुका हुआ है। तो अगर कोई शख्स आपके साथ बात कर रहा है और स्लैंग में बात कर रहा है और उसने अपने स्लैंग में कुछ इस किस्म के अल्फाज यूज कर लिए हैं जो आप पर गिरां गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है कि शायद उसकी वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है क्या खुद सेल्फ रिस्पेक्ट उर्दू में क्या होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है मतलब आपको अपनी इज्जत उसके सामने यूं महसूस होती है कि मजरूह होती भी महसूस हो रही है, गिर रही है, या आप उसको तो आप बता दें कि भाई मुझे इस तरीके से अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर हम इसे यूं समझे ना स्लैंग्स या इन तमाम चीजों से निकल कर के चले स्टैंडर्ड मान लिया कि हमने वो वाकई गाली भी है, तो अगर वो गाली ही है तो ये है। तो अब जैसे लोग कहते हैं ना प्यार हो जाए तो हो जाए, उसके बाद वो कत्ल भी करे तो कोई वो मान लिया कि हमने वो वाकई गाली भी है, तो अगर वो गाली ही है तो अब जैसे लोग कहते हैं ना यार प्यार हो जाए तो हो जाए, उसके बाद वो कत्ल भी करे तो कोई वो नहीं होता। या तो आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ये चीजें अगर होंगी तो नहीं हो सकता, और अगर डिसाइड करके करेंगे फिर आप प्यार के हाथों हर मामले में मजबूर नहीं होंगे, और अगर एक चीज हो जाती है तो उसके बाद फिर ये चीजें नहीं सोची जाती। इट मीन्स कि शायद उस लेवल पे नहीं है जहां पर आप ये सब कुछ कर रहे हैं या आपको ये सब कुछ फील हो रहा है। वरना हर बंदे की अपनी अपनी जबान होती है, उसका अपना अंदाज होता है गुफ्तगू करने का। बाज़ूकात आप अपने फ्रेंड्स में भी बैठ के वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते जो आपको लगता है किससे भी चार हाथ आगे कोई दोस्तों में बैठ के बात हो सकती है, क्योंकि उस महफिल की उन दोस्तों के दरमियान वो चीज़ है ही नहीं। लेकिन जहां पर है आपको उसको फिर बियर करना पड़ेगा। You're right. भाई ऐसे दोस्त हैं ना आपके, एक एक बंदे का पता है यार इसकी जुबानी जो है ना वो ऐसी है, लेकिन हम उसके साथ फिर भी मामला लेके चल रहे होते हैं कि उसके सामने ये इज्जत रिस्पेक्ट ये कोई चीज नहीं आती। हमें पता है वो मुंह का है ही ऐसा, लेकिन एक जगह पर हमें पता हो कि पहले ऐसा नहीं है अब होने लग गया है, तो ये एक डिफरेंट केस है कि पहले नहीं था अब ये चीज क्यों हो गई। हो सकता है इसमें रिस्पेक्ट, आप अपनी रिस्पेक्ट को छोड़ें और कोई बात है वो तो नहीं है, उसे फिर आप ढूंढें कि यार ये बात क्या है, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वरना जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट का इन्होंने कोट किया ना, तो मुझे एक ये फील इस मामले में हो रही है कि एक वक्त आता है आपको कोई बात भले कोई भी हो आपको वो बात बर्दाश्त नहीं होती। जब आपको चीज बर्दाश्त नहीं होती आपको वो सब पे क्लियर करनी चाहिए कि ये चीज मेरे लिए काबिले बर्दाश्त नहीं है, भले कोई भी करे, भले कोई भी क्यों ना कहे, मेरा अपना अजीज भी क्यों ना कहे। आपका अपना अजीज जिसे आप अजीज कह रहे हैं आप भी तो उसके होंगे ना, उसे भी ये पता होगा इसको ये चीज बर्दाश्त नहीं, वो नहीं करेगा। लेकिन जब आप
एंड देन अगेन हसनी, मोहब्बत में भी तो मूड्स होते हैं. कभी आप कह के बात करते हैं, कभी आप तुम कह के बात करते हैं, कभी तू कह के बात करते हैं. हम इसे मोहब्बत से सिर्फ नहीं कहते हैं, मूड्स तो सबके अपने अपने ना. कैफियत अपनी अपनी. हमारा मसला ये कि हम हर चीज में मोहब्बत जोड़ के फिर बात करते हैं कि यार मोहब्बत में ऐसा भाई इसको हटाए अब बात करें. जनरल जनरल भी ऐसी ये सब कुछ हो रहा होता है. सही. जनरल भी देखे ना, आज के दौर में स्टूडेंट्स को मारना एक ऐसी बात समझी जाती है जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा. है ना, आज से 15-20-25-30 साल पहले ये बात क्या किसी के लिए वो थी. पेरेंट्स खुद कहते इसको इतना मारो कि इसके होश ठिकाने आ जाए. होश ठिकाने आ जाए. आज क्या ऐसा होता है, पहले बीवी पे हाथ उठाना या उसे मारना ये चीज एक आम समझी जाती थी कि शौहर को हक है. आज इस पे बहस होती है. yes. तो ये जो मोहब्बत, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसमें गालियां, ये जिन चीजों को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है आज से 15 साल पहले ये बात डिस्कस की जा रही हो कि भाई रिस्पेक्ट हर इंसान की होती है. आपको उसे पहचानना चाहिए, उसका आपको पता होना चाहिए उसकी इज्जत क्या है, उसे आप किस तरह से बुलाएं, किस हद तक आप उसके सामने जा सकते हैं या किस हद तक उसे अपने सामने आने दे सकते हैं. अगर हर चीज को आप क्रॉस करके जाएंगे और नाम कहें कि यार प्यार है, प्यार में ये सब कुछ होता है, तो फिर आपको वो पहले सोचना चाहिए कि प्यार है उसमें सब कुछ हो सकता है. यानी वो जिससे सामने वाले को फायदा हो और वो भी जिससे आपको नुकसान हो. अगर आप इस ये पैकेज ले लेते हैं तमाम चीजों के साथ, फिर आपको कोई हक नहीं है उस पर एतराज करने का. अगर आप पहले नहीं सोच रहे बाद में सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो चीज पहले सोचनी चाहिए उसे बाद में सोचने का कोई फायदा नहीं है. बाद में डिसीजन होता है. Okay, Hassan Khan from Multan. Assalamu alaikum, Hasim. My birthday was 14th September. I want to know about connection between love and money. Well, first of all, happy belated birthday to you, Hassan. Kya connection hai paise aur pyar ka? Bataein, mujhe kya pata? I think I would say ke they are totally proportional of and money. Well, first of all, happy belated birthday to you, Hassan. Kya connection hai paise aur pyar ka? बताएं मुझे क्या पता. आई थिंक आई वुड से के दे आर टोटली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. जितना पैसा होगा उतना प्यार होगा. अच्छा ये बात आपने सुनी, पैसे नहीं, से मोहब्बत. मजाक कर रही हूं. नहीं, पैसे से मोहब्बत सुनी आपने? यस yes, होता पैसे है से मोहब्बत होती है, पावर से मोहब्बत होती है, अथॉरिटी से, ताकत से, स्टेटस से, इन सब चीजों से इंसान मोहब्बत करता है. बिल्कुल फैक्ट है ना. बिल्कुल बिल्कुल. और जिसके पास ये चीजें ज्यादा होती हैं, दिस इज द सोसाइटी जिसमें कि हम रह रहे हैं और इसमें हम ही लोग हैं. ये हम नहीं कह सकते कि ये ओ कोई और इंसान है. ये हम ही लोग हैं. अगर आप कहीं जो है वो जा रहे हैं किसी के साथ और फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं, that if you're going on a you know on a bike and if you're going in a Prado, bahut fark hai. Fark hai, bahut fark hai, bahut fark hai. Shayad aapko wo fark nazar na aaye because aapko shayad wo jo shakhs hai usse itni mohabbat hai. Lekin isme fark hai. Fark to bahut sari cheezein aur in mohabbaton mein bhi fark hai. You cannot deny. This is the world we are living it. और इससे बड़ी रियलिटी नहीं है. हम जितना मर्जी कह दें कि जी मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ, आप जितना मर्जी कह दें कि मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ, एट द एंड ऑफ द डे, और ये कयामत की निशानियों में से है कि इंसान की इज्जत जो है वो उसके उसका उसका स्टेटस देख कर की जाएगी. इंसान की इज्जत यानी कि इंसान से प्यार करना, obviously, रुतबा देखकर, उसका रुतबा देखकर, और उसका रुतबा उसके कैरेक्टर पे नहीं देखा जाएगा, उसका रुतबा उसकी नेकियों से नहीं देखा जाएगा. ये सच्चाई है, this is it. लेकिन ऐसे नहीं है कि वो लोग नहीं है जो कि सच्ची मोहब्बत करते हैं. लेकिन यही वो सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो कि कहते हैं कि नहीं ये चीज भी मैटर करती, जैसे मैं कह रही हूँ. सही. इट डजंट मैटर फॉर मी बट इट डज मैटर. प्लीज लिख लो इसको. पीओ बॉक्स नंबर 3187. पेन नहीं है तो सेल फोन में डाल लो. 3187 कराची. डोंट फॉरगेट टू सेंड अस द इनविटेशन. कुछ दिनों से, मतलब दिनों के फर्क से भेजिएगा. ये ना हो आपका वो जो पार्टी है हो जाए और उसके बाद हमें इनविटेशन मिले. या बस अब सुबह सुबह निकाल देना ना खत. ओके, हैप्पी बर्थडे हसनी फ्रॉम जाहिदा.
थैंक यू सो मच जाहिदा. और इसके साथ साथ हुज़ैफ़ा थैंक यू सो मच. और इसके साथ वी हैव ओके वी हैव गिवन द एड्रेस. इकरा इज लिसनिंग टू अस, बहुत शुक्रिया. आयशा हैप्पी बर्थडे टू यू एंड मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. थैंक यू सो मच. और फैजान सुन रहे हैं हमें फ्रॉम बल्दिया टाउन. आपकी बर्थडे पर लीना सिस ने आपको क्या गिफ्ट दिया ये बताएं आप. केक. केक दिया मैंने इनको अभी थोड़ी देर पहले, हमने खाया है. और हाउ वाज द केक हसनी, बता तो दे. बताया नहीं था उस वक्त, आपने सुना नहीं शायद, आपने हेडफोन लगा रखा था ना इसलिए. अच्छा यस यस यस, आई हैड द हेडफोन ऑन. मैंने कहा था जबरदस्त केक है. ओह थैंक यू सो मच. सारा कहती है आप ही प्लीज रिसीव माय कॉल. आई थिंक इनकी कॉल रिसीव हो गई है. इतिशाम थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. हाइका कहती है मेरी बर्थडे 27 अक्टूबर को है, मुझे विश कर दें अभी से. हाइका 27 अक्टूबर को है. 27 अक्टूबर को आपका एडवांस में हैप्पी बर्थडे. And many, many, many happy returns of the day. Imran Malik from Faisalabad, thank you so much. Awais Khan, हमें सुन रहे Karachi में. मैं आपका show, thank you so much. सारा कहती है आप ही please receive my call. I think इनकी call receive हो गई है. इतिशाम, thank you so much for your message. हाइका कहती है मेरी birthday 27 October को है, मुझे wish कर दें अभी से. हाइका 27 अक्टूबर को है. 27 अक्टूबर को आपका एडवांस में हैप्पी बर्थडे. ये एंड मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. इमरान मलिक फ्रॉम फैसलाबाद, थैंक यू सो मच. अवैस खान हमें सुन रहे कराची में. मैं आपका शो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ. ओके आपको खुश आमदीद कहेंगे. और इनफैक्ट FM फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ. Wow. एक और बंदा गया काम से. ओके एंड आई एम ऑल्सो लिब्रा, दिस इज सबी फ्रॉम कराची. जस्ट आई वॉन्ट टू से फ्रेंडशिप इज लाइक एन आइस बॉल, इट इज ईजी टू मेक बट हार्ड टू कीप. अबीहा फातिमा कहती हैं सलाम एंड हैप्पी बर्थडे टू यू हसनी भाई. वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच. और मैंने सेकंड टाइम आपका शो सुना है, वाकई आई लाइक इट. Thank you so much. And Lena, gosh, your voice. Gosh, oh gosh, oh gosh, Abhiya, thank you. I'm Nurul, Nurul and Salam, Hasni and Lena bhai. Sorry, sorry, Hasni and Lena bhaji. Haan. Okay, kaise hain aap dono? Jay miss kar gayi isme. Okay, main, in fact, itne sare messages hain Hasni. Do aankhein, phir ek message pe tikana mushkil hota hai. Do messages pe rakhni padti hain. Isko padh lo, uspe nazar rakho. Aur kehte hain ki Tauheed Azhar mujhse bahut naraaz hain. Unhe 3 din se mana raha hoon, bataye क्या करूं? मनाएं, मनाने की कोशिश करें. है ना, वैसे किस मनाने का क्या तरीका होता है? मतलब मेरी फिलॉसफी ये है कि आप किसी शख्स को ऐसे ना मनाएं जैसे आप मनाते हैं, आप उसको वैसे मनाएं जैसे वो मानता है या जो उसे अच्छा लगता है वो काम करें. है ना. सो जिससे मोहब्बत करते हैं उसको मनाना तो बड़ा आसान होता है. उसको पता होता है आपको कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. हम ऐसे हैं लेकिन वो ऐसे क्यों नहीं है. ये एक बड़ी अजीब सी बात होती है कि हम तो खुद को बदल रहे हैं लेकिन वो नहीं बदल रहा. आई विश कि वो भी, लेकिन वो फिर भी वो भी तो है कि अंदर तू है बाहर तू है. खुद को तुझको मैं खुद के अंदर देखूं तो ये बाहर किसकी माया है. हाँ. So, इस तरह की चीज है. वो एक अलग लेवल होता है, वहां पे मनाने की जरूरत नहीं पड़ती. वैसे सबसे बेहतरीन, अच्छा एक और चीज, हम जरा इसे थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं ना हकीकी अंदाज से जरा सोचने की बात करते हैं, डिस्कस नहीं करते, बट लेट्स थिंक अबाउट दिस थिंग. कि कह रहे होते हैं अमूमन जो लोग आपके शुरू से आपके साथ होते हैं ना, उनकी खूबियों के साथ उनकी कुछ खामियां भी ऐसी होती हैं कि आप उनको खूबियों और खामियों के तराजू में लेके साथ चल रहे होते हैं. फिर एक रिलेशन होता है उनसे. हम रिलेशन प्लस उसकी खूबियां प्लस उसकी खामियां, इन चीजों को ऑर्डिनरी रख के लेकर चल रहे होते हैं. लेकिन उसी तरह का एक ऑर्डिनरी आदमी जब हमारे सामने आएगा जिसकी ना खूबियां पता है ना खामियां पता है, वो इस ऑर्डिनरी के मुकाबले में थोड़ा सा गैर मामूली किस्म का एक आम गैर मामूली एक शख्सियत बनकर सामने आएगा. उसके बारे में हमारे सोचने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है. लाइक बहुत कम ऐसे केसेस में होता है कि कोई कहे मेरा अगर क्रैश है तो वो कजन है. बहुत कम ऐसा होता है. या मेरा कोई क्रैश है ऐसा है जो बचपन से साथ है, जिसको आप अरसे से देखते चले आ रहे हैं. ये जो क्रैश होता है ये अमूमन क्रश जो है आपका, ये क्रश अमूमन किसी ऐसे पर ही होता है जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा पता नहीं होता, उसकी खूबियां खामियां आपको बहुत पता नहीं होती, जिसको एक खास अंदाज से हम मिलते हैं, जिसको एक खास अंदाज में हम देख रहे होते हैं, जिसकी खास चीजें हमारे सामने आ रही होती. उसकी अगर मुकम्मल खूबियां खामियां हमें पता हो
तो हमारे लिए उस पर उसका जो हमारा जो क्रश है उस पर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा. इनफैक्ट क्रश या फिर इसको अगर हम इन्फैटुएशन कहते हैं तो इसकी डेफिनेशन में ये डिफाइन करें इसे. लेकिन यही बात है कि क्या इतनी हकीकत पसंदी से हम सोचते हैं इन चीजों को, हमें पता होता है ये क्यों ये सब कुछ. मसला ये होता है वो जिस पे क्रश होता है वो करीब आता नहीं है, और जब तक करीब नहीं आता ये क्रश उसी तरह से रहता है, ये उसी तरीके से जुनून बन के उसी तरीके से बरकरार रहता है. और जब हो जाता है पूरा, लाइक जैसे एक दोस्त ने कहा कि अपनी शादी के 9 साल बाद मैंने उसे पाया जिसे चाहता था, यानी इसीलिए पाया कि उनको लगता था कि जिंदगी तो यहाँ है, लेकिन जब वो देखा तो पता चला जिंदगी तो ये नहीं है. अब जिंदगी में ये दुख है कि वो रह गए सारे, घर बार बच्चे बीवी ये सब रह गए. तो जब असल शक्ल सामने आती है किसी चीज की, या कम से कम ये पता चलता है कि यार जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, तो ये असल बात है, बजाय इसके कि हम बंदे को सामने रख के बात करें कि ये है. और ये बंदे को भी सोचना चाहिए, मुझे अगर कोई इस तरह से आइडियलाइज करता है तो मुझे इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए कि किसी बंदे ने 4 बातें कह दी मैं भी फिसल जाऊं. यस ये, लेकिन कोई नहीं, हम 4 बातें कह दें तो वो हमारे लिए सवाल भी बन जाती है कि तुम्ही ने तो कहा था, यानी उसके कहने पर मेरी फीलिंग्स डिवेलप हुई है. ये अजीब बात है, लेकिन ये सोचने का टाइम कम होता है. लेकिन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट व्हाट यू आर सेइंग, कि फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, उनकी आपस में सिर्फ फ्रेंडशिप है. उनमें से एक शख्स ने जो है वो कुछ इस तरह की बात की कि अगले शख्स ने जो है वो किसी और लाइंस पे सोचना शुरू कर दिया. अभी आपने ये कहा कि वो कोई ऐसी बात करेगा तो अगला शख्स इन लाइंस पे सोचेगा. नहीं, समटाइम्स ऐसा होता है दैट योर फीलिंग्स आर देयर एंड यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज इन अ रिलेशनशिप सो मच इज गोइंग ऑन. होने और करने में, यही फर्क है. एग्जैक्टली. लेकिन एक रिलेशनशिप में इतना कुछ हो रहा, वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिलेशनशिप है, हम यहाँ उसमें इतना कुछ ऑलरेडी हो रहा होता है कि इसके बाहर क्या है उसको सोचना बड़ा मुश्किल होता है, इससे आगे क्या है उसको सोचना भी बड़ा मुश्किल होता है, तभी इतने ज्यादा दिल भी होता है और उस वक्त शायद हाँ सोचना भी नहीं चाह रहे होते. लेकिन एक दफा अगर दिमाग उस तरफ निकल जाए तो बंदा सोचता है यार व्हाई नॉट, नॉट अ बैड आइडिया. या आई हैव अ सॉन्ग. श्योर, हियर वी गो. सो गाने के दौरान आपकी ऑफ एयर कॉल्स लेंगे, आपको होल्ड पे डालेंगे, फिर ऑन एयर लेंगे. लव कनेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए 021-111-111-113 SMS messages on 6278 facebook.com/love.connections. जिन सेगमेंट्स पे बात हो चुकी उस पे भी कॉल्स ले सकते हैं या बाकी सेगमेंट्स कवर करें? क्या बाकी सेगमेंट्स आई थिंक कवर करने चाहिए. ओके, सो व्हाट डू वी हैव लेफ्ट? काफी सारे सेगमेंट्स हैं. आज टर्निंग पॉइंट हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा. वो फ्रेंड जो हमारी कॉलर की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई थी, दैट वाज आई रियली लव्ड इट. और पेरेंट्स को अगर ट्रिब्यूट देना चाह रहे हैं, अपनी जिंदगी की किसी कामयाबी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, पैच अप हुआ रिसेंटली किसी से इस बारे में बात करना चाह रहे हैं, बचपन की मेमोरीज से मुतालिक, गोल्डन मेमोरीज, अचीवमेंट, जैसे एक कॉलर ने कहा कि किसी इंटरव्यू में शायद उनका रिजल्ट आया था. हाँ. So, this is what love connection all about. Is all about, that's right. So, ye song hai Khahishe, and my hot favorite song, pura hafta jo hai, isko maine repeat par suna. Abhi bhi isko 5 baje tak repeat pe chala de. Why not? I don't mind. Love connections across Karachi, across Faisalabad and across Multan. Thank you so much for joining us. Hasni, Naveed, Afridi aur Leena Shah ke saath studios mein. Badhenge aapki calls ki janib. Aur kaun hai line pe? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Leena ji. Waalaikum assalam. Kaun baat kar rahe hain? Abid Ali baat kar raha hoon, Faisalabad se madam. Haan, Abid, kya haal hai? Ye, madam, maine ek baat share karni thi apne. Love connections across Karachi, across Faisalabad and across Multan. Thank you so much for joining us. Hasni, Naveed, Afridi aur Leena Shah ke saath studios mein. Badhenge aapki calls ki janib. Aur kaun hai line pe? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Leena ji. Waalaikum assalam. Kaun baat kar rahe hain? Abid Ali baat kar raha hoon, Faisalabad se madam. Haan, Abid, kya haal hai? Ye, madam, maine ek baat share karni thi apni personal. Haan, bataiye. ऑन एयर या ऑफ है? आप इस वक्त ऑन एयर हैं और आपको सब लोग सुन रहे हैं. क्या बात है, किस टॉपिक से रिलेटेड है ये बताएं.
मैंने टॉपिक पे अभी आप लोगों के पास एक SMS आया था गाली के टॉपिक के ऊपर. जब गाली के टॉपिक के ऊपर कोई बात करता है ना तो मुझे वो भी बहुत अफसोस लगता है. आज के शो में आपके तकरीबन सारे सेगमेंट जो है ना जो चल रहे थे, आप बातचीत कर रहे थे, उस हवाले से मैंने सारा प्रोग्राम सुना. ये आज के ही दिन ये सब कुछ मेरे लिए अहम बना था. तो मैं इस हवाले से बताना चाह रहा था कि इंसान मोहब्बत जानबूझ के नहीं करता, खुद ब खुद हो जाती है, लेकिन पता नहीं चलता. जब उस मोहब्बत में इंसान दुख मिलता है तो फिर इंसान इतना गिर जाता है कि बंदा कुछ बता नहीं सकता. मीना भाजी कुछ ऐसा बताएं कि ताकि मैं अपने आप को संभाल पाऊँ. बहुत अधूरा रह गया, यानी कि जैसे मैं अपने माँ बाप से बात करता हूँ, अकेला तन्हाई में रहता हूँ. इस हवाले से मुझे जरूर कोई इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए. तो तन्हाई पसंद क्यों हो गए? बस अजीब कैफियत महसूस होगी. सबसे पहले मैंने जो लव किया था, मैंने एक यानी कि एक ऐसी लड़की से किया था जो मुझे जानती थी, मैं उसको नहीं जानता था. वो मेरा पूरा बैकग्राउंड जानती थी. अच्छा, ठीक है. मुझे नहीं मालूम था जब मैं कराची रहता था. तो फिर तो बोले बोले आप, फिर क्या हुआ आप? तो उसके बाद मैं इतना परेशान हो गया था, मैंने कहा अब क्या करूं. उसके बाद फिर मैंने एक और जगह लव यानी के आप गालिबन वहाँ रेडियो सुन रहे हैं, रेडियो बंद कर दें. आपकी इस वक्त जो कॉल है ना वो ऑनर है. आप बाद में कॉल डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद अपनी कॉल दोबारा सुन सकते हैं रेडियो पर. हेलो आबिद, आपको रेडियो बंद करना पड़ेगा. ओह गॉश, आर यू सीरियस? मैंने अभी मैडम बंद कर दिया रेडियो. हाँ, आपका बिल्कुल सही. एंट्री से आपका रेडियो ही सुन रहा था. हाँ, नहीं नहीं, रेडियो ना सुने आप, सिर्फ हमारी बात सुने. अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मतलब इससे क्या दिल टूटा हुआ है या कलेजा जला हुआ है, ऐसा कोई सीन है? हाँ जी, ऐसा ही है जीने बजी, ऐसा ही है जैसे आप कह रही है ना, दिल टूटा हुआ है. और आपका जो है ना दूसरा प्रोग्राम भी सुनता हूँ ना SI, और उसमें भी बड़ी कॉल मिलाने की कोशिश की है. वहाँ पर भी SI दर्ज नहीं करवा सके. हल बताएं, कोई अच्छी सी ऐसी कोई बात बताएं जिसे ताकि दिल को सुकून आ जाए. अच्छा, पता है क्या करना चाहिए? यू नो आबिद, आपको ना कोई नई हॉबी अपना लेनी चाहिए. जब ऐसा हो ना कि ध्यान कहीं और ना लग रहा हो, तो ऐसे में इंसान कोई 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 काम शुरू कर दे, कुछ कुछ नया सीखना शुरू कर दे. बताऊं कि ना मुझे रात में नींद आती है ना दिन में नींद आती है, मैं एनी टाइम 24 घंटे जागते ही रहता हूँ. हाँ, तो हालात इसी चीज का आता है. फिर जाते जाते जैसे कुछ दिन पहले एक शख्स ने बात की थी कि मुझे 2 लाख रुपए का उसने चूना लगाया था, इसी तरह मैं भी उसको हर चीज की यानी कि पूरी तरह उसको तवज्जो देता रहा जो चीज उसने मांगी है. मांगने के बाद फिर भी वही बात मेरे जहन में रहती है कि आखिर कोई तवज्जो होगी जो मुझे ठंडा कर जाएगी. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं बताती, इसी आस में अभी तक जी रही हूँ. अच्छा, अब मुझे आपकी बातों से जो फील हो रहा है, हसनी मुझसे आप डिसएग्री कीजिएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ. सबसे पहले तो आप उसको माफ कर दें, बहुत इम्पोर्टेंट है. मैंने सबको कर दिया. हाँ, ठंडा होने के लिए माफ करना जरूरी है. जाने अनजाने में से हो गई है गलती, उसकी मैं माफ चाहता हूँ. नहीं नहीं, उसको माफ कर दें. उसको माफ कर दिया मैंने उससे, लेकिन एक दफा मेरी बात हो जाए बस इसलिए. नहीं नहीं, फिर आपने माफ नहीं किया. ये माफ नहीं किया, माफ मैंने कर दिया है. हाँ. ठीक है, आपने कह दिया लेना भाजी, ये आपकी बात मैंने बड़ी कर दी, आज मैंने माफ कर दी. ओके, थैंक यू. लेकिन बातों से मेरा जो है ना एकदम जो है ना जोश बढ़ गया. मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए, मैंने कॉल मिला के दिखानी है. और पहली दफा अपनी जिंदगी में मैंने कॉल मिलाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है. अच्छा लगा बात करके, अच्छा लगा. थैंक यू सो मच आबिद, ठीक है, अपना ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज. मेरा एक रिक्वेस्ट पूरी करेंगी मैडम? अच्छा, कोशिश इसके बारे में सोच सकते हैं. है नहीं है, लेकिन किसी और शो में आप मेरी रिक्वेस्ट पूरी करनी, मैं यही सुनता रहूंगा. हाँ बताए. हाँ, मेरा एक गाना है कि हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक महल मेरे नाम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ. हाय हाय हाय, ये की सॉन्ग है. मेरा ये दुपट्टा जल रहा है, फिल्म का सॉन्ग है, पाकिस्तानी गाना है. जी जी, मेरी वफा मेरे वादे पे एतबार करो, यही है ना? मेरे जज्बात का एहतराम करो. अच्छा, ये दूसरा सॉन्ग है जो मैंने अभी बताया ना आपको, ये गाना दूसरा जो आप हो सके तो मेरा एक काम. हाँ, मुझे पता है गाना कौन सा है आपको. ठीक है, समझ गए दोस्त, याद आ गया. थैंक यू सो मच आबिद. फिल्म का नाम है पाकिस्तानी फिल्म है. ठीक है, थैंक यू सो मच आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आप लोगों को खुशी रखे. और आपके ये है मतलब ये अक्टूबर को आपने ये प्रोग्राम किया था उसकी मैंने सुनता सब, लेकिन क्या है कि ना अपनी टेंशन में रहता हूँ, लेकिन काफी हद तक जो है ना आप लोगों की तरफ ध्यान मेरा बढ़ रहा है. चले हम धीरे धीरे इंशाल्लाह आप लोगों के सुनते रहेंगे और काफी तक सुलझ जाएंगे मैं इंशाल्लाह. इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच आबिद, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर फिर बात होगी. बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू. यू नो व्हाट हसनी, हमारे जो कॉलर थे इन्होंने अभी जो गाने के लिरिक्स बताया ना, इसमें एक सेंटेंस है. और ये गाना शख्स को इसलिए पसंद है
क्योंकि उसमें वो एक बात जो है ना वो इसकी सारी की सारी जो भी मिजरी है ना उसको डिफाइन करती है. जो उसके लिरिक्स हैं जहाँ पे वो जो सिंगर है वो ये कहता है कि मेरे जज्बात का एहतराम करो. यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ रिस्पेक्ट की हम बात कर रहे थे ना कि एक तो हमारा डायलॉग होता है, आपस में बातचीत होती है, उसमें हम किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट की हम बात कर रहे थे ना कि एक तो हमारा डायलॉग होता है, आपस में बातचीत होती है, उसमें हम किसी को रिस्पेक्ट दे सकते हैं. एक वो होता है कि हमारी लैंग्वेज कितनी मर्जी खराब क्यों ना हो लेकिन हम अगले शख्स के जज्बात का एहतराम कर रहे होते हैं और कहीं पर हम उसके जज्बात को ठेस पहुंचा रहे होते हैं बगैर जाने हुए. तो जो हम कह रहे होते हैं यार मेरी इज्जत नफ्स मजरू हो रही है या सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी हर्ट हो रही है, यस, तो वो इज्जत नफ्स मजरू नहीं होती, वो जज्बात मजरू हो रहे होते हैं. यस, वो आपके इमोशंस आपकी फीलिंग्स की जब कोई कदर नहीं कर रहा होता तो आप कहने पर मजबूर हो जाते हैं मेरे जज्बात का एहतराम करो. अच्छा एक कॉलर है, उसके बाद हम बात कंटिन्यू करेंगे. एक और कॉलर लाइन पर मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम हसनी भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. सॉरी दोस्त आपकी आपको काफी देर होल्ड पे रहना पड़ा. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. जी नाम बताइएगा. हसनी मैं असद शाह बात कर रहा हूँ. असद शाह कराची से? जी बिल्कुल. पहले तो आपको सबसे पहले ये आवाज मेरे ख्याल एक मिनट. हेलो जी जी हसनी भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू सो मच. और लीना शाह भी मेरा सलाम. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच. क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र. उनको That's... भी मुबारकबाद. ने 15 साल हो गए उनको रेडियो पे. मुबारक हो उनको भी. थैंक यू सो मच. क्या है आज आपके पास, क्या चीज शेयर करना चाहेंगे? असली में से मैंने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से लास्ट मंथ में मैंने एक डायलेमा शो किया था, शेयर किया था. उस हसी में उस डायलेमा को मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूंगा क्योंकि वो डायलेमा मैंने आपसे कहा था ना, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू अचीव हर. वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती थी. जो मैंने अपना डायलेमा दोबारा तो नहीं शेयर करूँ ना, मतलब उसी को कंटिन्यू करूँ ना. कुछ बताएं अभी, जाहिर सी बात है वो अगर आपने पहले शेयर किया तो हो सकता है कुछ चीजें जहन में. हसनी भाई मैंने लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था ना कि मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी. मैंने हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे. वो जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं वो आउट ऑफ फैमिली जो है ना वो देते नहीं है ना रिश्ता. और उस वक्त मेरी भी कंडीशन ऐसी थी कि मैं आई वाज नॉट एबल टू अचीव. आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेटस. अच्छा जो अभी लीना शाह बोल रही थी ना कि स्टेटस, अब सब कुछ स्टेटस है, अब रिश्ते भी स्टेटस में है, फैमिली भी स्टेटस में है. तो अब मैंने भी यही फील किया था. तो और मैंने भी ये खुद से भी फील किया कि शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ, कि मतलब वो हमसे बहुत ही ऊपर है ना. ओके गॉट इट. आपने कहा था कि अब आपका जो स्टेटस है वो बेहतर है लेकिन आपसे उनका, आपको नहीं पता कि वो मैरिड है या नहीं है. तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. अब क्या हुआ बताएं? अब जब कि मैं मतलब इस नए से पहुंच चुका हूँ कि मैं उसके काबिल हो चुका हूँ तकरीबन. तो अब वो जो है ना, मैंने गया था, मैंने मालूमात ली, सब कुछ किया, लेकिन अब तकरीबन 5-6 महीने पहले उनकी शादी हो गई ना. लेकिन तो अब मुझे मतलब उससे शादी थी ना, मुझे और भी अपने अंदर ना मतलब जस्तजू पैदा हो गई कि मतलब मैंने जो अचीव किया मैं उससे ज्यादा अचीव करूंगा. क्योंकि मैंने एक चीज मतलब मिस कर दी, समझ लें अपनी लाइफ में. मतलब मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी लाइफ की गलती थी शायद वो, लेकिन उस वक्त मैंने अपना नहीं सोचा. मैंने आपको कहा था ना कि मैंने अपना उस वक्त नहीं सोचा था, मैंने उसका लड़की का सोचा था कि उनकी लाइफ ना डिस्टर्ब हो जाए. सही. मतलब अब आपने एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन ली है ना इस पूरे मामले में. उनकी शादी हो गई, आपने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया, लेकिन अब आप सिर्फ उसे तस्लीम नहीं कर रहे, अपने लिए इंस्पिरेशन बना रहे हैं कि आपने अब और तरक्की करनी है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. लेकिन इसके अलावा मतलब मुझे सैडनेस भी है, लेकिन ऐसी नहीं है, मुझे उम्मीद है कि वो खुश होगी, बहुत खुश होगी, क्योंकि मेरी दुआएं उसके साथ हैं. आपने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया, लेकिन अब आप सिर्फ उसे तस्लीम नहीं कर रहे, अपने लिए इंस्पिरेशन बना रहे हैं कि आपने अब और तरक्की करनी है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. लेकिन इसके अलावा मतलब मुझे सैडनेस भी है, लेकिन ऐसी नहीं है, मुझे उम्मीद है कि वो खुश होगी, बहुत खुश होगी, क्योंकि मेरी दुआएं उसके साथ हैं. उनके जो मदर और फादर हैं बहुत बहुत अच्छे हैं. मतलब वो मतलब समझ लेंगे उनकी शादी 100% ऐसी जगह में की होगी जहाँ पर वो बहुत खुश होगी. तो मेरी दुआएं हमेशा उसके साथ ही हैं. लेकिन ये कि बस एक होता है ना,
बिल्कुल कोने में जो है ना जगह होती है, बस वो बहुत मतलब मिस करता हूँ। होता है भाई, वो हम बार बार कह रहे हैं कि जो नहीं है बस उसी का रोना है। तो क्या आपकी लाइफ में उनके बाद कोई और आई है? इस तरह नहीं, मतलब जिसमें मतलब जिसको मैं समझता हूँ कि वो लाइफ पार्टनर हो मेरी, ऐसी कोई भी नहीं है। हाँ, तो वो जब तक वो नहीं आएगी तब तक वो जगह खाली रहेगी, और जब तक वो जगह देखिए, या तो वो जगह कोई आके उसको बनाए ही नहीं ना, उस वहां पर कोई जगह ना बनाए, या बनाने ना दे, या आप किसी को बनाने ना दे, तो वो बस स्मूथली चलता रहता है। लेकिन कोई आए अपनी जगह बनाए फिर वो चला जाए, तो आप उस शख्स को तो मिस करते ही हैं, बट आप जिंदगी में किसी स्पेशल समवन को भी मिस करते हैं। कोई हो जिसके साथ मैं अपनी लाइफ शेयर करूं, कोई हो जिसको मैं बताऊं कि आज का मेरा दिन कैसा गुजरा, किसी के साथ मैं लड़ाई करूं, किसी को मैं मनाऊं, कोई मुझे मनाए, तो वो चीज मिसिंग है। तो जब तक वो नहीं होगी ना तब तक वो नहीं भूलेगी। अब तो मैं इस नैज में सोचूंगी, बस अब सिंपल किसी तरह की थी अच्छी लड़की से शादी कर लूँ, बस ताकि इन झंझटों से भी चले जाऊँ। ये बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छी बात है, एंड गुड लक विद दैट। ओके थैंक यू सो मच। मतलब आपको मैं सुनता रहता हूँ, तो बहरहाल और आप आपकी आवाज लीना शाह साहिबा की बात करूंगा कि मतलब इनकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छे प्रोग्राम करती हैं, और भी मतलब FIR वाला जो प्रोग्राम है, मैं बहुत मतलब हंसता ही रहता हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप FIR करती है, मजाक इसलिए जुर्म करेगा कि मेरी FIR कटे। मतलब हाँ बिल्कुल, वो तो शोकतन जो है ना, वो समझ लें कि वो चोरी भी करेगा, शिकारी भी करेगा, वो हर किसी का दिल भी चोरी करेगा। मैंने इन्हें पता था ना कि FIR किस नौयत की कटती है। अगर ऐसी पुलिस वाली होंगी तो फिर चोरी आम हो जाएगी, समझ लें। वो ऑलरेडी आम हो गई है, लेकिन पुलिस वाले ऐसे नहीं है। देखिये, इंस्पेक्टर लीना शाह तो हो सकती है कोई, हम ये नहीं कह रहे कि लीना शाह ये वो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर लीना शाह तो बहुत हो सकती है, लेकिन इंस्पेक्टर डीजे लीना शाह, हाँ वही की है। और वो भी देखे ना, हम सिर्फ दिल की FIR काटते हैं, सो बहुत ज्यादा फर्क है। बट थैंक यू सो मच, इज्जत अफजाई का, पजीराई का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड गॉड ब्लेस यू, गुड लक इन योर लाइफ विद एवरीथिंग। जरूर जरूर, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, गुड लक अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। So, nice caller. Yeah, ये एक पॉजिटिव इन्होंने बात शेयर की कि अब मैंने इससे एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन ली है कि मैं अब और तरक्की करूंगा। आप इतने प्यार करने वाले इंसान हैं तो आपको क्या डर है? आपको जैसा भी शख्स मिले आप तो प्यार करने वाले हैं, आप तो किसी को भी अपनी मोहब्बत से भर सकते हैं, मोहताजी किस बात की? Yes. और अभी एक दोस्त ने कहा थोड़ी देर पहले कि मोहब्बत में इज्जत नफ्स चली गई। मुझे समझ में नहीं आती कि मोहब्बत में अगर ये चीजें सोच समझ के नहीं की जाती तो ये कैसे सोच आ जाती कि यार मेरी इज्जत नफ्स मजरूह हो गई। या तो मोहब्बत सोच समझ के नहीं होती, उसके बाद जो कुछ हो आपको कोई दुख नहीं होता, या फिर इज्जत नफ्स इतनी मैटर करती है कि जिसमें आपको अंदाजा हो रहा है कि इज्जत नफ्स मजरूह हो रही है, वो चीज आपने पहले ही नहीं करनी थी, बाद में ये चीजें मानी नहीं रखती, और फिर वो बड़ी आसान सी बात होगी कि फिर उसको आप इज्जत नफ्स ना बल्कि जज्बात कहें कि मेरे जज्बात की कदर की जाए। और इंसान है, ये सुनना भी चाहता है, सुनाना भी चाहता है, जानना भी चाहता है और बताना भी चाहता है हम, लेकिन एक लेवल होता है जो इससे बुलंद होता है, वो लेवल वो होता है कि जिस पर भले आपको वो ना सुने, जिस पर भले आपको वो बदला ना दे, कदर की जाए। और इंसान है, ये सुनना भी चाहता है, सुनाना भी चाहता है, जानना भी चाहता है और बताना भी चाहता है हम, लेकिन एक लेवल होता है जो इससे बुलंद होता है, वो लेवल वो होता है कि जिस पर भले आपको वो ना सुने, जिस पर भले आपको वो बदला ना दे, लेकिन आपके मन में वो चीज़ रहती है और आप उससे भी फील करते हैं, लेकिन वो लेवल एक आम आदमी का नहीं होता। हम सब आम आदमी हैं, आम लोग हैं, वी आर मैंगो पीपल। या और कभी हम ये दावा करें कि हम बहुत खास या वो बहुत खास है, नहीं, खास आपके लिए हो सकता है लेकिन बंदा या बंदी वो भी आम ही है। जो बड़े लेवल के लोग होते हैं उन्हें ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि फलां उसके बारे में क्या कहता है या वो उसके बारे में क्या कहता है जिससे वो मोहब्बत करता है, वो बस वो करता है जो मोहब्बत होती है उसमें, बस वो उसी में गुम रहता है। और जब हमें इज्जत नफ्स ये चीजें याद आनी लग जाएं तो इट मींस कि मोहब्बत है लेकिन एक हद तक है, और लेकिन फिर हम उसको मोहब्बत का नाम भी नहीं दे सकते। यही तो मैं कह रहा हूँ, रिलेशनशिप होना, किसी के साथ कोई खास रिलेशनशिप होना, ये एक बेसिक नीड है ह्यूमन बींग की। और इसी नीड में जब कोई रिलेशनशिप कायम होती है तो तब आप चाहते हैं कि आपकी फीलिंग्स को रिप्लाई भी किया जाए, आपकी फीलिंग्स का जवाब भी दिया जाए, आपकी फीलिंग्स की कदर भी की जाए, और आप अगले शख्स की फीलिंग्स की भी कदर करें, आप उसको भी जाने, उसके साथ अपनी जिंदगी शेयर करें। लेकिन जब हमें किसी से ऐसी मोहब्बत होती है जो कि वाकई में दैट इज मोहब्बत इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म,
जिसमें हमें कुछ नहीं चाहिए आगे से. तो उसको प्लेटो ने डिफाइन किया था एज प्लेटोनिक लव, यानी कि ये वो मोहब्बत है जिसमें आपको कोई सिला नहीं चाहिए, इसमें आपको कोई रिलेशनशिप भी नहीं चाहिए, इसमें आपको उस शख्स से कुछ भी नहीं चाहिए इन रिटर्न. यू जस्ट विल कीप ऑन लविंग दैट पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. आप हमेशा उसके लिए अच्छी दुआएं, पॉजिटिव फीलिंग्स, गुड वाइब्स सेंड आउट करते रहेंगे. लेकिन ये हो गई तो इसमें गिव एंड टेक आ गया हमेशा. प्लेटोनिक लव हमारा होता है हमारे दोस्तों के साथ. जो सही मोहब्बत है वो हमारे दोस्तों के साथ होती है. हम सारी जिंदगी उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं, ये चाहे बगैर कि वो शख्स कभी हमें हेल्प आउट करेगा, ये जाने बगैर कि शायद ये शख्स हमारे, हम सोचते भी नहीं है कि ये हमारे काम आएगा या हम इसके काम आ रहे हैं. हम तो ये सोचते हैं कि हम दोस्ती निभा रहे हैं, हम इससे जो हमने मोहब्बत की है वो निभा रहे हैं. जहाँ पर हमारे खूनी रिश्ते होते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स आ जाते हैं, भाई बहन आ जाते हैं और बाकी फैमिली आ जाती है, वहाँ पर भी हमारी मोहब्बत जो है ना वो बंधी हुई है एक रिश्ते के थ्रू. तो हमें वो करना ही है. किसी को अपना भाई लाख बुरा लगता हो, अपने पेरेंट्स की कोई बात नहीं समझ आती हो, लेकिन फिर भी वो मोहब्बत किए जाएंगे, वो अपने फराइज जो है उसको परफॉर्म किए जाएंगे, अपने हकूक वो लिए जाएंगे. सो यहाँ पर भी एक बंधन आ जाता है जिसमें कि हम बंधे होते हैं. लाइक इन अ रिलेशनशिप, जो दोस्ती होती है लाइक प्रॉपर फ्रेंडशिप जिसमें कि यू डोंट वॉन्ट एनी थिंग फ्रॉम द अदर पर्सन, दैट इज प्लेटोनिक लव ओनली, जिसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है. और ये जहाँ पर जिस रिलेशनशिप की कॉल्स आ रही हैं कि जिसमें इज्जत नफ्स मजरूह होने की बात की जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? जिस रिलेशन, दोबारा बताइए अपना क्वेश्चन. जैसे कुछ कॉलर्स ने कहा कि जिन्हें हम प्यार करते हैं वो गाली भी दे जाता है, या उसने मतलब इज्जत की कोई परवाह ही नहीं की हमने, ये क्या है, ये प्यार है? मेरे ख्याल में एट वन पॉइंट दिस इज डेस्परेशन. Desperation to be in a, जैसे कि आई सेड अर्लियर के, और हो सकता है मैं इसमें बिल्कुल गलत हूँ, हो सकता है कि जिंदगी और ये दुनिया और यहाँ के रहने वाले लोग मुझे अगली कल सुबह ही बिल्कुल गलत साबित कर दें. दिस विल मेक नो सेंस एट ऑल, बट इस वर्क राइट नाउ लॉजिकली ऑफ वट आई हैव लिव्ड थ्रू इन माई लाइफ एंड वट आई हैव अंडरस्टूड पीपल टू बी लाइक, वट दिस कॉल्स फॉर इज दैट वेन रिलेशनशिप इज अ नीड, पीपल टू बी लाइक वट दिस कॉल्स फॉर इज दैट वेन रिलेशनशिप इज अ नीड, वेन यू नीड इट. तो ऐसी नीड में इंसान अपनी जरूरतों के लिए बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी करता है, अपनी इमोशंस की भी करता है, बहुत कुछ करता है. इंसान जो है मोहब्बत किसी और से कर रहा होता है, चाहता किसी और को है, जिंदगी किसी और के साथ गुजारना चाहता है, उसको कभी वो कह ही नहीं पाता अपने दिल की बात ही. ऐसे भी बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे. यहाँ पे हमारी बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, जी हम प्यार करते थे हमारी शादी नहीं हो सकी. ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि अपने दिल की बात जिंदगी भर कभी कह ही नहीं पाए, और उन्होंने just because they need a relationship, they need to be in a relationship, they officially get married, they have children and everything. Abhi I had a very interesting text message yahan par, usko jo hai na wo main quote karungi. This is Aisha from Faisalabad. You people are too good, Leena. I had a breakup in January 2012, but today I saw him. Sab kuch yaad aa gaya, main bhool nahi sakti usko even for a second. Main kya karun? So I mean it's like he has left her. I mean, क्या साल खत्म होने को आ गया है. So, 8-9 महीने गुजरने को आ गए हैं, but still, you know, everything has just come back, जबकि उनका ब्रेकअप इतना पहले हो गया था. So, it's the relationships ना, ये जो हमारी रिलेशन का बंधन बन जाते हैं ना, ये हमें यहाँ पर बांध देते हैं. वरना अगर मोहब्बत की बात करें तो दोस्तों में हम एक दूसरे को क्या नहीं बोल देते. अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, बहुत पुरानी फ्रेंड है मेरी, बहुत पुरानी फ्रेंड है, और शी वेंट टू कैनेडा, और कैनेडा जाकर जो है वो बहुत बिजी हो गई, और उसके बाद जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकती इतना, उसके पास टाइम नहीं होता, शी इज़ वेरी बिजी, शी इज़ स्टडिंग. तो वो पाकिस्तान आई फरवरी में, और उसने आने से पहले जनवरी में मेरी उसकी फेसबुक पे बात हुई, उसने कहा था कि वो पाकिस्तान आएगी, और वो पाकिस्तान आई और उसने आके मुझे कॉल नहीं किया. अच्छा. और थ्रू आउट फरवरी आई वाज वेटिंग, और सिर्फ मैं नहीं, कुछ दोस्त और भी जो हमारे ग्रुप की फ्रेंड्स थी, वी वर वेटिंग फॉर हर कॉल. शी डिडंट कॉल बैक. यू डिड नॉट कॉल. तो शी सेड मैंने डिसाइड किया कि मैं एक महीने के लिए पाकिस्तान नहीं आऊंगी बिकॉज आई वाज सो बिजी. और मैंने उसको अनफ्रेंड कर दिया, और उसके मुझे कॉन्स्टेंटली ईमेल्स आ रहे हैं, और ईमेल्स के जवाब में मैं उसको इतना जो है ना क्या कहते हैं, खरी खरी सुना, मतलब इतना बेइज्जत कर रही हूँ ना. ये बेइज्जती आप सिर्फ एक दोस्त के साथ कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दैट इज प्योरली प्लेटोनिक लव. यू विल, आई विल कीप ऑन लविंग हर. मैं इसको जितना मर्जी अनफ्रेंड कर दूं, मेरी अच्छी दुआएं, मेरी अच्छी वाइब्स, गुड फीलिंग्स,
आर ऑलवेज फॉर हर. अब फर्ज करें लीना शाह जिस इस एंड पे बैठ के जिसे कह रही हैं आपकी ठीक ठाक बेइज्जती कर रही हैं, उस एंड पे इसी ईमेल को लीना ही पढ़ रही हैं, आप क्या कहेंगी? आपकी बेइज्जती होगी? नहीं, मैं ये कहूंगी आई डिजर्व इट. बस मैं ये कहूंगी प्लीज मुझे थोड़ा और बेइज्जत करो ताकि ये मामला खत्म हो. फिर ये शिकायत क्यों होती है कि यार ये बेइज्जती है? क्योंकि वो रिलेशनशिप आ जाता है ना बीच में. ये कोई कंफ्यूज बात है? कंफ्यूज बात नहीं है, यही तो मैं इतनी देर से कह रही हूँ. That's what I'm saying, कि उसमें जो है ना एक रिलेशनशिप आ गया है. हम किसी चीज से बंधे हुए तो हमने उस चीज का जो है ना वो उसका भरम रखना है. ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए. बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो कि आपको कभी तुम कह के एक दूसरे को बात करते हुए नहीं मिलेंगे, वो हमेशा एक दूसरे को आप कह के बात कर रहे होंगे. बहुत सारे लोग हैं वो तू तू करके भी बात कर रहे होंगे. तो इट डिपेंड्स कि उनका कम्फर्ट लेवल क्या है. अगर वो सबके सामने एक दूसरे को तू कह के बात कर रहे हैं तो जब वो अकेले में बात करते होंगे वो बहुत और भी ज्यादा स्लैंग में बात करते होंगे. सो इट्स अ रिलेशनशिप जिसके दोनों ने जो है वो मयार सेट करने मिलकर. That's what I think. But in friendship, you can be yourself. Right. So, कुछ Facebook से messages शामिल कर लें, comments. Yes, it's 437. Yeah, हुसना खान, हसनी लीना, please reply. आप लोग आज बिल्कुल भी comments read नहीं कर रहे. मुझे please मेरे questions का. कुछ Facebook से messages शामिल कर लें, comments. Yes, it's 437. Yeah, हुसना खान. हसनी लीना प्लीज रिप्लाई. आप लोग आज बिल्कुल भी कमेंट्स रीड नहीं कर रहे. मुझे प्लीज मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दें प्लीज. कौन से क्वेश्चन का? अभी ये लास्ट कमेंट है आपका रियाज अहमद. आपने कहा कि एक चांटा लगाएं, आज आप कमेंट्स जरा भी नहीं पढ़ रहे. किसको पता नहीं. दो ही हैं, तीसरा कौन है किसको मारें भाई. वो इमरान हमारा स्टूडियो बॉय है ना, हम उसको लाके यहाँ खड़ा कर देते हैं. चांटे उसके लिए होंगे सारे के सारे. शुएब तकी, आपके कमेंट का बहुत शुक्रिया. मनाहल हुसैन, वालेकुम सलाम सिस्टर, थैंक यू सो मच. और समी खान, गुस्से में मुंह से गाली निकल ही जाती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. अच्छा, ये भी है ना कि आप उसे लेते किस तरह. जैसे अभी आपने कहा कि अगर आप ऐसी फ्रेंड हैं कि आपकी फ्रेंड आपको इतनी सख्त बातें कह जाती है तो आप उसे कहें ठीक है यार मैं उसे डिजर्व करता हूँ. लेकिन कोई और हो जो कहे यार तुमने इतनी सी बात पे इतनी सुना दी, हद होती है यार. हो सकता है वो उसका मिजाज हो. हाँ. इसे हम मोहब्बत में रख के नहीं तोलेंगे. yeah. ये बंदे का मिजाज होता है. yes. मैं एक बार सर्च कर रहा था फ्रेंडशिप, टाइप्स ऑफ फ्रेंडशिप. तो कोई आई थिंक चाइनीज या जापानी कोई स्टूडेंट थी. उसका थीसिस था, ये उसने खुद से कुछ रिसर्च की थी. उसने टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स बताई थी. वाओ, ओके. 10 टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स. ओके, वो आज तो मैं नहीं डिस्कस कर सकता, नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे. प्लीज डू दैट. या वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. या अब जैसे हम कहते हैं ना कि फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स से मुतालिक मेरी अंडरस्टैंडिंग अपनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अपनी है. फ्रेंड्स का जब भी जिक्र होता है हमारे वो फ्रेंड्स आ जाते हैं जो है. लेकिन जब वो टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स को डिस्क्राइब कर रही होती है तो हमें लगता है कि वाकई यार सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते. ये जितने लोगों को आप कहते हैं ये हमारे दोस्त हैं वो सारे के सारे एक ही टाइप के नहीं है. वो डिफरेंट कैटेगरीज में होते हैं. जब वो उनकी कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं तो उनसे जुड़ी आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस भी डिफरेंट होती हैं. और उसमें एक जगह पर उसने कहा था कि एक एक टाइप होती है जो आपके बड़ी होते हैं, बड़ी फ्रेंड जिन्हें आप कहते हैं. उनके मतलब वो दोस्त जिसके साथ आपको कोई खुशी आप कहते हैं यार इससे पकड़ के लाओ मेरी खुशी है. दुख हो तो सबसे पहले उसको कॉल जाएगी. उसको इन्फॉर्म करो कहीं जाना है, पार्टी करना है, सबसे पहले वो लोग होंगे जो बड़ी जिनको आप कहते हैं अपने. लाइक यू आर माय फ्रेंड तो आपके फ्रेंड्स मेरे भी फ्रेंड्स हुए. एक टाइप ये होती है. फिर कोलीग्स को डिफाइन कर दिया. फिर वो जिनसे हाय हेलो होती है लेकिन कभी आप उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहते, कभी आप डिनर पर नहीं जाना चाहते, कभी कॉफी चाय ये लंच इस तरह की चीजों पे आप नहीं जाना चाहते. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आप बात करते हैं, बट आपको वो अट्रैक्शन नहीं है, वो ख्वाहिश नहीं कि मैं इसके साथ कभी लंच पे जाऊं, डिनर पे जाऊं, या ये हम एक साथ बैठे हों कहीं पर. बाज दोस्त ऐसे होते हैं जो बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के होते हैं लोग, मतलब जिनको आप फ्रेंड्स भी कहते हैं अपने. उनसे आप सिर्फ डिबेट्स, डिस्कशन इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं. Exactly. ये एक डिफरेंट टाइप है. Wow. अच्छा, एक टाइप उसने बताई थी जो मतलब मैं सोचता था लेकिन उसको कोई नाम तो मैं नहीं दे सकता. उसने सेल्फ रिकॉग्नाइज्ड, आई थिंक, ओके, सेल्फ रिकॉग्नाइज्ड फ्रेंड्स. Okay. ये फिलॉसफी में एक नई टर्म है जिसको आई डोंट नो साहब का नाम जिन्होंने ये इस्तेला
جو ہے وہ متعارف کروائی تھی اور انہوں نے ڈیفائن کیا تھا کہ سیلف ریکگنائزڈ یا آئی ڈونٹ نو سیلف ریکگنائزڈ یا ریکگنائزڈ کے بجائے کچھ اور ورڈ تھا. یہ دوست یہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنہیں عام طور پر عام آدمی نہیں سمجھا جاتا. مطلب جیسے ہم کہتے ہیں یار میرا دوست پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو نو ایشو, میرا دوست معصوم ہے نو ایشو. میرا یہ اصطلاح جو ہے وہ متعارف کروائی تھی اور انہوں نے ڈیفائن کیا تھا کہ سیلف ریکگنائزڈ یا آئی ڈونٹ نو سیلف ریکگنائزڈ یا ریکگنائزڈ کے بجائے کچھ اور ورڈ تھا. یہ دوست یہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنہیں عام طور پر عام آدمی نہیں سمجھا جاتا. مطلب جیسے ہم کہتے ہیں یار میرا دوست پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو نو ایشو, میرا دوست معصوم ہے نو ایشو, میرا دوست ہے. لیکن یہ وہ انٹلیکچوئل قسم کے دوست ہوتے ہیں جو آپ کو تو اس طرح سے جانتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ اس سے پہلے اپنے آپ کو جان چکے ہوتے ہیں, وہ اپنا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جب ایک آدمی اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو اپنی کمزوریاں, خامیاں, خواب, ان ساری چیزوں سے واقف ہو جاتا ہے. اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار میری خواہش جب ٹوٹتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. جب آپ اس کے سامنے اپنی خواہش رکھو گے تو وہ آپ اکیلے نہیں اسے پورا کرنے کے لیے, وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ آلریڈی اس چیز کو ریئلائز کر چکا ہے کہ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. وہ پھر دو لوگ مل کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ بڑی فرینڈز نہیں ہوتے لیکن پھر بھی یہ بڑی فرینڈز کی طرح آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو ایک ٹائپ آف فرینڈ شپ یا فرینڈز یہ تھی. اور چار پانچ مجھے نام یاد نہیں, میں نے کہا میں ڈیٹیل میں ابھی بتا نہیں سکتا, لیکن کہنے سے مراد یہ تھی جو ہم ریلیشن شپ, فرینڈس, لورس ان کی بات کر رہے تھے. ہو سکتا ہے جنہیں ہم لورس کہتے ہیں یا جنہیں ہم کہتے ہیں یہ ریلیشن شپ ہے, اسی طرح کی بہت ساری چیزیں انہی 10 ٹائپس آف فرینڈس میں ملتی جلتی ہوں. جو ہوں تو فرینڈس ہی کی طرح, لیکن ہم نے ایک ٹیگ لائن کر دی کہ یہ میرا لور ہے یا یہ میری لور ہے. ہم نے اس سے ایک افیئر جو ہے یا ایک ریلیشن ہم نے بنا دیا کہ بس ڈن. ہو سکتا ہے ویسی فیلنگز کسی اور کے لیے بھی تھیں, وہ آپشن تھا کہ ہم اس سے اظہار کریں یا اس سے کریں, لیکن جب اظہار کر دیا تو ہم نے نام دے دیا اور اب اس کو لے کے چلنا ہے. حالانکہ وہی فیلنگز کسی اور کے لیے اس کے بارے میں بھی ہم ویسے ہی سوچ رہے تھے. میں اس چیز پر مزید پختہ ہوتی چلی گئی. میری سوچ جو ہے یہ کہ آپ کی کوئی ریلیشن شپ ہو اور ریلیشن شپ میں جیسے آپ ایک دوسرے کو جاننا شروع کریں, آہستہ آہستہ جانتے 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 آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ شخص جو ہے یہ میرا بہترین دوست ہے, لیکن یہ ریلیشن شپ جو ہے نا یہ اس دوستی کے آڑے آ رہی ہے. ہو سکتا ہے نا ایسا؟ یا ہوتا بھی ہے. کئی لوگ اس بات کو ریئلائز کرتے ہوں کہ یار یہ جو ریلیشن ہے یہ ریلیشن نہ ہوتا صرف فرینڈ شپ ہوتی تو کیا بات تھی. اور یہ جو فرینڈ شپ ہے یہ کاش صرف فرینڈ شپ نہ ہو, یہ ایک ریلیشن ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. Absolutely. I have some people to thank on SMS 6278. Rizwana from Faisalabad, thank you so much. Itni pyari pyari lovely duaon ka bahut shukriya. Zafar sun rahe hain, Hasnain, Atiq, Muhammad Javed, Ahmad, aur I am from Karachi, Farah, and Haika is listening, Sabah, Munir from Ghazali, Munir Khan from Ghazali, and Unknown kehte hain hi. اور ہنسی آپ کو ڈھیر ساری جو ہے سب لوگوں نے برتھ ڈے وشز دی ہیں. سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ دل سے. بیکاز اب ہم تھوڑی دیر میں وائنڈ اپ کریں گے. میرے پاس راحت کا وہ سانگ میں نے ڈھونڈوا لیا. اچھا جو آج ہم نے پلے کرنا تھا. یس یس آئیو گاٹ اٹ. فہیم گبول از لسننگ اندلیب فیصل آباد سے. وی ہیو ہو از دس, اپنا نام سب سے پہلے لکھا کریں سو وی نو ہو دس از. آرائی ہمیں سن رہے ہیں. ہاجرہ عزت نفس کاشف رضا, تھینک یو سو مچ. سیلف ریسپیکٹ. اچھا تھینک یو سو مچ کاشف. تھینکس. رابعہ سن رہی ہیں. شہزوب احمد آپ کا بہت شکریہ. رفیق علی اینڈ عبد العزیز بخاری. شیبہ انصاری فیس بک ولی ویڈیو ولی ہولینا آپ سے ہی سیکھا ہے جو دل میں. اوکے تھینک یو سو مچ لولی شیبہ تھینکس. اور شیبہ نے انفیکٹ مجھ سے بہت زیادہ گلا کیا تھا کہ کبھی کوئی مسئلہ تھا. تھینک یو سو مچ. سیلف ریسپیکٹ. تھینکس. رابعہ سن رہی ہیں. شہزوب احمد آپ کا بہت شکریہ. رفیق علی اینڈ عبد العزیز بخاری. شیبہ انصاری فیس بک ولی ویڈیو ولی ہولینا آپ سے ہی سیکھا ہے جو دل میں. اوکے تھینک یو سو مچ لولی شیبہ تھینکس.
और शिवा ने इनफैक्ट मुझसे बहुत ज्यादा गिला किया था कि कभी कोई मैसेज का जवाब भी दे दिया करो फेसबुक पर, एक कॉमन बात है। और संडे को तो एक कॉलर ने आके मेरी खास तौर पे इस बात पे FIR काटी थी, और मैंने अपनी पहली दफा लाइफ में FIR काटी खुद बैठकर ऑन एयर कि यस मुझे जवाब देने चाहिए। वो नहीं अलमारी पे चिपकाई, नहीं वो नहीं चिपकाई, वो मैंने जवाब देने शुरू कर दिए। ओके एंड देन वी हैव हु एल्स इज लिसनिंग, एंड इरम फातिमा बहुत बहुत शुक्रिया, असद थैंक यू सो मच, इकरा एंड आदी, मारिया, साद, फरहान फ्रॉम कराची, हामिद बेग फ्रॉम मलीर, हैप्पी बर्थडे हसनी, थैंक यू सो मच, और आज इनकी बेटी अरहमना की भी बर्थडे है, माशाल्लाह अरहमना को भी उनकी बर्थडे बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी बर्थडे एंड मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे रोशन, एंड इसके साथ साथ समरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और देन वी हैव ब्राउन आईज लिसनिंग टू अस, शहवार सिंह हैप्पी बर्थडे, समरीन खान, अरीशा और महक और नाजिया शाकिर, एंड फ्रॉम सीमा थैंक यू सो मच, असद सुमरो एंड मतीन, इसके साथ शुमाइला, और आज मेरी बहन 6 साल बाद मिलने आई, उन्होंने लव मैरिज की थी, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, हसन हेयर, हसन वाओ दैट्स ग्रेट, जबरदस्त माशाल्लाह, हैप्पी फॉर यू गाइस, हिरा नाज शुक्रिया, शौकत जान आपका बहुत शुक्रिया, लुबना शहजाद एंड मेमन हमें सुन रहे हैं, आर के आर मेमन, अदील हयात, समीना सईद और समरा अवैस फ्रॉम फैसलाबाद, एंड वाओ एंड मिस्टर खान इज लिसनिंग टू अस, एंड जॉर्जीना से हैप्पी बर्थडे टू यू हसनी, थैंक यू जॉर्जीना, नहीं ये जॉर्जिया नहीं जॉर्जिया एंजेलिना, जॉर्जीना एग्ला जॉर्जीना है? एग्ला जॉर्जीना, EGLAH GEORGINA, एक कॉलर थी कभी उनकी कॉल आ जाती थी, जॉर्जिया एंजेलिना शायद, अच्छा नो दिस इज एग्ला जॉर्जीना, ओके थैंक यू सो मच जॉर्ज, और एग्ला एग्ला यस, फातिमा हसनी, हसनी भाई हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, थैंक यू सो मच, और हारिस आपका बहुत शुक्रिया, इमरान जोकी हमें सुन रहे हैं, अस्मा, कबीर, और वाओ मैंने सारे मैसेजेस पढ़ दिए, मरियम एंड फैजी फ्रॉम मुल्तान, उरूसा सलीम फ्रॉम डी ग्राउंड, बुराक हाय अगेन, लड़के तो फिर भी फ्रैंक होकर सब क्लियर कर देते हैं लेकिन लड़कियां दूसरों से जब शुरू होती हैं तो बताती क्यों नहीं है। ओके चले, अच्छा चले ठीक है, आपको समझ आ गई ना, वो हम बात कर रहे थे ना कन्फ्रंटेशन की, कि लड़के तो फिर भी बता देते हैं ना कि भाई कोई कोई और सीन, हाँ लड़के, अब आप लड़के हैं तो आपने यही कहना है, एनीवे यहाँ पे एक जंग छिड़ जाएगी, मैंने कुछ पहले हमने कहा था लड़के लड़की की कोई बहस नहीं है इसमें, हाँ, हाफसा आमना फ्रॉम कराची, वालेकुम अस्सलाम, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हसनी आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, और देन अगेन दैट्स आई थिंक दैट्स अबाउट इट, ओके कुछ लव कनेक्शंस के पेज से कमेंट्स पढ़ लें, सॉरी रोजीना, आयशा, उमर एंड फैजली, महजेब, that's it. Okay. रोजिल आपने हैप्पी बर्थडे कहा, थैंक यू सो मच, शेख अनस आपने कहा कि ऑसम शो यार, बाय द वे रोजिल की बर्थडे अभी गुजरी है 1 अक्टूबर को, रोजिल की, यस रोजिल आपको भी आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, इसके अलावा मोहम्मद अली हैं, हैप्पी बर्थडे लीना जी, मुसर्रत जहां, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, मेरी तो कहा कि Awesome show यार, By the way, रोजिल की बर्थडे अभी गुजरी है 1 अक्टूबर को, रोजिल की, Yes. रोजिल आपको भी आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, इसके अलावा मोहम्मद अली हैं, हैप्पी बर्थडे लीना जी, मुसर्रत जहां, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, मेरी तो जून में गई है, तो बिलेटेड ना, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, ओके थैंक यू सो मच, एंड मोहम्मद अली अगेन थैंक यू सो मच, मुसर्रत जहां वालेकुम अस्सलाम, आपको भी पाकिस्तान की जीत बहुत मुबारक हो, कमल नूर वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच, प्रिंसेस शाम, हसनी भाई एंड लीना सिस, आई लव योर शो, तो आपको सब कहते हैं बट मैं नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे ये शो इतना पसंद है कि ये 3-4 लव्स लाइक के बहुत छोटे पड़ जाएंगे, दैट्स नाइस, थैंक यू हिरा सैयद उमर, वालेकुम अस्सलाम, वी बोथ आर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, शो इज गोइंग ग्रेट, लिसनिंग योर शो फ्रॉम द पास्ट 5 years, दिस शो इज ग्रेट ओनली बिकॉज ऑफ यू बोथ, थैंक यू सो मच, एंड आपने कहा कि वाई आर यू नॉट शेयरिंग एनी डिलेमा इन योर शोज, इसलिए कि डिलेमा हमारे पास पहले से नहीं होता, और लाइव एक डिलेमा हमने शामिल किया ना आज के प्रोग्राम में, जो एक दोस्त थे फैसलाबाद से जिनकी कॉल थी, सो अगर उस पर मैसेजेस होते डिलेमा का डिलेमा था, हाँ अगर उस पर मैसेजेस होते तो हम जरूर शामिल करते,
मुसर्रत जहां, मैं अपनी अम्मी को सलाम और थैंक्स कहना चाहूंगी. इनफैक्ट मुझे एक मैसेज याद आया बीच में, एक आया था और जो मैसेज नुमान के लिए था, डिलेमा का वो आंसर था, वो ये था कि अगर अगर उसने अपनी दोस्त को नहीं बताया, एक साल हो गया मंगनी हुए वे, अगर अपने दोस्त को नहीं बताया, एक साल लगा दिया बताते बताते, तो यानी कि उसको डर था कि अगर उसने पहले बता दिया तो वो दोस्ती खत्म हो जाएगी. तो अब जब बिल्कुल एंड पर जो है ना वो नेजे पे जान आ गई है, तो तब जाके बताया. सो दैट मीन्स कि ही हैज फीलिंग्स फॉर हर, जो उनकी दोस्त है. सो दैट्स इट. वो डिनाई कर रहे हैं कि वो डिनाई कर रहे हैं कि कोई. खान, वालेकुम सलाम और हैप्पी बर्थडे आपने कहा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हुस्ना खान, लीना बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, आमीन. थैंक यू, वेरी बिलेटेड बर्थडे दैट वाज. मुसर्रत जहां, अगेन आपके कमेंट का बहुत शुक्रिया. प्रिंसेस रिजा, वालेकुम सलाम, आपने भी शो को पसंद किया, आपके कमेंट का भी बहुत शुक्रिया. शहजाद रॉक स्टार, वालेकुम सलाम, आपको भी शो अच्छा लगा उसके लिए शुक्रिया. शकील खान खटक, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं एंड आपने कहा कि फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग रेडियो लाइव ऑन नेट. एंड हसनी भाई, ड्यू टू दैट आई एम डूइंग, यू आर वन ऑफ माई फेवरेट आरजे. थैंक यू सो मच जी. हिरा खान हाई एंड स्वीट परी, वालेकुम सलाम. सुमैया वली, वालेकुम सलाम. और फरहाद खान, इन्होंने कहा शाजिया यू आर सो लकी. आई डोंट नो, कोई कॉल थी, मे बी किसी कमेंट पे कहा होगा. नोमान अली, वालेकुम सलाम, आपकी बर्थडे विश करने का भी बहुत शुक्रिया. एंड TABAS Tabas Mirza. I think we are very sorry कि अगर आपका नाम सही ना ले पा रहे हो. हम दिल से लिया है, मोहब्बत से लिया. हाँ लिया है, बड़ी कोशिश करके लिया है. और इसके अलावा आपने दुआएं दी, बहुत शुक्रिया. आपकी विशेस का भी बहुत बहुत शुक्रिया. और दानी, थैंक यू सो मच. आर के आर, यशा पंछी, वालेकुम सलाम. आपने कहा 7 सालों में जितना भी आपके साथ, कौन से वो लिसनर्स आपके साथ हैं शुरू से अब तक जिसका आप नाम लेना चाहेंगे. और लीना शाह से भी यही सवाल के 15 साल में कौन सा वो लिसनर है जो अभी तक आपके साथ है. यार ये बड़ा मुश्किल सवाल हो जाएगा. मुझे लगता है थोड़ी बहुत नाइंसाफी भी इस तरह हो जाएगी कि पता नहीं कौन कितने बरसों से है, लेकिन अगर उसने कभी बताया नहीं तो इट डजेंट मीन कि वो नहीं है. और जो बड़ा हो जाएगी कि पता नहीं कौन कितने बरसों से है, लेकिन अगर उसने कभी बताया नहीं तो इट डजेंट मीन कि वो नहीं है. और जो बता रहा है, इसका भी सिर्फ मतलब नहीं कि सिर्फ वही है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं. मैं क्या कहूँगा अब इस बारे में, आप बताएं अगर आपको याद हो तो. आई थिंक देयर आर कपल, बट आई हैव अ लिसनर एंड His name is Naeem Zaidi. And even जबकि मैं बाहर भी चली गई थी तब भी he kept on sending me some emails and everything. अच्छा. और मेरी उनसे एक दो दफ़ा मुलाकात भी हुई भी है. लेकिन पाकिस्तान आने के बाद भी जो है वो he was listening to the shows. But then उसके बाद जो है he stopped communicating. तो but I am sure that he's listening in. Okay. Yeah. So yeah, that's one of the one listener that I know is there. Okay, that's yeah, cool. Yeah. Well, मेरा तो जब 2008 में मेरी शादी हुई तो एक decline आया, बहुत बुरा decline. तो मुझे तवक्को नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा. अच्छा. फिर मुझे बाद में अंदाजा हुआ, बल्कि कुछ वो जिसे कहते हैं ना sincere colleagues होते हैं जो आपको guide कर रहे होते हैं. तो उन्होंने मुझे उस वक्त कहा था कि ये decline आपको बर्दाश्त करना होगा क्योंकि आपने ये ऑन एयर कहा और शोबिज में ये चीजें नहीं कही जाती. आपको एक अपना रेगुलर एक वो बना के चलना चाहिए था. तो मुझे फिर उसके बाद जब बेटी का मैंने अनाउंस किया तो एक दूसरा डिक्लाइन आया. तो उस दौरान ना मुझे बहुत सारे ऐसे नाम, बल्कि खुल के लोग, खास तौर पे फीमेल, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ फीमेल, मेल लिसनर्स भी हैं, लेकिन जाहिर वक्त के साथ चीजें बदलती रहती है ना, प्रोग्राम्स के मूड बदले और वो जो चीजें आज हो रही हैं उसकी वजह से बहुत सारे नए लिसनर्स मिले. लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मैं ले सकता हूँ, बट मैं ये तो मुझे अंदाजा होता है कि इसने आज पहली बार बताया, मैं तब से आपको सुन रहा हूँ, ये तब से आपको सुन रही हूँ. लेकिन ये एक अजीब सी बात होती है कि जो मुझे नाम याद हो मैं बता दूं, बाकी लोग मुझसे गिला करें, मेरा नाम आपको याद नहीं रहा उस वक्त. तो इस वजह से मैं इस बारे में क्या कहूँ. मुझे अभी इनफैक्ट
ये यकीन से मैं कह भी नहीं सकता कि हाँ फलां वो लिसनर है या लिसनर हैं जो फर्स्ट शो से मुझे सुन रहे हैं, बट ये बात कंफर्म है कि ऐसे बहुत से लोग हैं. एरीज वालेकुम सलाम, और आपने दोनों को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहा. थैंक यू सो मच समी खान, आपके मैसेज का भी शुक्रिया. बिलाल बिल्ली यामिना, आपने कहा सिस एंड ब्रॉ सलाम, वालेकुम सलाम, आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज आज मेरा बर्थडे है. Oh, wow. मानो आपको आपकी बर्थडे बहुत मुबारक हो. मोहम्मद जैन शाहिद, वालेकुम सलाम, आपने कहा कि लव कनेक्शन का कोई भी मसला हल कर सकते हैं किसी नहीं, इन्होंने कहा आप वाकई में किसी के लव कनेक्शंस का कोई भी मसला हल कर सकते हैं, ये तो आज तक हमने कभी दावा Not नहीं at किया. All. हम तो खाली डिस्कशन कर रहे हैं मसलों पे. ये तो हमने कभी दावा नहीं किया और ना कभी हम ये भूल करेंगे. एंड दिया, वालेकुम सलाम, आपने कहा कि डू यू रिमेम्बर मी, बहुत ज्यादा टाइम बाद टेक्स्ट किया एंड कॉल तो अब करना बंद कर दी. वेल आई एम सो सॉरी, मैं सच बताऊं ये जो मुझे नाम के अलावा प्रिंसेस प्रिंस ये चीजें मुझे याद नहीं रहती हैं, खासतौर पे मैं ये मुझे इम्प्रेस नहीं करते बिल्कुल भी. तो अगर नाम से आप ओरिजिनल नाम से कभी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती रही हैं और वो ओरिजिनल नाम बताएं तो शायद मुझे याद आ जाए. अब्दुल कादिर, लीना यू नो ह्यूस्टन शुगरलैंड. Yes, of course. बस इतना इन्होंने लिखा. First Colony Mall. Hi, Abdul Qadir. And हुसना खान, आपने कहा कि I didn't know आप लोग आज कौन सी पोस्ट के कमेंट्स रीड कर रहे हैं. अच्छा, यही वो कमेंट था जो आपका लास्ट में था कि प्लीज मुझे बताएं मेरे क्वेश्चंस का जवाब. यही लव कनेक्शंस का पेज है जिसमें हम लव कनेक्शन में आपके कमेंट्स शामिल करते हैं. Colony Mall. Hi, Abdul Qadir. And हुसना खान, आपने कहा कि आई डिडंट नो आप लोग आज कौन सी पोस्ट के कमेंट्स रीड कर रहे हैं. अच्छा, यही वो कमेंट था जो आपका लास्ट में था कि प्लीज मुझे बताएं मेरे क्वेश्चंस का जवाब. यही लव कनेक्शंस का पेज है जिसमें हम लव कनेक्शन में आपके कमेंट्स शामिल करते हैं. हाँ, आप कुछ कह दें. आई हैव सम मोर पीपल टू थैंक. मोहम्मद जावेद, नैना शाह. नैना आज जो है ना फेसबुक मैसेजेस में पर्सनली खुद शो के बाद जाके उसका रिप्लाई करूंगी. अनम, आई वॉन्ट टू हैव मैनी फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू हैव मैनी फ्रेंड्स इन माई यूनी बट आई डोंट, हाउ डू आई. शी वॉन्ट्स टू हैव सो मैनी फ्रेंड्स, हाँ दोस्त कैसे बनाने हैं, लेकिन ज्यादा दोस्त नहीं. जस्ट बी योर सेल्फ, you know, just be yourself. और हर एक से hello hi रखें, बात करने की कोशिश करें, it's all good. दोस्त खुद बन जाएंगे, है ना? Okay, then Moses is saying, show is going really great. Happy belated birthday, Hasni bhai, and दुआओं का बहुत शुक्रिया. और इसके साथ साथ we have Tanveer Khan from Myanmar. Happy birthday, Hasni. Thank you so much, Tanveer. Arsalan, Feroz Gul, Imran Raza, Fakiha, और इसके साथ we have who else? हसन, मैं आप दोनों से कुट्टी हो गया है. हाँ, मैं आप दोनों से कुट्टी हो गया, मेरा मैसेज नहीं पढ़ा आपने. कोई बात नहीं, हमें दोस्ती करना आती है. प्लीज ये वाला तो पढ़ लें प्लीज. ये ऐसे ही लिखा था. एंड देन हिना फ्रॉम सदर पुलिस लाइन, बहुत शुक्रिया. एंड हसनी, आपको वंस अगेन बिलेटेड हैप्पी बर्थडे के मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. थैंक यू सो मच. मेरी जानिब से भी बहुत बहुत शुक्रिया. एक गाना है मेरे पास. कुछ लास्ट कमेंट्स पढ़ लूं मैं? हाँ हाँ बिल्कुल. कमेंट्स इसलिए कि आज थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी लोगों को कि किस पेज से हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं. ओके. समी खान अगेन, आपका कमेंट है नायाब. आपने कहा लीना यू इंस्पायर्ड मी, हसनी भी बी रेडी, आई एम गोइंग टू अनफ्रेंड. इट्स ओके, आई डोंट माइंड. एंड समी खान अगेन, समी खान एंड वलीद, आपने कहा कि बहुत गलत बात है यार, रिप्लाई तो दो. सईद वलीद, ये आपका कमेंट है जो सामने आया, इससे पहले शायद आपने कुछ कहा तो वो हमने प्रोग्राम में शामिल कर लिया होगा. एनीवे, आप सब दोस्तों का जिन्होंने लव डॉट कनेक्शंस फैन पेज पे कमेंट्स किए, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया. जिन्होंने टेक्स्ट मैसेजेस सेंड किए 6278 पर.